स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और पहला क्वेश्चन करो तुम लोग। एक चौबीस सौ आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, कितना क्षेत्रफल? 2400 सबका बन यस जाएगा। सर, 24 सौ, एक यस सर, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 18 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? पचास तो पचास 900 क्या या आयत का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, इंटू चौड़ाई? क्षेत्रफल 900, पचास सर, यदि 50 मीटर, चौड़ाई तीन 18 तो लंबाई x, 18 × 5 = 90, x बराबर 50। यदि किसी पचास है आयत की सर, भुजाओं का अनुपात 2:3 है, 50 मीटर, यदि उसका क्षेत्रफल क्या है 96 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो 96 × 3 × 6x टू इंटू स्क्वायर हो जाएगा ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। हेलो सोलह छक सर, हेलो, सोलह छक एक्स स्क्वायर बराबर 16 × 96। हाँ सर, सर वो आयतकार क्या है? आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके सर, रेक्टेंगुलर। ओके सर, ओके तो सर, ये हो गया 4 × 8, और ये हो गया 4 × 3 = 12, और ये हो गया कितना, और बीस ये दो आयत बारह क्या है? आठ बीस आयत दूना वो आयत रेक्टेंगल सर, तो आयतकार क्या है फिर? रेक्टेंगल दोनों रेक्टेंगल कैसे हो रेक्टेंगुलर जाएगा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर आयताकार को कहते हैं कैसे बन रेक्टेंगुलर, और आयत को जाएगा? कहते हैं रेक्टेंगल, ओके सर, ओके सर, दोनों सेम होता है। अच्छा, 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? नो नो प्रॉब्लम, सर। नेक्स्ट नेक्स्ट 1, 2, 3 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, 3 वाले नंबर क्वेश्चन सर, में? ये सर तीन सबसे पूछ रही है सर, तो क्या सर एक समझाइए ना सर, मेरी मेरी समझा दीजिए समझाइए सर, समझाते हुए चलिए सर। नंबर देखो अरे तीन इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला, इसमें क्या समझाना? ये सब तो पहले से अरे तुम सबको पढ़े आता हो ना, हम लोग हो, नहीं तो ना पढ़े हैं। यार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर लंबाई, हमें सर पढ़ाया जाता है फॉर्मूला ये, बता दीजिए ना सर, अपने बना आयत का लेगा। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो पहला आयत का कितना लंबाई दिया हुआ है, 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, तो ये हो गया आपका 2400 हो गया ना। अब एक में सर देखो कि आयत दिया हुआ क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये सर वाला फिगर बना दीजिए ना, सब समझ जाएगा, फिगर ऐसे बना दीजिए ना सर। ये हुआ तुम्हारा हाँ ये रेक्टेंगल। होगा, देखो ये द स्क्वायर वो वर्ग कहते हैं, इसको कहेंगे स्क्वायर में क्या कहते हैं फिर से बोलिएगा भाई? वर्ग। वर्ग, वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, वर्ग ठीक है, देखो ये तुम्हारा और हो गया स्क्वायर। त्रिभुज तो ट्रायंगल को जानते ही होंगे। अब ये हो गया, कहाँ गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक, इसमें फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या भाई जी? इससे पहले लिखवाए हाँ लिखवाए हैं। थे सर, फॉर्मूला अब देखो ये हुआ किसने तुम्हारा बोला राइट एंगल तीसरा मिल ट्रायंगल, ये हुआ जाएगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर? वो सब पता है, इतना समझ, कौन इतना बस त्रिभुज सर, एक बार इंग्लिश पैसल किया तो सब समझ जाते हैं। चलो। तो देखो इसका क्या होता है, आयत रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एल इंटू बी होता है। अब देखो एरिया कितना दिया हुआ है, 900, और चौड़ाई 18 मीटर इंटू लंबाई एक्स, तो 18 × 5 = 90, मतलब एक्स बराबर 50 मीटर, जिसका लंबाई 50 मीटर। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, किसी आयत की भुजाएं का अनुपात 2:3 है, यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो देखो ये अनुपात में दिए हुए है तो इसको एक्स कर लेना, 2x × 3x, ये हो इक्वल गया इसकी टू 96 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब इसको करते हैं 2x × 3x = 96, 3 × 6x² = 96, ये हो गया आठ सोलह छक बारह होगा सर छियानवे उसका, एक्स बराबर होगी 4। तो एक्स बराबर 4, तो ये यहाँ पे 4 रख दोगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 × 8। और आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो प्लस होता है, पेरीमीटर ऑफ बी, रेक्टेंगल 2 × L + B, तो एल टू प्लस इंटू बी एल का वैल्यू 12, बी का वैल्यू और आठ 8, बीस सर, तो 40 मीटर टू हो इंटू जाएगा 12 8 20 = 40 मीटर। प्रॉब्लम सर। क्लियर ये है? परिमित मतलब परिमीटर, पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर हाँ परिमित्र, पेरीमीटर, परिमाप या परिमिति उसी को कहते हैं। आ जाओ आ जाओ, चौथा पचवा, चौथा पचवा बनाओ तुम लोग।
चौथा पद बनाओ। हाँ चौथा और पचमा। सर ये समझ नहीं आ रहा है हल्का सवाल है। सर, वो जो भूखंड अब लिख रहा है सर, वो सब क्या है? लैंड लैंड एरिया, भूखंड चित्र आया तो चित्र बना लो पहले, खेत की जमीन के, जमीन का चित्र बता रहा है वो। भूखंड अरे हुआ नहीं, पोल वो का, जो भूखंड लिखा है वो क्या है? भूखंड भूखंड लैंड फॉर्म। भूखंड मतलब वो क्या है पूरा सर? 20 मीटर लैंड सर, फॉर्म, 4 का 90 होगा सर। लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म आयत का होता है रेक्टेंगल, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, लंबाई मतलब लेल लेंथ, एक तिहाई 1/3 इसको बोलते हैं। चौड़ाई कह रहे हैं सर तो आप लंबाई, समझ गए, लंबाई की अगर चौड़ाई पेरीमीटर में तो गुना करेंगे कुछो करो ना, जो मने सो करो। सर 90 नब्बे होगा ना? मीटर हो रहा है सर, 90 मीटर हो रहा है सर। आ रहा है आंसर। यस सर, 90 मीटर, 4 का, चुन्टू वन जब बाई 20 थ्री उसका एक्स बराबर चौड़ाई हो टू जा रहा है और सिक्स उसकी को वो तीन तीन गुना हो हो रहा जाएगा। है। मैथ रिवीजन कैसे तुम लोग का करवाएं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कम क्वेश्चन हो रहा है, इतना टाइम हुआ है। सही है, 12 बज गया 12 बज गया। तुम लोग बनाना ठीक है पहले। अब वही तुम तो बोले देखो, थे हम सर। ये ठीक होगा बनाओगे सर, पहले बनाएंगे तब मतलब तो। जो सवाल नहीं बनेगा उसको हम बनाएंगे फिर। यस एक सर, एक कौन नंबर सवाल है, चौथा ना? चौथा का आंसर थी नब्बे सर मीटर स्क्रीन ही दूर। नहीं खुल रहा है सर, क्या सर सर ये 5 नंबर का सर एक तो स्क्रीन खुल, ही नहीं खुल रहा है सर सर, 5 नंबर का 2 हो रहा है, 13,500। स्क्रीन ही नहीं खुल रहा है। नहीं सर, केवल आपका फोटो दिखाई दे रहा है सर, अभी डाटा फिर से आया तो। अच्छा, एक भूख आयताकार फिर से भूखंड, वर्कआउट होकर ज्वाइन हो जाइए। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का एक तिहाई है। मान लिया जाए लंबाई, लेट द लेंथ इज एक्स एक्स, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? x/3 जी यस सर, होगी ना। अब पर यस सर, ऐसा कीजिए ना पेरीमीटर, सर, इसको अगर चौड़ाई को 3x मानते हैं तो वो x रहेगा ना, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। इसको और यदि आसान हो जाएगा। लेंथ, ये भी आसान हो जाएगा। यदि लेंथ को थ्री मैं कह एक्स रहा तो मानोगे, 1/3 नहीं होगा लेंथ को यदि 3x मान लो तो ब्रिथ x हो जाएगा, तो 2 × l प्लस b बराबर पेरीमीटर हो जाता है, तो 240 दिया हुआ सर। है। तो 2 × लेंथ 3x प्लस ब्रिथ x बराबर 240, 240 को जी 3x सर, एक्स 4x बराबर क्या हो जाएगा? इसको 2 को काटोगे तो 120, और 4 दिया सर 12 30, और लेंथ बराबर 30 दिया 90, और ब्रिथ बराबर ये 30, 90 मीटर सर, लेंथ। समझ गए? तो सर 5 का आ रहा ये है, सर समझ दूसरा आ गए। रहा है सर, 13,500 स्क्वायर मीटर। तो 5 का जो आंसर है 13,500, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल, देखो पेरीमीटर 2 × l + b बराबर 480, और 2 × 5x + 3x ठीक बराबर 480, तो 24 × 48 240, 5 × 3 8x = 240, 8 × 3 24 30, तो x = 30, x = 30 हो गया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 30 × 5 150, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 × 5 150, 30 × 3 90, 15 × 9 35 एक सौ ऐसा। पैंतीस आराम से आंसर सके कितना छोटा छोटा सवाल है सर। ये सब जी। आएगा बहुत तो धूमधाम सर, ये सब इजी आएगा तो धूमधाम से 10 नंबर का आ जाएगा। है, ये सब नहीं आएगा यही सब आएगा हाँ हाँ सर, ये सब नहीं आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन सर, लिख ये लीजिएगा सब सर। नहीं आएगा, ये सब सही, आएगा तो सर कोई भी बना बीएससी में तो लेगा। सर, बीएससी में तो और बैंड बजा देता है एप्टीट्यूड सब में सर, क्या पूछे। अरे आर्ट्स नहीं वाले आएगा, बीए का तो आसान है। नहीं आएगा। भाई 6 ने 2016 वाला देखे थे, बहुत हार्ड था। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ना हम लोगों को। ये सर, हिम्मत तो नहीं हारना है और सीट तो अरे नहीं लेना है। नहीं, अरे बन गया था क्वेश्चन सर, ऐसा कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन बस फंसे थे। वो जो क्वेश्चन दिए ना उसमें सही में दिखाना पड़ेगा। हम वो जब बोलता कि उस द्रव को किसी चीज में डाला, या तो गोला में डालता
या तो यस फिर सर। बेलन में ही हाँ डालता, सर, या सर वो क्वेश्चन अधूरा है। वो ऐसा कुछ बोलता तो ना कि इस चीज में डाला गया, तब तो पता यस करते सर। कि वो समंदर में डाला कि सर नदी। वो एक दो का, सर वो एक दो क्वेश्चन गलत ही रहता है, उसका सबको आंसर मिल जाता है, या पेपर ही बनाने में मिस्टेक होता है तो। उसका नंबर कह वहां सकते हम कि गेंद वाला, जो गेंद वाला लाल गेंद पियर गेंद था, वो वाला बना था वाला दो बन गया का था, भेज देंगे हम। अब उसका देखो आंसर भेजें छठा नंबर सवाल और सातवां नंबर सवाल, सर। उस वर्ग क्या होता है? वर्ग स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब एरिया। ये तो आसान है सर एक भाई, होगा सर, 225 होगा सर, वो लिखो 2.25 एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है ना सर, साइड स्क्वायर, पंद्रह मतलब साइड स्क्वायर, लिख लो। पंद्रह सर दो सौ एक नंबर पच्चीस होगा सर, हाँ एक नंबर। लड़का सबको इंट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना लड़का है, 42 को है, बचल है ना। जी सर, कुछ लड़का सब सो भी गया है सर, हाँ तो फोन ऑन है। मेहरबा ऑन करके हम दिखाएंगे तुरंत भाई उनको। हर दिन कोई कैमरा ऑन होता है नहीं रात सोया हुआ में। सर, कोई नहीं सोया। चलो, अरे क्यों सोएगा, जिसका दिमाग में रहेगा कि निकालना है निकालना, उसको नींद आएगा। इंडियन में गूगल मीट ना बहुत सही है, लाइव टेस्ट होता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कैमरा हाँ ये बहुत ठीक, वन पॉइंट फाइव का सात होल स्क्वायर, का एक होगा सर। 25 का 225, 2.25, 2.25 वन, सात का का चार सोलह ना भुजा सेंट, होगा, एक वर्ग की सात भुजा का चार 40 सेंटीमीटर, होगा, उसका परिमाप क्या होगा? चार क्या नंबर होगा सर, चार लिखो चौथा होगा। लिखो हाँ लिखो, पेरी पेरी मीटर ऑफ नहीं 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 स्क्वायर। पेरीमीटर कुछ, नहीं यार पेरीमीटर है, चार चौक 4 × साइड होता है, तो फिर भाई 160 साइड सेम ही होगा। 160। अरे हिंदी में समझने में वो दिक्कत। 4 × 4 बराबर 160। ये सब सवाल आठ का बना तीन लेते होगा सर, आठ का आठ तीन। आठ नंबर सवाल, आठ नंबर। अरे बन रहा है तो, नहीं बन रहा है ना तो बोलो, सो मत जाओ क्लस वे में, सोने के थोड़ा लिए भी बैक करके नौ समझा नंबर सर क्वेश्चन दीजिए बताइए आठ सर, आठ थोड़ा नंबर बैक करके समझा दीजिए। बता रहा हूँ 8 9 विकर्ण क्या होता है सर? डायगोनल। डायगोनल होता है, जो इस कोना से उस कोना जाता है ना। हाँ हाँ वही होता है। बड़ा करें, ये सर कीजिए ना। चलो बनाओ इसको। ठीक है किनको प्रॉब्लम ना, था, कौन सा सवाल में किनको प्रॉब्लम था बताओ, करके मेरे को बता दीजिए कौन सवाल सर। बताओ एट आप। का थ्री हाँ सर यही। देखो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, ये फॉर्मूला है। जैसे कि देखो ये तुम्हारा स्क्वायर है ना, ये तुम्हारा स्क्वायर है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, तो ये बोलेंगे देखो स्क्वायर का क्या फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन क्या है। परिमिति और परिमाप सेम होता है सर। हाँ सेम होता है, स्क्वायर की ये चारों भुजा जो होती है ना बराबर होती है, ये चारों भुजा बराबर होती है। तो यदि इसका जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो बोलेंगे कि तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और ऐसे ऐसे होते होते वापस यहाँ पर आए, तो कितना दूरी चले, दूरी परिमाप मतलब दूरी, तो कितना दूरी, तो 10 सेंटीमीटर, 10 20 30 40, मतलब 4 × साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है, 4 × 10 40। 4 × a अब देखो किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 200 मीटर थ्री है, होगा तो सर। उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखो डायगोनल, लिखो फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर, 8 का b होगा, कोई बता दो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बहुत खुश हो जाएंगे रात में हम। सर 2√a। हाँ 2√a सही बोला है, √2 साइड होता है सर, जिसमें ए साइड है। अब बताओ तो ये कितना दिया हुआ है, दो परिमाप पूछ रहा है ना, तो डायगोनल वाला सा यहाँ आ गया, डायगोनल वाला थ्री फॉर्मूला रूट टू होगा सर। इसका प्लस हो रहा है सर √18 को 3√2 लिख सकते हैं ना।
नौ उन्ना दो लिखो ना। देखो किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 200 मीटर है, परिमाप चार गुना थ्री साइड, होना है, चार गुना भुजा बराबर 200 मीटर, तो तो चार पचास पचे दो मीटर सौ मतलब 50, साइड मीटर बराबर साइड 50, 2500 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हाँ तो कितना तीस सौ होगा पचास मतलब स्क्वायर एरिया कितना पच्चीस सौ होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, होगा 50 का होल स्क्वायर। सर। हाँ सर ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में होगा तो उसमें तो आपको डिनोट किया रहेगा ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है या फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। हाँ रहेगा 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 बिल्कुल एक ही हाँ रहता क्योंकि है हिंदी इंग्लिश में तो में कुछ ही। समझ में दो नहीं आ रहा है। अरे क्या मतलब वर्गाकार नंबर नौ का दो स्क्वायर होगा सर, नौ का परिमाप दो होगा ना सर। पेरीमीटर, एक आसान तो है क्षेत्रफल एरिया, इसको एरिया बोलते हैं। अब इसका है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज रूट 8 डेसीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया। देखो लिखो नो डाइग, होगा सर, नाइन होगा ना, देखते हैं नाइन डायगोनल होगा, नाइन ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का बराबर क्या होता है, रूट टू गुना भुजा साइड, रूट टू इंटू साइड। डायगोनल कितना दिया है, अंडर रूट 18 इंटू रूट टू इंटू साइड। इतना चीज समझ रहे हो, ये सब जो कर रहे हो वो कम से कम समझ रहे हो ना। यस सर, यस सर। अब देखो इसको रूट हाँ अट्ठारह नौ को, का दूसरा होगा, रूट अट्ठारह को थ्री क्या लिख सकते हो, होगा 9 गुना 2 बराबर रूट टू इंटू साइड। अब रूट, अब 3 को बाहर, ये रूट 9 है अंदर में, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, भुजा, 3 रूट 2 हो क्षेत्र जाए, मेत्री का ग्रुप में डाल देंगे भाई, 3 रूट 2 हो जाएगा बराबर रूट टू इंटू साइड, रूट से 2 कट गया, साइड बराबर 3, साइड बराबर तीन और आ गया, तो स्क्वायर स्क्वायर एरिया 9, एरिया समझ गए सब लोग। नो सर क्या नहीं समझे बताओ, क्या नहीं समझे। देखो शुरू से होता है रूट टू इंटू यही डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ये होता है रूट टू इंटू साइड। अब डायगोनल कितना दिया हुआ है, रूट 18 इजकल टू रूट टू इंटू साइड, पढ़ने आ रहा है कोई बताओ, रूट टू इंटू साइड। अब देखो रूट 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2, हाँ ना बोलो ना कम से यस कम, सर, तो यस सर, बराबर रूट टू इंटू साइड। अब देखो ये 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 बराबर रूट टू इंटू साइड। अब देखो रूट टू से रूट टू कट गया, साइड बराबर 3। अब एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, यस सर, तो 3 का थ्री होल, स्क्वायर थ्री का स्क्वायर एक काम करो तो जरा पता नहीं तुम लोग को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। कोई दूसरा चैप्टर चालू करिए ना, कितना देर से पढ़ा रहे हैं पप्पू, पप्पू तुम पढ़ रहे अभी हो, तो ये तो चालू इस, हुआ, अभी तो चालू तो हुआ ही है यार, अभी तो ही चालू ही हुआ सर। मुकुल जी मेंसुरेशन तो स्टार्ट ही हुआ है, लगते हैं पप्पू पीछे वाला कैमरा ऑन करो, करो तो तुम है क्लास में, पप्पू पीछे वाला कैमरा ऑन करके दिखाओ तो जरा सा, यस सर दिखा रहे हैं। पीछे वाला कैमरा ऑन करके, आगे बड़ा नहीं, कैमरा पीछे वाला कैमरा, ऑफ है सर, कैमरा ऑफ है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, जरा देख लेते हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, 2-4 मिनट तुम लोग को, चलो अब है ना, जरा दिखाओ तो यस सर, जल्दी, जरूरी भी है सर। पीछे वाला पप्पू, पीछे वाला दिखाओ, हम देख रहे हैं तुम्हारे पंखे को, देख रहे हैं तुम्हारे किताब को, देखना मुझे चाहिए। अरे देखो दिखाते हैं सब लड़का, यस सर, कौन कौन जाग रहा है, जल्दी 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 जो जल्दी, फाइन दिखा रहा राहुल रजक, इसको पीछे वाला कैमरा करने नहीं आ रहा है, राहुल रजक दिखाओ तो, जय हिंद, कैमरा नहीं आ रहा है सर। पीछे वाला कैमरा करके दिखाई तो जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी। और देखो राहुल रजक भाई, देखो ये देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख रहा है ना, देखो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, केशव यस कुमार सिंह, कांग्रेस केशव हुसैन,
ये सब 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 एकदम। ये सब सो गया सर। ये अबू तलहा कौन है? ये सब देखो, अच्छा ये सब भाई हैं। देखो देखो देखो, लिख रहे हैं ना सब। देखो सबके सामने किताब खुला हुआ है। देखो लिख रहा है, देखो सत्यम भाई को। देखो अब यहाँ पे सत्यम भाई देखो बना रहे हैं। देखो ये अबू तलहा जी, देखो ये भी किताब कॉपी लेके निकल। वाह वेरी गुड। देखो देखो ये भी लड़का देखो पढ़ रहा है। देखो पढ़ रहा है ये भी। देखो क्षेत्र मिति निकाल के बेचारा पढ़ रहा है। होशियार लड़का ही कौन है? हुसैन, एकदम होशियार लड़का ही सब है। चलो सब ठीक है, सबका ठीक है। चलो चेकिंग होना चाहिए बीच बीच में। आ जाओ, आप कौन सा क्वेश्चन करवाना है बताओ तो। कितने नंबर? 100 नंबर पे थे हम लोग। दस आयत वाला तो सब बना लोगे? दस अब अब आ 10 नंबर जाओ, होगा सर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 यदि कहोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 11 तो ऐसे ही सेम है। अच्छा नहीं, वो सब हो जाएगा सर। 10 11 में थोड़ा सा हार्ड है, तुम लोग बना कर दिखाओ। 10 11 थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तुम लोग दिमाग लगाओ। 10 नंबर 11 नंबर। अरे यार क्या बताए, अगला पेज में जाए। दस नंबर आयात एक क्या होता आयत रेक्टेंगल तो है? बता रहा हूँ, 18 3 सर पीडीएफ बताओ। पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता जी को कौन हरण किया था इसको पता है? में है क्या? पीडीएफ भेज चुके हैं सर पहले ही। पहली ना भेज अब तो बना रहे हैं। 10 11 बनाकर दिखाओ, सभी लोग जितने लोग हो सभी लोग। जब तक 15 लड़का पे ना आ जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे क्लास, है ही नहीं। अभी कुछ हुआ है, अभी ढाई घंटा क्लासे हुआ है। पढ़ो ना अच्छे से। किसी आयत का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विच 11 का आपसी पेरीमीटर इज होगा। 240 मीटर एंड व्हाट देन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल? यस सर, लेंथ आ रहा है 40 और बना ब्रेथ आ रहा है, लेंथ आ रहा है 80 और ब्रेथ आ रहा है 40 सर। रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो? मुकुल जी क्वेश्चन बन रहा है। हमसे पूछ रहे हो? यस जी, आपसे ही पूछ रहे हैं। सब बनेगा सब बनेगा सब बनेगा। अभी तो बनाओगे तब तो बनाओ, पानी पियो पहले तब बनेगा। नहीं पानी पियो। सर, 36 आप सर कॉमर्स का स्टूडेंट थे? नहीं भाई, कोई जब मालूम है तो काहे पूछ रहे। टेंथ का गरीबी। वर्ग अरे 10th में भाई सब हम पढ़े हैं, हम भी साइंस। अच्छा कॉमर्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट ही सब पढ़ता है क्या? जो ISC वाला पढ़ता है, IA वाला पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता ये सब, ये सब 10th तक ही सब पढ़ता है। ऐसे मजबूत रखना पड़ेगा। यस सर, हम लोग बिहार बोर्ड के थे, 8th से ही पढ़ाई किए थे। हाँ वर्ग में है सर। अब देखो कि किसी आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिमिति पेरीमीटर 240 है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 × साइड इक्वल टू कितना? 240। ये तो आसान था, तुम लोगों को कुछ 3600 होगा सर। ये जो लैंग्वेज दिया है वो बरगलाने के लिए दिया है। अब देखो 4 × 60, सर नहीं बरगलाने के लिए कैसे दिया है? हाँ देखो नहीं तो ये तो सही है वर्ग तभी साइड क्या होगा। है? 60। ठीक है, साइड 60 तो 3600, सीधे 3600 आंसर। आयत का यस सर, क्षेत्रफल 3600। यदि पूछता पूछता कि लंबाई चौड़ाई है तब तो, ये जो लंबाई चौड़ाई पूछता तो ये इतना सेंटेंस का यूज आता। ऐसे तो कोई इसका सेंटेंस का यूज ही नहीं आया इसका। जब बोल रहा है कि स्क्वायर का एरिया के इक्वल है रेक्टेंगल का एरिया, और स्क्वायर का दिया हुआ है ये आपका पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर से साइड निकाल दिए, साइड से एरिया निकाल दिए क्या? यस नो जी, अरे हाँ ना बोलो ना। Yes, yes, अगर लंबाई थोड़ा पूछा तब वो निकालना था जरूरी। हाँ तब क्या करते हैं, साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड 11 का 3 होगा ना, 11 देखो। यस सर, 11 का 3 होगा, 80 होगा सर। उस त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाफ, हाफ हाफ इनटू बेस इनटू। अरे क्लास नहीं चल रहा है, चल तो रहा है, ठीक तो है, 40 चल रहा है सर। सर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन से पूछ लिया इन्हें, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्र, उस त्रिभुज का क्षेत्र होगा सर जिसका आधार 20 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, बस 80 हो जाएगा। 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। कुछ डिफरेंट टाइप पर करवाए ऐसा नहीं कुछ। अरे भाई सब क्वेश्चन है करवाएंगे, हेलो इंडिया हार्ड हार्ड करवाएंगे तो नींद आवे लगेगा। ये सर आ गया, आ गया ना, रुको हार्ड करवाते हैं। लिखो ये सर, लिखो 12 पांडे जी बोलिए। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल बनाओ, 13 नंबर सवाल बनाओ और 14 नंबर सवाल बनाओ। हार्ड 12 13 पहले बनाओ हार्ड, देखो हार्ड कुछ होता नहीं है। 12 13 14 बना कर समलंब, मतलब समलंब लिखा हुआ, समलंब होता है तुम्हारा इक्विलेटरल। अरे 90 डिग्री जब नहीं बनता है यार। अरे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं क्या भाई? वो समकोण होता है, ट्रायंगल का तो बातें नहीं आता। नहीं नहीं वो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होता है, रुको ना इसका ये यार देखो पेट में नाम है समलंब, ट्रेपेजियम, 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 बहुत सही, गुड, ट्रेपेजियम सही। अब बताओ 12 13 14 बनाओ, बनाओ देखते हैं तुम लोग को बड़े बोल रहा था आसान आसान, तुम बनाओ 12 13 14। अरे बनाया जी, बन गया, बना रहे हैं सब का फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, क्लासे नहीं देखेगा तो मेरी गलती है। 12 का 912 वर्ग मीटर। यस सर, 912 12 का 1, 12 का 1 सही है। बनाओ ना, तुम लोग नहीं बनाते हो यार, दुख होता है यार, बनाओ यार सब बनाओ। सर ये समकोण मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए ये वाला? जी सर, जी सर, समझ। सर समलंब तत्र चतुर्भुज क्या होता है सर? ट्रेपेजियम, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुम्हारा हुआ ट्रेपेजियम। अन्य समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम नहीं लिखवाए हैं पिछली क्लास में? यस लिखा है सर, तो बनाओ। इसका भी तो वही होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। नहीं क्या, कौन कौन बीच में पुट तो नहीं बोल देता है, चुप हो जाता है। देखो लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लिखो मेरे साथ हिंदी में भी। समलंग चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इनटू हाइट, 4 इंच हाइट इनटू समानांतर, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन, तो हाइट लिखे ना, तो देखो 1/2 हिंदी में एक बार बोल दीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। फाहा, तो ऊंचाई के दोनों के सर 912 स्क्वायर मीटर होता है सर, 12 का 912, दोनों के बीच में कितना है यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर हो तो 24 है,
और सम ऑफ यदि समानांतर पैरेलल समानांतर भुजा मतलब पैरेलल साइड कितना है 52 + 24, 2 से 12 काट दो 12, अब 52 और 24 को जोड़ोगे तो 4 2 6 और 76, 76 × 12 करोगे 912, तो 76 × 12 करोगे तो 912 बन गया। सर एक मिनट सर, फिगर बना के बताइए, फॉर्मूला तो सर बना ही लिए लेकिन फिगर ये 52 और 24 क्या समानांतर है सर? फॉर्मूला पता नहीं था, फॉर्मूला पता होने के बाद तो इजी है पूरा है आपके पास? हम भेज देंगे नहीं, ये सब 8वीं पढ़े थे सब कुछ याद आ रहा है सर, जो फिगर बताते हैं ना। देखो फॉर्मूला सर, अगर इसका फॉर्मूला होगा जरा भेज दीजिएगा हमको। देखो सर ग्रुप में भेज दीजिएगा, समानांतर ग्रुप में भेज दीजिएगा। समानांतर भुजा है 52 मीटर 24 मीटर, मतलब ये वाला जो है वो 24 मीटर है ए से लेकर बी। सर ये टॉपिक वर्क का नाम कथी है? सी डी मेंसुरेशन, और ये आर एस अग्रवाल में होगा। हाँ सर तेरा कार्ड चैप्टर नाम बोल दीजिए ना, क्षेत्र मेंसुरेशन मेंसुरेशन भाई जी देख लिए तेरा का आंसर। ठीक है सर, पहले पूरा तेरा का आंसर इसको फिर। यस सर, तेरा का आंसर क्या होगा? हेलो तेरा का आंसर तो आसान है भाई, 8 होगा, 8 होगा सर, 8 आया 8 बटा 2 गुना 15 गुना x 60 तो 15 चौका 7 4 2 8 8 आंसर। Yes, sir. 14 भी बन गया। ये तो आसान है, ये सब देखो फॉर्मूला पर इसलिए आता है, इसलिए दे दिया है, फॉर्मूला पर आता है सवाल। 14 नंबर सर फॉर्मूला ही तो नहीं पता है, वही थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फॉर्मूला लिखवाए थे सत्यम जी? लिखवाए थे सर, ये सब सर हम शायद क्लास में सब का समय से लिखे नहीं थे शायद सर, ये सब का नहीं फॉर्मूला लिखता है नॉर्मल पूरा कर जाता है। लिखो मेरे साथ लिखिएगा ऑन तौर पे सर, 14 का 384 आ रहा है। अरे मार्शा जैसे जैसे आ रहा है सर, एक पेज जैसे जैसे आ रहा है उसे फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ राइट एंगल सर कॉलेज को पूरा पढ़ लेंगे कुछ। राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिखो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये मैं ग्रुप में अभी सेंड कर रहा हूं सर, इससे पहले आप शायद पढ़ाए हुए थे हमारे स्क्रीनशॉट में होगा। 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट तो बेस ये फॉर्मूला होता है, तो देखो 60 दिया हुआ है एरिया, 1/2 बेस दिया हुआ है कितना। देखो सब बोलता है मैथ नहीं बनता है, मैथ नहीं बनता है, क्लास करेगा तब तो मैथ बनेगा। एक भुजा 15 है yes, सर एक्स 15 चौका 7 एक्स, फिर देखो फिर 10 बोल आएगा लड़का बोलेगा सर मैथ के लिए एक अलग सेशन लाइए। सेशन कहाँ से लाए सर? उसका नंबर हमको दे दीजिएगा सर जो बोलेगा। हाँ एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, ग्रुप में दिए रोम्बस गलती लिखिए तुम लोग चेक कर लेना। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इनटू विकर्णों का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिख लो हिंदी में बोल दीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। अब इस पे सब बन जाएगा सर, ये टॉपिक आप पहले करा चुके हैं? नहीं हाँ, इसका 84 आ रहा है आंसर सर 14 का। ये टॉपिक पहले नहीं करवाया, आज पहली बार करवा रहे हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहा है, बट प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, प्रैक्टिस वही तो आज करवा रहे हैं तुम लोगों से। अभी ग्रुप में मैं शेयर किया हूँ तो 7 पेज सारा फॉर्मूला उसमें, कितना सुंदर तो दिखाई होगा। तो मैं गूगल से कल सर गूगल से मैं सर्च करके फिर सबको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अभी तो बहुत कर लेते इसको पूरा पढ़िए लेंगे, अभी तो बहुत टॉपिक पढ़ना है भाई। अभी प्रोबेबिलिटी तुमको पढ़ाना है, मेरे को मेंसुरेशन वो पढ़ाना है, ट्रिगो पढ़ाना है, दो तीन चैप्टर। अच्छा सर सर ट्रिगो नहीं आता सर, प्रोबेबिलिटी भी और ट्रिग्नोमेट्री सब देता है। 5 बज जाएगा सर, तो 5 बज जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई, तब तो मजा आ जाएगा सर, मजा कोई बात नहीं।
सर जी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। सेंड है ऑलरेडी भाई ना भी। अरे मेरे में नहीं है भाई, सब में तो अभी किया होगा, मैं आया होगा ग्रुप में गया होगा। आठ का फिर से भेज देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 के ना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 रोम्बस में आरएच आरएचओ होगा ना सर। हाँ वो देख लेना, हम कहना गलती लिखे हैं। 1/2 × 24 × 32 देख लो, 2 16 × 32 24 × 16 को कर दो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 16 × 64 32 की 4 हाथ में 6 और 16 × 32 6 38 384 समझ गया। प्रॉब्लम है तो यस बोलो, नहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए आगे बढ़िए। सर का फार्मूला फिर से बोलिएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इनटू प्रो। हेलो हेलो। हां सर फार्मूला फिर से बोलिएगा। 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके सर हो गया सर। लिखवा क्या क्वेश्चन, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करवाते चले जाएंगे। नीरज चला गया क्या? सर नहीं सर 35 वोटे बच गया है। अरे कहा ना कि 36 हां नीरज चला गया है 35 से बना। अंत शुरू सब करता है, अंत तक रहने वाला। अभी एक वोटे आ गया कोनो ज्वाइन होके। हां अभी कोई ज्वाइन नहीं, सीरियस नॉलेज है। और एक क्विज देते हैं। अच्छा तुम बताओ ये 14 नंबर तक करवाए थे? यस यस सर। अब हार्ड आएगा तुम लोग आसान आसान बोल के देते ना। क्या नीरज तो है ये टच कर लीजिए। नीरज तो है ये, कहां चला गया? अब इसको बना कर दिखाओ तो जरा, जानते हैं कि बड़ा होशियार है। कमदी बाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो। आइसोसेलेस। जिसका दो भुजा बराबर हो, बताओ। क्षेत्रफल √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वो समबाहु का होता है। समबाहु का, समबाहु का होता है वो इक्विलैटरल का होता है। आगे बताओ अभिनय। अभिनय फार्मूला जरा फिर बताना अभिनय। अरे वो गलत बताया है। अरे तुम कहे बोलता है फिर जी। सर आप बताइए ना फार्मूला दे एक बार। बताता बनाओ थोड़ा सा कोशिश करो, ये सब सवाल बनाए होगे कभी। सर फार्मूला है तो नहीं है यार, तो कैसे बनाएंगे उसमें कुछ हो। सर एक हीरोन फार्मूला भी होता है ना एरिया निकालने का। बस 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 वही 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 लगाना है इसमें। प्लस ट्रायंगल में लगता है स्केलन ट्रायंगल लंबा चौड़ा होता है त्रिभुज के क्षेत्र। देखो एक फार्मूला होता है परिमाप s, उसको से डिनोट करते हैं a प्लस b प्लस c सेमी पेरिमीटर। हाँ बाई रूट अंडर s माइनस s1 माइनस s2। ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले तुम क्या करो कि सेमी पेरिमीटर निकालो, s निकालो। ठीक है बहुत सवाल अभी करवाना है तुम लोग को। s निकालो तो s निकालोगे तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि a प्लस b प्लस c बाई टू मतलब 6 है प्लस 5 है प्लस 5 है, दो प्रत्येक समान भुजा 5 सेंटीमीटर सर, मतलब सर 12 cm स्क्वायर हो रहा है 15 का। अब देखो 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16/2 बराबर कितना हो गया 8। ये हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया जो इसका होता है, एरिया होता है वो होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5। देखो जितना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना क्वेश्चन आएगा। अब 10 क्वेश्चन में तुम चाहोगे कि इंट्रेंस एग्जाम में पूछ दे तो ऐसे थोड़े होता है। इसका एक और फॉर्मूला था 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a² - b² इसका ये करो ना, ये ज्यादा आसान रहेगा जल्दी। हाँ हाँ वो होता है वो, लेकिन हार्ड है उसको बनाने में टाइम लगेगा, ये ज्यादा आसान। तो देखो 4 × 3 = 12 सर एक इसका लॉजिक बताएं सर।
सर ये आप एट कहाँ से लिख दे रहे हैं? कौन क्या कैसे? सर देखिए एस, सर ये एट एट जो है ना वो एस का वैल्यू है, ये जो हीरोन का सूत्र होगा सर, कब लगेगा, कब यूज करेंगे सर? जब देखो समद्विबाहु दिया हुआ रहेगा ना, या कोई भी ऐसा ट्रायंगल जो जैसे देखो समबाहु, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समकोण उसका भी फॉर्मूला है। जिस ट्रायंगल का तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है उस पे तुम हीरोन का फॉर्मूला लगा दो। अगर किसी त्रिभुज का मैं नहीं मालूम तो इसमें लगा सकते हैं हीरोन का? हाँ हाँ बिल्कुल सब में लगेगा, किसी भी त्रिभुज में से भी हो रहा है सर, ट्रायंगल से भी हो रहा है, ट्रायंगल का भी फॉर्मूला से हो रहा है। देखिए वो 6 है ना सर, तो 3 3 हो जाएगा उसका बेस, जब दो भाग में बटेगा तो ये हेड जो डालेंगे ऊपर परपेंडिकुलर सर, भाई मेरे ऐसे, हाँ तो फिर उसके पाइथागोरस से हो जाएगा, फिर 4 हो रहा है उसका ऊंचाई हो रहा है ये 4, ये ऐसे उसके बाद चार या बारह। अरे बहुत सारे तरीके से हो जाएगा लेकिन आसान ये है। 3 नहीं, ये भी आसान है, देखो ये 3 नहीं, ये इतने तो कैलकुलेशन है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 5, ये 5 तो ये हो गया 4, 1/2 × 6 × 4 हो गया 2 × 3 × 6 × 4 × 12 पर ऐसा सब में नहीं आराम है ना, ऐसा बैठ ऐसा सब में नहीं, ऐसा छो रहता तो इंडियन इफ्तिकार भाई वहां पे छो रहता तो 5 की जगह छो रहता तो फिर सर इधर 5 होता तो 2.5 ले लेते सर, नहीं जितना भी ये समद्विबाहु होगा ना उसमें ये फार्मूला यूज हो जाता, हो सकता है सर। चलो सर हम पानी पे कहते हैं, हमको नींद आ गई क्वेश्चन देख के। चलो ना आगे, और हार्ड आएगा और नींद आएगा हार्ड सर, पढ़े नहीं है ना तो हमारा समझ नहीं आ रहा, हम पानी पे कहते हैं तो क्वेश्चन तो आप ये कीजिए ना, आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पे क्वेश्चन कीजिए, पढ़ना क्या कोई भी चीज तो पहली बार, वही तो कल करेंगे हम इसको अच्छा से पढ़िया पढ़ेंगे। और उस हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सीएमपी से है ना। हाँ हमको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ये भी दिक्कत हो रहा है। हाँ सर कोई बात नहीं, उसको पढ़ लेंगे अच्छा से, क्लास वर्क कीजिए सर। यस सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तुम चले जाओ दिलजीत, तुम चले जाओ तब समद्विबाहु त्रिभुज जाएंगे तो नहीं भाई, जितना दे रहे हैं उतना दे जाएंगे, आते हैं पानी पीने तो नींद आ जाएगा। अच्छा भाई देखो क्या करो तुम लोग, क्या करो, चलो दो मिनट रुके ना, हम पानी पी के आते हैं सर, बहुत नींद आ रहा है। हाँ पीजिए पीजिए, आप भी पी लीजिए, आप तो पी के आते हैं सर। अरे थोड़ा दूर है ना, आते हैं, पहले बोले थे 1 घंटे का ब्रेक दीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन बनाते, फिर 1 घंटे बाद क्लास लेते, जो जो नहीं बने उससे देखो ना, तो सब सो जाएंगे साथ, हम सर पानी पानी पिला दिया। देखो मेरे सर, हम बनाने के लिए तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम फॉर्मूला मेरे साथ लिखो, ऊपर से क्या जा रहा है आप बताइए ना, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बोले कि ऊपर से जा रहा है क्या, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल सर, क्वेश्चन मतलब कि हिंदी में ना सर, तो खुद से नहीं हो पा रहा जब तक आप समझा नहीं रहे पूरी तरीके से, तो हम इंग्लिश में कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। हां तो ठीक हो रहा है सर, नहीं यस सर इंग्लिश में कर दीजिए, मतलब इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। आगे आ जाओ, देखो जैसे 15 यस सर 16 नंबर सवाल, 16 नंबर पे आ जाओ, देखो तुम समझना, बनाने की कोशिश मत करना, पहले हम जो बोलेंगे ना उसको समझना, बिल्कुल बनाने की कोशिश मत करना। 16 और 17 नंबर सवाल क्या सर? 16 और 17 आप लोग देखो, बनाने की कोशिश मत करना, पहले मेरी बातों को समझ जाना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, यही सही है। एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, तो पार्क बनाते हैं, पहले समझते जाना। एक पार्क है, ये पार्क है, इस पार्क की जो लंबाई है तो लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ दिस पार्क इज 70 मीटर, ठीक है, एंड चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, ये 30 मीटर, सॉरी यहाँ पे होगा ना 30 मीटर, 30 मीटर, ये रेक्टेंगुलर एक पार्क है, बाकी हिंदी वाले पढ़ लो, इंग्लिश वाले को समझा दे रहे हैं। इस रेक्टेंगुलर पार्क में क्या है कि लेंथ जो है 70 मीटर है और ब्रिथ जो है 30 मीटर है, और देखो इसका जो बाउंड्री है ना उसके उसके चारों तरफ एक रास्ता जो है वो 5 मीटर चौड़ा है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक रास्ता है, इसके चारों तरफ एक रास्ता है जो 5 मीटर चौड़ा है, अब देखो
ये रास्ता जो है ना, ये 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, ये रास्ता जो है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बोल रहा है। पांच, तुम बताओ यदि ये 5 मीटर यहां से यहां, यहां से यहां 5 मीटर यदि चौड़ा है, और यहां से यहां ये 5 मीटर चौड़ा है, और यहां से यहां ये 70 मीटर है, 30-40 होगा, 30-80, तो ये 5 मीटर होगा कि नहीं यहां से यहां? ये सर होगा, पांच मीटर वो 35 हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा, ये 5 मीटर नहीं, इधर भी 5 होगा ना, तो इधर भी देखो, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, तो ये 70 है, तो ये टोटल जो लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 हो जाएगी, ये सर 80 हो जाएगा, यस सर, और 40 हो जाएगा। अब देखो ये 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यस सर, और ऊपर से ऊपर तक 5 मीटर, तो मतलब 30, 5, 35, 50, ये टोटल लंबाई की बात करें, इसको इनसे लिखते हैं, इसकी लंबाई की बात हम लोग करें तो ये टोटल 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अब पहले तुम निकालो अंदर वाले खेत का एरिया, एरिया सर अंदर बाहर वाले का और अंदर वाले का निकाल के माइनस कर देंगे, हाँ, इसका देखो कर देंगे, बाहर वाले में अंदर, इसका निकालो, अब फिर देखो इसका निकालो, इसका निकालो सर, तो ई बोला था कि हल्का है, जो पहले का समझाया है वो हमारा ठीक को समझ नहीं आया है, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, 70 और 30, ये कितना हो जाएगा, 2100, ये समझ में आ गया, 2100, ये सर समझ में आ गया, देखिए ना अभी आप पानी पी के आए ना, आपको समझ में आएगा सारा सवाल, सब वही सवाल है, सब वही कर रहे हैं, तो और हार्ड थोड़ा सा कर रहे हैं, पर आप इसमें अपना पूरा होगा। अब देखो बाकी 80 और 40 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का क्षेत्रफल, तो ये 3200 हो जाएगा, ये सर 3200 पूरा फील्ड का क्षेत्रफल, और इसका आ गया 2100, टोटल का 3200, तो माइनस कर दो 3200 माइनस 1100 आंसर, समझ में आया, बहुत हल्का था, आ गया सर समझ में, सब हल्के था, हाँ सर, अगर नींद आ रहा था ना, सर फॉर्मूला याद नहीं है ना सर, हिंदी में ना वो सर समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी बात तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, हाँ सर, ये सर इस बार तो समझ में आ गया, तो अब सब आ जाएगा, पहले बोलना चाहिए ना कि सर भावनाओं को समझाइए, तो हम भावना को समझाते, यस सर, गुड एक्सप्लेन कैन सर, इस बार बोले ही नहीं आप, क्या करें, आ जाओ अगला, किसी आयताकार खेत का लंबाई और चौड़ाई का योग का, खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। देखो क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका एरिया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज मल्टीप्लाई, ये एड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ जो है, तो देखो क्या है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, देखो ये एक आयताकार क्षेत्र है, ये एक आयताकार क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मतलब फील्ड है, इसका क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का योग, तो उसका लेंथ और ब्रीथ का जो एड है, सम है, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ इज 15 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, कौन, क्षेत्रफल, एरिया, तो उसकी लंबाई 40 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी, सर 24 होगा आंसर ना, अब देखो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, कौन, ये तो बड़ा होशियार वाला सवाल कर दिया ना, किसी आयताकार क्षेत्र, खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, सर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ है, हां तो लेट द, यस सर, लेट द ब्रेथ इज एक्स, एक्स मीटर यदि हम इसको मान लेते हैं, और ये 40 मीटर तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यस सर, यस सर, तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का योग मतलब एक्स प्लस 40 का 15 गुना है, कौन, एरिया है ना, यस सर, अच्छा इसको इक्वल टू कर दीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ,
ऐसे कर सकते हैं। चलो देखो क्या किए, एकदम भावना को समझो कि लंबाई और चौड़ाई के योग मतलब एड ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ, द लेंथ एंड द ब्रेथ के एड का 15 टाइम्स है क्षेत्रफल एरिया, है ना। एरिया जो है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया yes, है sir, yes, sir. वो 15 टाइम्स है उसके लेंथ और ब्रेंथ के एड का, यस yes, सर उसके एड का, एड का तो एड कर लिए, x प्लस 40 का 15 टाइम्स कर दिए, और क्षेत्रफल तुम जानते हो कि x इंटू 40 मतलब कि लंबाई इंटू चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, 24 होगा। यस सर जी सर इसी तरह होता है, समझ गए। देखो क्षेत्रफल क्या हम बता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ ना नहीं बोलते हो, हेलो यस सर, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आधा तो सर मात गया है सर, सब मातल है हम समझ गए, अरे छोड़ दे क्या बोल रहे हैं नहीं सर, सर क्या बोले हम लोग अब टाइट हैं सर, अभी तो पानी पी के आए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सब एकदम मात गया है, फिर से हम देखो तो देखे पड़ेगा सब, लंबाई इनटू चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इनटू बी, तरीका था उसी से बना लीजिए, कौन तरीका सर, सर इसका 24 आंसर आएगा क्या, मतलब 36 लड़का, हां भाई 24 आएगा सर, 36 गो में 3 गो तो हम सर 24 ही आएगा सर, सर समझ गए कैसे बोलना है, हां हां 24 आएगा भाई, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम बताओ सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ ये बताओ, मतलब कि सर उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऐड का 15 टाइम्स है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का जो है वो हमारा 15 टाइम्स है, 15 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यस सर, इनटू लेंथ x इनटू 40, यस सर, तो ये हो गया 15x प्लस 15 चौका 60 मतलब 600 बराबर 40x, और 40 में से yes, 15 गया तो कितना हो गया 25, 25 600 बराबर 25 है 600, यस सर, ये 15 को उधर किए 15 गुना 50 सर, इजी था फार्मूला लगाने के बाद तो, अरे मात गया है सब मात गया है, ये लोग मात गया है, लगता है चेक कीजिए ना सर एक बार, अरे ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन मैं आ गया सर अभी कहां, टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, आपको समझना इम्पोर्टेंट है ना सर, अरे पानी पीने के बाद एकदम मजा आ गया पढ़ने में, 17 कोमल जी अभी पानी लाइए क्वेश्चन लाइए, 17 भाई दारू वगैरह नहीं ना पिए हो भाई, क्या लाल का पिया है लाल का, 18 और 19 बताओ, 18 19 बनाओ, देखो ये सब आसान है, कितना क्वेश्चन इसमें जानते हो, मेंसुरेशन में मात्र ज्यादा कहां सवाल तुम्हारा है, मात्र 60 सवाल है, 18 19 बनाओ, 18 19 छोड़ देंगे, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, रुको ना फिर नया चैप्टर में आ जाएंगे, पर तुम लोग सही इसमें ट्रेंड हो जाओ तब दो, ये सर धन चले जाए रोज छोड़ के चले जाए, ऐसी उड़ेते चले जाए सर, पाइथागोरस थ्योरम सर फार्मूला लिखे ना, कर्ण सर छोड़ के चले जाएंगे तो अभी अच्छा लगेगा, बाद में एग्जाम में मजा आएगा, तो रूट थ्री का मान क्या होता है सर, रूट थ्री का मान यहाँ निकालने का जरूरत 1.32, अच्छा 1√3 का मान होता है 1.32, 1.732 सर, 1.73 होता है, 731 कर दो, 1.73 हाँ लिख लो, पाइथागोरस बोल रहा था, एकदम देखो दिमाग से उड़ेगा तो क्या फायदा है, उड़ाना हम लोग को नहीं ना, हम लोग को सीखने के लिए है, सीखने से एग्जाम हम लोग को उड़ा देगा, फिर सीखने एग्जाम उड़ा देगा तुम लोग को, सीखने सीखा, तुम लोग पानी पियो, तुम लोग पानी पियो, उसके बाद तुम 2 मिनट रेस्ट करो, हम लाइन पे ही बात करते रहेंगे तुमसे 2 मिनट, मतलब 52 हुआ है ना, 2-4 मिनट रेस्ट करो, माइंड को शांत करो थोड़ा सा, और उसके बाद तुम मेरे से मिलो, उसके बाद हम तुमको समझाएंगे, तुम सबको पीने तो जाना है सर को पानी, हम लोग को उल्लू बना रहे हैं, ठीक है पांडे जी आप भी पी लीजिए, कहा था दिक्कत है, अगर वो होते ना तब बात सुनते हो, देखो एकदम पानी पीने चले गए हम लोग को उल्लू बना रहे हैं, 2-4 मिनट रुको हम जा रहे हैं बात करते हैं, कहाँ बात कर रहे हैं,
तो आपको ना बोला है बतियाने के लिए। अच्छा आप बतियाइए। अब नए तुम खाना खा लिया? ना दूध रोटी खाने जा रहे। दूध रोटी हो गई क्या? खा के आओ। डेली हम खाते हैं एक दो ही बजे। इतना सवेरे क्यों खा रहे हो? सब दिन खाते हैं बे। संडे से पूछो ना हम कै बजे इसको कर उठते हैं। 3 बजे 4 बजे तो सोपे करता है। अब 12 बजे उठता है। 12 बजे घर में गाली सुनते हैं सर। पानी पियो, 2 सेकंड रेस्ट करो। 2 मिनट रुक जाइए सर। ये सर 2 मिनट रुके हुए हैं। बोलेगा तो सो जाएगा। एकदम शांत दिमाग से। अगर किसी को गाना सुनना है तो 2-4 मिनट 1-2 मिनट सुन भी सकते हो। सुन लो जाकर जो तुम्हारा मूड है। ऑन करो भाई गाने को। ऑन करो। अरे वो गाना ना ऑन करो। यहां पे ऑन मत करो। यहां पे ऑन मत करो। कुछ ज्यादा है। बुलेट गाने वाला भाई कोई कोई सिंगर है। कोई सिंगर है तो तुम भले गा सकते हो। कोई सिंगर है तो गाओ। सर ये पांडे जी है। कोई सिंगर देखो जब पहला दिन जाओगे पटना यूनिवर्सिटी में तो गवाएगा। क्लास में गब आएगा कि गाओ? सर हम गाना गाएंगे तो अदर लोग बेहोश हो जाएगा। अरे सर वो आंटा वहाँ आ वाला गीतवा नहीं है बुलेट राजे वाला। हाँ सर वही थी। वही सब गाएगा। क्या गाएगा? चलिए चलिए छोड़िए छोड़िए वो सब गाना है। सर को समझ में आ गया वो। भारी बढ़िया से हमें ही हम बिहार में ना रहते हैं। और क्या ये सब गाना बजाइए। बिहार को बदनाम करे में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सर हमारा यहाँ हर दिन शादी होता है। हम तो हर दिन सुनते हैं। वो बिना उस गाना के शादी नहीं होगा। लड़का लड़की लड़का लड़की मंडप में जेबे नहीं करेगा कि ये गाना ना बजा हम मंडप में नहीं जाएंगे। ये सर सही बोल रहे हैं। कैंसिल करो कैंसिल। गीत नहीं है पंडित जी है। पंडित जी है सही। ये बात सही होगा। वो गीत नहीं है पंडित जी है। पंडियों जी वह गाना सुन के मंत्र पढ़ते हैं। एक एक कहते हो बारात जाने से यार इंसल्ट मत करो यार। बारात जाने से पहले लेडीज सब निकालती है एक जुलूस जैसा माथा पे। एक दिन पहले नहीं बारात जाने वाले दिन। अच्छा सर वो दिन। हाँ सर गाँव वगैरह घूमती है। हाँ सर वो तो बहुत नॉर्मल है। वो तो हर दिन होता है यहाँ पे। हाँ तो उसमें अब हम यही बात गौर कर रहे हैं। हम कहीं भी देखते हैं अपने गांव में भी देखते हैं कि अब लेडीजवन खूब नाचती है। यह सब ये सब बहुत ज्यादा हाँ। यही सब गर्मा। गर्मा। हम सब तो चलो कोई बात नहीं नागिन बन जाते हैं रोडों पे धूली में एकदम प्योर नाग नागिन वाला रूप में आके। मैंने देखा है नाचते हुए। मारा मारी भी चालू हो जाते। अरे मारा मारी थोड़ी आता इधरे हुआ है ना। हम चल लेते बड़ा मजा आता है। पर देखे जब नाग नागिन बनता है ना सब लोग पी पी कर। बंद तो है नहीं बिहार में। अब पी लेता है तो पूरा लेता है। वही गाना बजाता है मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। हमारा लोट रहा है जमीन वहां पर। नया नया शर्ट पहन के आता है। बाप बाप एकदम धूल धूल कर लेता फोन खा लेता फिर गंजी पहन के कर लेता। जब जयमाला के पास जयमाला के पास पहुंचते पहुंचते उसका सारा सब एकदम हालत खराब हो जाता है। उसका नागमणि निकल जाता तब तक में सबका नागमणि सबका निकल जाता है सब जाता है। बताओ अब तुम लोग 1-2 मिनट कर लिए ना। हाँ सर एक मिनट और सर 1-2 मिनट 5 वाले का ज्वाइन भी हो गया नया। क्या करने आ रहा है इस औरत सबको। सर सबको नींद खुली है ना तो फिर दो रहा है। वो देख रहा है कि क्लास हो रहा है चलो घूम जाते हैं। अब सर अब मजा लग रहा है। 33 बच्चा है 34 337 एक और ज्वाइन हो गया। छोड़ गया कि और ज्वाइन हो गया। कहां-कहां से सब आ रहा है वो चीज के सर बिल मत दिख रहा है। रूम से और कहां से किसी के पापा भेज रहे हैं सब एक एक नींद पूरा कर कर के आ रहे हैं। हाँ यही सब है सब। नहीं नहीं नींद टूटता नहीं है। अच्छा सब भूतवा उठ रहा है सर। अब उसके बाद हम लोग दिन में कर लेंगे ना। दिन में ना संभव रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सर देवे नहीं करेंगे।
रिकॉर्डिंग क्लास होगा तो बहुत बढ़िया, इतना टैलेंटेड है, दिन में कर लेंगे। तब कोई रिकॉर्डिंग का पता, अरे वो नींद, इसमें नींद बोल रहे हैं ना कि क्लास, सोने के लिए बोले हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब इसमें कोई सिंगर नहीं है, कुछ गा दो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्यम गा दो, सत्यम गा दो, लजाना क्या है, गा दो कोई, सत्यम गाओ कोई है। सर मेरे स्कूल में एक टीचर थे ना, उनको सर मेरे स्कूल में एक टीचर थे ना, उनको जब भी बोलते थे गाने गाने के लिए, तो बोलते थे कि हम गाना गाएंगे तो पूरा स्कूल बेहोश हो जाएगा। ना तब मैं बेहोश होना चाहता था, चले तो मैं बेहोश होना चाहता था। गाओ यार, वो बात गाओ, गाओ एक आध वो गाओ भाई, हमने तो पांचों पांच को एक्स्ट्रा कुछ बनवा लो क्या, लेकिन गाना ना गवाओ। कौन था वो, बोला था कि हम गाते हैं पांडे जी, तो गाएंगे कविता गा दो तुम भाई, कविता गा दो तुम, पंडित जी मंत्र पढ़े लगेंगे। चलो आ जाओ, हो गया अब एक घंटा, फिर एक डेढ़ घंटा, दो घंटा पढ़ो, थक गए भाई। यस सर, यस सर, अब सही होगा सर, माइंड फ्रेश हो गया। 10 बजे अब नहीं, दूध रोटी खा के गाओ तो गाना। हाँ अब नहीं भाई, अब दूध रोटी खा लीजिए, मार लीजिए रत्ती, अभी 2 बजे खा लीजिए सर, खा लीजिए सर, खा लीजिए। इसी कारण तो बोल रहा था, एक मिनट एक मिनट। चलो सर, डेली खाते हैं इतने बजे हम, 1-2 बजे। चलो चलो देखो, 18 नंबर सवाल आ जाओ, आ जाओ 18 नंबर। सब उठ उठ के आ कहाँ से रहा है सर, बहुत परेशानी हो गया सर, नॉलेज आया सर, जीएस नॉलेज सदा टूटे आ गया, ये कहाँ से, ये नया स्टूडेंट आया है जीएस नॉलेज सर, लग रहा पता चला एंटरटेनमेंट मिल रहा है भाई, अभी सब भागेगा फिर 5 मिनट। लिखो देखो, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले सब भाग जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं ना, हाँ इक्विलेटरल, लिखो फर्स्ट नंबर होगा सर, जिसका सब साइड एरिया, लिखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखो अंडर रूट 3y4 इनटू साइड स्क्वायर, ये लिख लो पहले फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो इस पे सेट करते हैं, रूट 3/4 इंटू 7, साइड का मतलब 7 × 7। अब इसको कर दो तो इसको कर दोगे तो आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा 7×7=49 √3/4। अब इसको तुम कटम कुटी तुम अपने हाथ से कर लो तो तुम्हारा 18 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, तीसरा 21 में आएगा, 21 में आएगा कुछ सर, हाँ 21 मेरा आ रहा सर, 21.22 21.32 सर, 22 आ रहा है तो 1.22 आ रहा, 22 आएगा, देखिए ना एक बार फिर से 21.22 आएगा, 18 का आंसर जो है वो 3 है, 22 पूरा तोड़ कर बनाने दीजिए, अरे तो बस रूट 3 का तो मान रखना है, 3 का मान रखना है, हो गया सर, हो गया नाइस का ऑप्शन बनाएगा, अरे नहीं आ जाओ लिख लिए ना, अब ये वाला तो बनाओ, 19 नंबर तो तुम लोग बना सकते हो, ये होगा, ये सर फर्स्ट होगा, फर्स्ट आया और भागा ना भाई, गाना का बात किए तो आ गया। अब इसका बताओ, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताए थे, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, ये बताए थे ना, तो रूट 3/4 और साइड का वैल्यू है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर, तो रूट 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 × 3 तो 4×16 और वो 4×3 = 12 √3 के नंबर सर, के नंबर, ये नंबर नंबर 19 नंबर, एक नंबर 19 नंबर तक बना दिए, आ जाओ यार लिखते जाना, सब फार्मूला पर है, बन रहा है सर, ये सब बन रहा है, लिखते जा रहे हैं, यस सर, सत्यम भेज दे तुमको हम फार्मूला पूरा इसका एरिया का, ग्रुप में भेजो ना यार, अपने गर्ल्स ग्रुप में भी भेज दो सर, भेज दीजिए आप गर्ल्स ग्रुप में, अब ना एक मिनट देखते हैं तुम कथी भेजा है हमरा, चलो 20 अच्छा तुम लोग उछल रहे थे तो अब उछलना बंद करो, बताओ ये दोनों सवाल को जरा बना कर दिखाओ, तो बनाओ 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 बनाओ,
अब बनाओ 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 32। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 128। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 128 है ना। अरे क्या कर रहा है दीपक भाई मेरे दोस्त। अब देखो घनाव वाला सिस्टम आ गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 128। मतलब कि एल बी एल एच इंटू एल बी बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम भूल गए भाई। ये सर चारों दीवारों का हम देख रहे हैं सर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो सर क्यूबिक हो जाएगा ना सर, इसलिए टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाता है। मिल गया लिखो इसका, लिखो टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है चारों दीवार। ये जीएस नॉलेज कौन है सर, इसको किक करिए तो सर। क्या शेयर कर रहा है सर, क्या हो गया जीएस नॉलेज सर, मैं लिंक भेज रहा है, लिंक भेज रहा है सर, भाग गया जाने क्या कर रहा है सर, फेक है कोई आएगा तो बताना, तो जरा इसको मारते हैं ये ब्लॉक आएगा तो बताना जरा। सर हम जब आए थे वो फर्स्ट क्लास से ही आता है, जीएस नॉलेज आता है और जाता है, आता जाता है, हुलुक बुलुक करे वाला होगा। अब देखो यार ये एक बजे सब करेगा तो देखो टू इसका कितना है, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। बोलेगा कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, या कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल लंबाई बी चौड़ाई एच हाइट है, तो टू इंटू एल का वैल्यू बराबर है तो एल मान लो प्लस बी, ये दोनों बराबर है तो इसको एल ही मान लो, दोनों एक्स एक्स मान लो या एल एल मान लो। इंटू एच का है कितना है, ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है 128। ये चार क्या हो गया, फिर आ गया क्या, नहीं ना, ये क्या हो गया, ये हो गया 4 × 8 हो गया ना, 4 × 8 इंटू टू एल बराबर 128, और 8 × 16 28 से मतलब कि 8 हो गया ना, 8 जी काट कूट कर दिए हैं, स्टेप चोरी किए हैं। तो एल 8 हो गया, तो फर्श का क्षेत्रफल 8 × 32 20 का 1। देखो एक भाई भेजा है सारा फॉर्मूला, भेज दे अभी तो भेजे, आ जाओ तो ये गर्ल्स ग्रुप में भी भेज दीजिए। 21 नंबर सवाल बनेगा कि बना है ये वाला, 20 नंबर समझे तुम लोग, 20 नंबर समझ गए ना, अरे हाँ ना बोलो तब तो समझाएंगे दोबारा। यस सर, यस सर समझ गए, एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है। अब देखो किसी वर्ग का परिमाप, सब लगता है सूत्र गया फिर समझ गए तुम लोग तो बोल रहे हो ना, ये लड़कियां सूत गई हैं। यस सर, सोई नहीं है तो समझ नहीं आ रही। नहीं सर जगे हैं, क्या फॉर्मूला भेजे हैं सर, फॉर्मूला भेजे ना तब तो समझ आएगा। हाँ सर फॉर्मूला भेजिए ना ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप। लुकिए ना सर भेज दे रहे हैं फॉर्मूला, तो देखो एक भाई लिखवाया है वो भी हम भेज दे रहे हैं और ये भी भेज दे रहे हैं। लो देखो सर हम अभी शेयर किए हैं ना ग्रुप में, भेज दिए ना, कितना बढ़िया तो फॉर्मूला बताए हैं यार सब, एक का वो फॉर्मूला तो बताए हुए हैं, फिगर के साथ है सर उसमें, पहले वाले में 3D फिगर के साथ बताए हुए हैं। हिंदी में लिखे हैं सर, हम में थोड़े लिखे।
एरिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 × L + B × H होता है, ये फॉर्मूला होता है। और जो आज तक 21 सवाल अभी तक बनाए हैं वो सारा सवाल हम फॉर्मूला पे ही बताए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी हम नहीं किए, सब फॉर्मूला पे सिर्फ पुट किए हैं। किसी वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। कितना आसान सवाल है, भावना को समझ जाओगे तो आसान है, यदि भावना को नहीं समझोगे तो हार्ड है। जरा देख लेते हैं, भावना को समझो, ठीक है। देखो क्या है, किसी वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द साइड। तो साइड निकालने के लिए 50/4 कर सकते हैं। यस सर, 12.5। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको तोड़ो मत, अभी ऐसे ही रखने दो। और 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। तो देखो ये निकल गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 50/4 × 50/4 कर सकते हैं। यस सर, बराबर बराबर लिखते जाओ ना, तुम समझाएंगे। तो 10 मीटर 10 और बताइए क्या क्या। रुको चलो फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं। चलो देखो तुम बताओ, पेरीमीटर 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 ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड। ये चीज तो पढ़े हो कम से कम। तो ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर 4 × साइड होगा। अरे हाँ ना बोलो ना। यस सर। यस सर। तो साइड बराबर 50/4 होगा। यस सर। यस सर। ये हो गया, अब ये साइड आ गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा। यस सर। एरिया ऑफ स्क्वायर 50/4 का होल स्क्वायर होगा, साइड स्क्वायर ये होगा। यस सर। यस सर। इसको लिख सकते हैं 50/4 × 50/4। 5 का स्क्वायर को 5×5 लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर को 6×6 लिख सकते हैं। यस सर। तो सर मेरे सर जी अब वही ना बोल रहा है कि आयत का भी रेक्टेंगल का भी वही क्षेत्रफल है, तो यही क्षेत्रफल तो अब लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए ना, हम आपको भावना से खेलना सिखाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B होता है। यस सर। हाँ ना, 50/4 × 50/4 है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। सर कहाँ चले गए? हम यही हैं। अब बताओ एल एल क्या है? L × B का वैल्यू ब्रिथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 = 50 कट गया, कट गया कि नहीं? कट गया। और इसको काटो तो 4×2 ये हो गया और 25 ये हो गया, 25 × 25 = 125/8 आंसर आ गया। 15 होगा, यहाँ पर 15 लिखा होगा, 2 नंबर आंसर इसका होगा। अच्छा अब समझे? यस सर, समझ गया सर। अरे वो सब बोल देगी तब ना, तो कहेगा कि लेके चलते हैं सर एगो को। सर पूछ लीजिए। अरे हाँ ना बोलो ना। यस सर आ गया। चलो यही तो सुनना था। 21 नंबर 22 27 बनाओ, तो इस सवाल को बना के नया चैप्टर में आ जाएं। हाँ सर। सर अब कल सर। अरे अभी हुआ कहाँ? यस सर कल। सर ठीक है। 5 बजे ना सर, 5 बजे। अभी तो मैच नहीं सर, कल सर। अभी तो मैच इतना ज़्यादा दिमाग लोग को सर आदत है, हम लोग को आदत नहीं है सर। हाँ सर। 22 23 अभी तो मैच नहीं, बोलो ना तुम कुछ। नहीं तो कुछ ब्लास्ट तो भी डालो। नहीं सर ऐसे तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग कर दीजिए, दे दीजिएगा। हाँ सर रिकॉर्डिंग का यहाँ से कर दीजिए। स्टार्ट करने दीजिए, देख लेंगे और क्या। रिकॉर्डिंग नहीं, जो लोग जाएंगे वो देख लेंगे और क्या। बताओ सब कैसे काम चलेगा? नहीं सर, सभी क्लास।
अच्छा ये 22 नंबर सवाल दिमाग देखते हैं किसको है। 22 नंबर सवाल का दिमाग किसको है लगाओ। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। संपूर्ण त्रिभुज है सर। द साइड ऑफ ए देखो 30 तो का 4 22 का 4 बता दिया लड़का बता दिया। हम समझ सकते हैं कि तुम लोग की आदत 1/2 a plus b plus ज्यादा दे रही पढ़े कहां पे बनेगा 3 घंटा अभी कितना हुआ ऐसे कैसे होगा पढ़ाई एकदम पढ़ो कि एकदम वही से बनेगा। आ जाओ देखो इसमें भी वही हीरोन्स फार्मूला लगेगा ना हीरोइन वाला लगेगा हर एक तरह का क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं नहीं सर हीरोइन क्यों लगाओगे देखो हीरोइन क्यों नहीं लगेगा। देखो एक चीज यदि देखे होगे तो तुम देख रहे हो कि एक 5 एक 13 एक 12 है इसको क्या कर दो क्या इसको इस 13 कर दो नीचे वाला इसको कर दो 5 और इसको कर दो 12 तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 13 स्क्वायर तो एरिया ऑफ क्या बताए थे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम देखो क्लास नहीं ले रहे हैं तो तुम ही लोग ना कॉल करके बोला था कि क्लास लीजिए सर। हो जाएगा तो सर अभी तक आप 5 बजे तक क्लास नहीं लिए हैं सर रिकॉर्ड बनाइए सर ले लेते हैं एक बटा 2 इंटू बेस 5 हाइट 12 2 × 12 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हीरोंस सूत्र से भी बन सकता है ना सर। हाँ बन सकता है ये सब बन सकता है ये सब उतना मेहनत क्या करना हीरोन पीरोन लगाना बनाओ 13-23 नंबर बनाओ बनाओ एकदम अब से उसके बाद अब अलग जोश के साथ पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर एंड डायगोनल इज 5 मीटर देन व्हाट इज द एरिया बताओ बनाओ। ए साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5 मीटर देन व्हाट इज द एरिया। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5 मीटर व्हाट इज द एरिया। अब देखो पहले लिखो पहले फिगर बनाओ 12 होगा नहीं देखो फिगर बनाओगे ना तो चीजों को समझोगे और जब चीजें समझ में आने लगेंगी तो बड़ा मजा आएगा। सर मैदान हरा रहता है सर मैदान बना दें हरा कर दें। एक भुजा है 4 मीटर है इसकी विकर्णवत लंबाई 5 मीटर है ये जो है ना ये 5 मीटर सर 4 उसको मानिए ना 3 ये होगा इसको ही मान लो क्योंकि सर 12 ये ना होगा हाँ तो 3 ये हो जाएगा 4 मीटर इसको मान लो तो विकर्णवत 5 मीटर है। अब एक चीज देख रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ये सर 5 है सर 4 है सर तो ये पाइथागोरस के हिसाब से सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर आप पढ़ाए तो पढ़ाए भी नहीं है सर फिर भी 8वां नंबर में पढ़े हैं सर तो यहाँ 5 का स्क्वायर सर और पी का सर पी का 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर अब सर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 25 माइनस 16 16 9 25 मतलब बी बराबर 3 ये आपका 3
और एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ क्या है करेंगे सर उसको, वन बाई टू को हुई वही होगा सर, चार गुना तीन बारह वो सर वो अच्छा ट्रायंगल दिमाग आ रहा है हाँ। सर सर यहाँ से विकर्ण भी तो पूछ सकते हैं, विकर्ण तो पांच है ना, तो विकर्ण यहाँ से ये वाला छोटी विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं। ये को हुलू सर अब रहने दीजिए सर, मैंने बीच में बोलते हैं सर, सर रिपोर्ट बनाना है ना सर, बीच बीच में सर आप पढ़ाते रहिए ना, वही तो बीच बीच में सर कुछ कुछ बोल देता है, कुछ कुछ बोल देता है ना सर। सर बीए वाला में बहुत मजा आया अभिनय जी, बीए वाला में सर दम है, सुनिए ना सर, सर एक प्रॉब्लम हो गया सर, अचानक से सर यहाँ का एयरटेल का नेटवर्क ही सर खत्म हो गया, तो आए हुए हैं सर वाईफाई के लिए अभी, तो सर अभी नेट चल रहा है पूरा शांत है सर, रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते सर, सर अपलोड होगा तो कर दे सर, रूम में सर वाईफाई का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है सर, डी लिंक का जो वाईफाई था ना सर, एयरटेल का जो वाईफाई था वो सर मतलब जो है ना ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं भाई हम भेज देंगे भाई, तो सर अभी बीएसएनएल का बगल घर के बगल कोई बात नहीं, घर के बगल में जो बीएसएनएल का वाईफाई ना सर उससे कनेक्ट करके आए हैं, नहीं नहीं तो आप केशव भाई चला जाएगा भेज देंगे भाई, अच्छा इसलिए रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कर देंगे भाई, रहा है भाई चल जाएगा भाई वाली बात, चलो आ जाओ, किसी यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर, ये सब क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे, छोड़ देते हैं 24 नंबर, अरे एक को क्वेश्चन तुम लोग बना कर दिखा दो तब ना तो हम कहेंगे जाओ कि तुम लोग को जाओ सो जाओ, एक को क्वेश्चन तो बना ही नहीं हो उस समय से, नया टॉपिक चालू हम कर देते, नया टॉपिक कोई बेलन सर, नया टॉपिक चालू कर दीजिए, हो गया सर इसका खत्म, अरे अभी तो बेलन बेलन सब बचा ही है भाई, हाँ तो वही अब उसमें जाइए, अब आयत क्षेत्रफल यूट्यूब से बढ़िया से पढ़ेंगे, जब जानते हो रात में इसलिए करते हैं ना कि सारा फॉर्म बोल रहा है, दिन में तो एक यस सर क्लियर सर, क्लास आ गया सर, नेटवर्क आ गया सर, हो गया आ गया, बताओ यार क्या लड़का है ये सब, लड़का देखो ये सब है, तुम लोग को नींद आ रहा है, पानी पियो जाकर, चाय पियो कॉफी पियो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो देखो क्या है, यदि देखो लेट द लेंथ ऑफ आयत बराबर x, नहीं लेंथ नहीं ब्रीथ मान लो, लेंथ मांगते तो चले को ब्रीथ मान लो x, तो लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 10 हो जाएगा ना, yes, x प्लस 10 हो जाएगा, अब देखो क्षेत्रफल कितना है, एरिया 96 है, तो अब अच्छा आयत वाले से सब सवाल बना लोगे ना अब, हाँ बन जाएगा नॉर्मल, आयत का परिमाप क्या होता है सर, सर आयत वाला से बन जाएगा स्क्वायर, लंबाई इनटू चौड़ाई, स्क्वायर वाला से बन जाएगा, ट्रायंगल वाला से थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है तो हम किले वाला भी बन जाएगा, नया में आ जाते हैं, नया में अब बेलन तेलन में आ जाते हैं जल्दी से, बेलन भी बन जाएगा, एल इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 दिया हुआ है, एल का वैल्यू एक्स इंटू एक्स प्लस 10, अब इस सवाल को यदि तुम लोग बनाओगे तो 96 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करो, देख रहे हो कितना सवाल में हम इसलिए करवा रहे हैं ना कि तुम लोग को ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करवाओ, अब 96 को कैसे तोड़ो कि 10x आ जाए, तो तोरो तोरो ना जी 16 छक 96 सर, द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगा दीजिए सर, उससे अच्छा 16 छक 96 जी 16x - 6x - 96 ये सब आता है ना,
द्विघात क्वाड्रेटिक दसवां गोल करके आया है एकदम माइनस छ कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस सोलह तो एक्स प्लस सोलह बराबर जीरो तो ये तो ऐसा नहीं होता है एक्स माइनस छ बराबर जीरो क्या क्या कर दिए तो एक्स बराबर छः आ गया तो क्या पूछ रहा है तो आयत का परिमाप क्या होगा सही बात है एक्स बराबर छः मतलब ब्रीथ बराबर छः तो लेंथ बराबर सोलह टू इंटू एल प्लस बी परिमाप टू सोलह प्लस छः सोलह छः बजे चौवालीस देखो कितना आसान सवाल था आसान कितना आसान होता है चलते चले जाना यदि हम चलते जाए और चारों दिशाएं सामने हो हमारे चारों तरफ नहीं संबाहु 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 सब बना लेगा चलो बनाओ तैतीस नंबर क्या है किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 लिखो एरिया लिखो मेरे साथ बना रहा है सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखो मेरे साथ लिखो बेस इनटू हाइट लिखो बेस इनटू हाइट क्या करोगे एक दिन में तुमको आज 1000 क्वेश्चन करना चाहिए था अभी तो 1:24 हुआ है इतना तो बीए में लड़का रहता है सेक्शन ए है तुमको तो खुशी से रहना चाहिए सर 6 बजे नहीं सर ऐसा करो टारगेट की सर 10 बजे दिन तक पढ़ाइए कि 12 घंटा का एक बार क्लास लगाइए 24 घंटा का मेहनत तो सर कर दीजिए अभी तो कौन सा हाथ गया है तुम शांत रहो समझा बेस इनटू हाइट 23 मीटर सर अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट लिख लिए लिखने के बाद मेरे साथ लिखना तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 184 दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 8 और हाइट दिया हुआ है x तो काटो इसको 8 दूना 16 हाथ में 2 23 मीटर होगा सर और 2 बच गया 8 दूना 16 हाथ में 2 8 दिया 24 23 वाला आंसर आ गया 23 देखो कितना यस सर कितना आसान है चलते चले जाओ यस सर बहुत मजा आता है तो सब अब देखो ई का हो रहा है वो ई मिट ना रहा है डिलीट कर दीजिए सर ऑल डिलीट आप काट कर उसको ऊपर नहीं देंगे पीडीएफ ले लीजिए सर काट कर उसको ऊपर नहीं देंगे सब उपाय चलो छोड़ो इसको आ जाओ आयताकार आयताकार वर्गाकार समलंब सब एकदम वही है सब समलंब आयताकार घन का विकर अच्छा घव्यास वृत्त आ गया देखो वो आ गया जिसका मुझे था सर उसको भेज दीजिए फिर नींद आने लगा हमको पानी मार के आओ जाओ सर नहीं ठीक है सर अच्छा टॉपिक पढ़ाएगा ना तो अपने आप भाग जाएगा सर ये बात सही है अब देखिए सपने वो नहीं जो रात में देखते हैं सपने तो वो है जो नींद ही नहीं अरे हमारा स्टूडेंट है तुम कभी ये समझ गए ना कभी सपने दिन में देखिए और रात को पूरा कीजिए पढ़ के लिखिए ठीक है कभी झूठा है आप इधर फार्मूला लिखिए हाँ सर बोलिएगा तो लिखकर करेंगे एरिया ऑफ सर्कल ये सब सर एक बार पढ़ा दिए ये सब लिख लीजिए देखने पर थोड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाइए सर लिखवाए हुए तू पाया
सर एक क्वेश्चन मेरा बनाइएगा। हेलो हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था कि एरिया 75.44 सेंटीमीटर है किसका, तो सर्कल का, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर वो पेरीमीटर नहीं, सर्कमफ्रेंस लिखा है वहां पे 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होगा ना, वो गुरुवाके है परिमाप। सर को भी नहीं ना। सर तो एक क्वेश्चन मत का बनाइएगा, ये पिछला साल का आया था लेकिन इसका ना कम फ्रेंस सर्कमफ्रेंस। यस सर, पिछला साल क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन था जो हमसे नहीं बना था, यही था। बनाते 2 पाई आर जोड़ तोड़। देखो ये तीन फॉर्मूला पे तुम्हारा सारा सवाल बन जाएगा, ये तीन फॉर्मूला तुम्हारा रामबाण है, तुम लिख लो इस पे। तीन फॉर्मूला पे देखो सारा सवाल बनाएंगे। वेयर पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। देखो ये तीन फॉर्मूला अपने माइंड में अभी रखो पानी मारकर, और तुम बताओ। सर ये तो देख लीजिए, क्वेश्चन में देखिए ना एक बार। हाँ बताओ तो क्या क्या दिया है डाटा। सर एरिया है, एरिया है 75.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, 75.44 स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर्कमफ्रेंस निकालना है तो इसको सर इसका ठीक से कट कुट ही नहीं रहा था तो इसलिए बना नहीं। पाई आर स्क्वायर बराबर 45.7744 75.44 बटे पाई। अब यहाँ पे खोलो, यहाँ पे खोलो, डिसिप्लिन में जाओ, मिनी टूल्स में जाओ, और कने गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं था जी क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। कैलकुलेटर हमारा पास है ना सर, आंसर वन नहीं आया सर, उसका मतलब क्लोज में आंसर आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आगा 3.14 आर स्क्वायर बराबर आता है तुम्हारा 24.0 सर, 24.02 या ऐसे करो, इससे नहीं आ रहा है तो 75.44 सर 24.02 नहीं आ रहा है, वो ज्यादा आएगा देखिए। 24.0036365 आएगा, नहीं कैलकुलेटर में दो चार अंक ज्यादा फेंक देता है। 24.0036364 ये सर बोले ना, 22/7 3.14 लीजिएगा तो उतना, तो आर का वैल्यू अंदर रूट कर दीजिए 24.0 तो बराबर यस सर अंडर रूट। चौबीस का 0.02 का अंडर रूट कीजिए ना सर, एक मिनट, अंडर रूट 24.02 4.9 आ रहा है, 4.9010 आ रहा है। ये सर 9010 फोर तो वही होगा आंसर आपका, समझ गए। आगे आ जाइए, यानी तो सर 22/7 भी ले सकते हैं। अच्छा तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है ना, अच्छा सर्कमफ्रेंस निकालना था ना सर। हाँ तो निकाल, हाँ तो 2πr पे बैठाइए ना उसको, 2×22/7 आर निकाले थे अभी। ये सर आर कितना था, 4.9 और पॉइंट में कुछ कुछ था। हाँ तो ऐसे करके निकाल के आंसर नहीं आ रहा है सर, आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, उसे क्लोज आ जा रहा है। हाँ तो क्लोज वाला होता है तो क्लोज 38.7 आ रहा है आंसर, और ऑप्शन में दिया हुआ है 38.8। हाँ तो देख वही होना चाहिए, हमको लग रहा है वो जो आगे वाला जो पॉइंट वाला सब है ना वो है घूम फिर के आ गया होगा। चलिए ना तब तक आगे करते हैं, इन सब को देखते हैं सर, वो जगह डिफरेंट वैल्यू लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जैक्ट मान नहीं ना होता है 22/7 का। देखो कितना हुआ, अब आ गया 32, अब आ गया एक ही लीजिए 22/7 लेकर के कैलकुलेट कीजिए या फिर 3.14 लिख दो, 30 हो जाएगा सर, दोनों जगह सेम हो जाएगा। हम सर क्लोज में सर अगर ऐसा क्वेश्चन में, हेलो सुनिए ना सर, 29/32 हाँ ऐसा क्वेश्चन में अगर क्लोज में आ जाएंगे तो जो क्लोज वाला होगा उसका ऑप्शन लगा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक है सर, तो फिर बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्वेश्चन यदि तीन बताए तो तुम लोग बना लोगे ना इसको। हाँ सर ये मतलब बढ़िया है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा,
तो व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, डबल हो जाता है। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी, परिधि बताए ना, 2 पाई आर ये सर सर्कमफेरेंस इनटू 22 बटा 7 सर्कमफेरेंस ऑफ आपका सर्कल, और आर का वैल्यू 7 बटा 2। सर जो सूत्र लिखे उसका तीसरा नंबर समझ में हमको नहीं आया सर, सर जो फार्मूला लिखे उसका तीसरा समझ में नहीं आया, तीसरा 2 पाई आर प्लस 2 आर। जैसे कि देखो एक सर्कल है, मतलब हिंदी बस बता दीजिए, अर्ध परिमिति कहते हैं उसको। हाँ अर्ध परिमिति, बस हो गया सर, आने दीजिए। अब एक डी बराबर सर, ये डी होता है डायमीटर बराबर 2 आर, एक ये भी लिख लेना डी बराबर 2 आर डायमीटर का आधा ही नहीं। तब देखो यहाँ पे आ जाओ, इस सवाल को बनाओ तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा क्लियर है, तुम लोग बना लोगे ना सर, हो जाएगा सर, इजी है सर्कल वाला पड़े हुए है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा उस सर्कल का, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल व्हिच एरिया इज 22/7 स्क्वायर मीटर, बताओ। आई थिंक अब सर एरिया ये वाला रेडियस निकालेंगे, रेडियस से सर्कमफेरेंस निकालेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो जरा सर, जरा सा करके दिखाओ तो। अब लगता है सर मेंसुरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या, मेंसुरेशन में लगभग समझ लीजिए क्लियर ही हो गया। हाँ कल और प्रैक्टिस कर लेंगे फिर वो हो जाएगा, मेंसुरेशन में कोई दिक्कत अब नहीं रहा सर। नहीं नहीं रहा सर, सिलेंडर सब नहीं आएगा सर, सर सिलेंडर सब का क्वेश्चन नहीं आएगा सर, करवा रहे हैं करवा रहे हैं। अब देखो किसी देखो क्या क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है किसी बलाई के भीतरी एवं बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल निकाले, किसी बलाई की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल निकाले। तो देखो एक बलाई मतलब सर ऐसे जिसको बलाई बोलते हैं, छल्ला होता है छल्ला, तो इसका देखो इसका भीतरी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बाहरी कितना है 3 सेंटीमीटर, टोटल 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाहर निकालो 7 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सर 22 बटा 7 और 7 4 11, क्या कहाँ गलती कर दी हम, सही तो किए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देना था यार, 7 नहीं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना था। बलय जो होता है ना, किसी बलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्याएं जो है, भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका बलय का क्षेत्रफल जो होता है, लिखना बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल लिखना पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब क्या बोला जा रहा है देखो तुमको समझा दे रहे थोड़ा सा, ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से जो यहाँ तक है ना वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं, इसका क्षेत्रफल इस वाले का इसको देखो सब पेंट करके देखते हैं, इस वाले का क्षेत्रफल जो पेंट कर दिया ना उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करना है फॉर्मूला, बड़े बड़ा में से छोटे को घटा देना है सर। हाँ तो ऐसे करने के लिए 22 बटा 7 ये हो गया 22 आंसर होगा सर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 22 बटा 7, 4 3 7 4 में 3 गया 1 22, और ऊपर हो गए सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 5 आप सर ने टू दिया है सर, सर कुछ बेला ने सब पढ़ाई है ना सर, 12 से 2 के बीच में नींद लगता है तो 2 नींद भाग, नींद भाग गया अब सर, नींद अब भाग गया अब नहीं आने, यस सर मैं सर 2 बजे तक नींद लगता है सर, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाइए सर, बेलन सर दूसरा टॉपिक पढ़ाइए, सर ऐसा रहने दीजिए अब सर, मेंसुरेशन कल भी करेंगे फिर क्या, आ जाओ पढ़िए सर, मेंसुरेशन कल भी करेंगे, मेंसुरेशन और
हाँ भाई बेलन से रोटी बनाओगे क्या? आप रहने दो ना। अच्छा आई आ गया मेंशन, ये फॉर्मेलिटी है। हाँ इसको पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ये पढ़ाया है, देखो भी तो है। हाँ सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाइए सर, 10 सवाल इसका प्रोबेबिलिटी का सर, जाते पढ़ना है पढ़ाइए, बस प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। 4 बजे तक पढ़ाइए जे पढ़ाना है, तो पढ़ाइए 4 बजे तक पढ़ाइए, तुम लोग को मजा आएगा जब 10-10 क्वेश्चन तुम करोगे ना हर एक सब्जेक्ट से। हाँ हम समझ गए कि तुम लोग सर नाइट में पढ़ने में बहुत मजा आता है सर, कुछ भी कहिए। मेरा भाग गया है तो पढ़ेंगे। अब देखो एक पासा को उछाला जाता है, एक डाइस है उसको उछाला जाता है, ठीक है, तो ऊपर 3 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी? देन व्हाट इज द प्रायिकता का फॉर्मूला लिखवा दीजिए सर। हाँ सर इसका फॉर्मूला लिखवाइए। 1/2 सर, 1/2 क्योंकि टाइप को नहीं पढ़े। 3 से ऊपर 3 आएगा सर, फॉर्मूला पहले लिखवा दीजिए सर प्लीज। 1/2 लिखवा देना इंडियन भाई। 3 हां इसका फॉर्मूला लिखवा रहा है, फिर क्वेश्चन सब बनाएंगे, ठीक है। लिखो 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 पाइप नहीं तो ऊपर ऊपर जाएगा, देखो प्रो बाउंस करेगा ही। वैसे ये प्रोबेबिलिटी हां 1-2 क्वेश्चन रहेगा इसे। देखो आज मेंसुरेशन भी पढ़ा दिए था, थोड़ा सा और मेंसुरेशन पर तुम लोग भी कर लेंगे सर। बाप सर एक एक नेट ना सर, पूरी नेट पूरी रात आप जीके ले लीजिएगा सर, सब ले लो भाई सर। जीके तो 1-2 घंटा में खत्म कर दीजिएगा सर, उसके लिए टेंशन नहीं है। नहीं पूरे लिखवाना थोड़ा ही है, लिखाना थोड़ी है सर, याद करवाना है तो याद करवाने में कहती है 1 दिन में, मतलब क्या 1 घंटा में सब याद वाद करके खत्म हो जाएगा। लिखो लिखो हाँ बस सर बोलते चले जाएंगे टॉपिक। हाँ नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ हिंदी में लिखाइए ना, हिंदी में लिखाइए ना, लिखवा रहे नंबर ऑफ आउट आ जाएंगे सर, ऐसे लिखवाएंगे तो फेवरेबल लिखवाते हिंदी में। अरे हिंदी में लिखवाते, अरे पांडे जी आप लोग पढ़ लिए हो, हम लोग पढ़ने तो नहीं यार। फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो ये तुम बोले ना फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला देख के नहीं समझो। अभिनय जो तुम भेजा है ना वो हो नहीं रहा, खुल नहीं रहा है। अभिनय प्रोबेबिलिटी का भेज दो। एक का है बे, प्रोबेबिलिटी का है। ई घटना की फेवरेबल, हम देखो समझाते हैं तुम लोग समझोगे, तुमको पढ़ने में मजा आएगा। सब हिंदी में भेजता है। ई घटना की प्रतिशत क्या है भाई स्थिति की? सॉरी 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 सॉरी, दो फोटो था ना तो एक वो चल गया। नींद आ रहा है क्या आपने? नहीं बे, टेबल कुर्सी पर बैठे हुए तो नींद क्या आए, दूध रोटी खाए होना। कुल संभावना की संख्या लिख लो बस, यही जो आएगा। सर रुकिए सर, आप ही बोला लिखते हैं सर, प्रतिक्रिया क्या लिखे है? प्रतिक्रिया हेलो नंबर ऑफ सर वो लिखे ना, ये प्रायिकता क्या है वो? प्रायिकता। अच्छा ठीक है सर, ठीक है प्रोबेबिलिटी। अच्छा उसका इंग्लिश प्रोबेबिलिटी ही होता है, ठीक है सर, ठीक है। नंबर यही क्या लिखा है? पी ई बराबर उपायुक्त प्रोबेबिलिटी, पी से व्यक्त करते हैं। देखो ना हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम समझोगे, आप भाई बढ़िया से समझोगे, इतना अच्छा समझोगे कि तुम उछलने कूदने लगोगे। हिंदी में बोल कहां बोले भाई जी, नंबर ऑफ आउट मीन फेवरेबल। अरे नीचे नीचे मुकुल भाई और पांडे जी को उछलाइए। कितना बचता है लास्ट 61-62 से शुरू किए थे, आधा आधी भाग गया अभी, दो भी नहीं बजा। 59 सर, 59 से स्टार्ट हुआ था सर। सर ई कथन के पी आई ई एक स्पेशल ग्रुप बना दिए हैं, उसमें सबको ऐड करेंगे, बाकी इंडियन सर सुनिए ना। कथन लिखे है पी और ई, हिंदी वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा तो सर ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? घटना है जी, घटना ही। अच्छा वो भाई नहीं समझ में आया फिर भी अभी सर समझा देंगे।
मेरे व्हाट्सएप पर जाइए, अभी हम दो को पेज शेयर किए है ना। ठीक है भाई, अब भी आते हैं। सत्यम लाइक है, सत्यम लाइक है, ग्रुप में कर दीजिए। नहीं दे रहा है, ग्रुप में किए हैं बहुत। वो सब जो भेजे है ना म्यूचुअली वाला, ये सब फालतू है। हाँ वो 12 का है, वो 12 का है। और एक पेज में बेसिक भी है सर। हाँ तो बेसिक इसमें 4-5 प्रॉब्लम। अब देखो ना क्वेश्चन करवाते हैं, तुम लोग समझोगे कितना अच्छा से। अब देखो एक डाइस है, तो डाइस में देखो क्या क्या आता है, तुम लोग समझ जाओगे। 1 2 3 ये ठीक है, इंग्लिश है पूरा समझ में आएगा। 5 6 एक डाइस में क्या क्या आता है, तुम खेले हो? वाला पेज है ना सत्यम भाई, उसको देखिए। पासा खेले हो, लूडो खेले हो? हाँ हाँ सर जी। तो लूडो खेले हो, तो लूडो में 6 तक आता है ना गोटी? हाँ, हारने के बाद हार देते हैं लूडो। वेरी गुड। तो 6 तक आता है, तो बोलता है कि उसके ऊपर 3 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 या अधिक आने की प्रायिकता क्या क्या है, देखो 3 4 5 6 3 4 5 6 मतलब टोटल कितना संख्या आ सकता है, तुम बताओ टोटल कितना। 3 या 4 सर, टोटल कितना संख्या आ सकता है? 4 संख्या, 1 2 3 4। और टोटल कितना है संख्या? 6 4 6 2 3। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो एक पासा को उछाल दिए, एक डाइस को उछाल दिए, तो वो बोलता है कि 3 या उससे ऊपर कौन कौन सा आएगा, यही बोल दिया। ठीक है, 3 या उससे ऊपर कौन कौन सी आएगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। सर मतलब 3 के पहले का बात नहीं करना, 3 के बाद का बात करना। हाँ, है हाँ ठीक है सर। 3 शामिल रहेगा उसमें, 3 शामिल है। हाँ मतलब 3 शामिल है उसमें, लेकिन उसके पहले का नहीं बाद का बात करना है। 3 4 5 6 4 वो आएगी टोटल। सर अब समझ गए, तो 2 सर समझ गए। देखो अगला, देखो 2 पासा देखो उछाले गए, दोनों के ऊपरी सतह पर संख्याओं का योग रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्राइम नंबर आना है। तो यदि दोनों पर 1 1 आ जाएगा, 1+1 तो ये भी 2 1 प्राइम नंबर है। यस सर। यदि 1 पर 1 1 पर 2 आ जाए तो ये भी एक प्राइम नंबर है। यस सर। ठीक, 5 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब 1 पर 2 1 पर 3 आ जाए तो ये भी एक प्राइम नंबर है। यस सर। फिर 1 पर 3 1 पर 2 आ जाए तो ये भी एक प्राइम नंबर है। वो कैसे सर? 2+1 भी आ जाए तो ये भी एक प्राइम नंबर है, बोल रहा है ना। yes, कि 2 पासा को उठाया जा रहा है, तो दोनों संख्या का जो ऐड होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यदि दोनों पर 1 1 आ जाए तो 1 1 को ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर है। yes, sir. नहीं समझ रहे हो सर, समझ रहे हैं। नंबर को लिखना पड़ेगा सर। तो सर लेकिन इतना सारा लिख दिए है, इम्पोर्टेंट क्या है? 4+3 करोगे, वो भी प्राइम नंबर है। 4+3 कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा? 7 प्राइम नंबर। वो भी और प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है ना। यस सर। 3+4 भी सर, 3+4 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इतना लिखना पड़ेगा तुमको। 1+4 नहीं होगा, 1+4 1+6 भी होगा, 6+1 भी होगा, 1+4 भी होगा सर, 1+4 भी होगा, 4+1 भी होगा, होगा ना। 3 4 बंद करो तो 6 और 5 होगा, 5 और 6 भी होगा। तो सब मिला के कितना अभी तक हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी देखो और क्या होगा, और तुम जोड़ो 2 1 1 1 1 जोड़े हो, 1 1 2 फिर 2 1 जोड़े हो, 2 1 फिर 2 1 1 होगा। तो टोटल जो होगा ऐसा संख्या, इसको तुम याद कर लेना कि प्राइम नंबर जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो प्राइम नंबर कितना पे आता है। टोटल ऐसा 15 संख्या होता है, ऐसा टोटल कितना संख्या होता है याद कर लेना, 15 संख्या जब लिखे लेते हैं प्राइम का संख्या। जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, 15।
सर और भी आता है क्या? प्राइम नंबर और नंबर इवन नंबर सबको लिखवा दीजिए कितना कितना आता है। 15 अब बटे कितना टोटल प्रोजेक्ट आएगा? 36 15 बटे 36 तो 15 बटे 36 को काटो। 36 क्या सर? 36 आता है ना, 36 आता है संभावना है, टोटल संभावना मतलब उतना आता है। 3 नंबर आंसर सर, 3 नंबर टोटल संभावना जो आता है। तो इसको एक तरह का फॉर्मूला समझ लो ना, फॉर्मूला जैसे टोटल संभावना a गुना 6 होता है 36। इस फॉर्मूला को याद कर, बहुत देखो सब चीज का लॉजिक नहीं होता, कुछ चीजों को याद तुम्हें करना होगा। यस सर। हेलो सर, तीन गोरा किया था तो तीन गोरा नहीं पूछता है भाई, कभी नहीं, 12 में नहीं पूछा है तीन गो वाला। यस सर निकलेगा तो बने से निकलेगा, उतना फिर दिमागे हमारा तुम ऑफ करवा देगा। गूगल पर देख लेना, गूगल बता देगा भाई। तीन गो वाला क्वेश्चन है, 216 हो जाएगा, तीन गो वाला होगा तो हम लोग बनाए हैं, सूत्र हो जाता है 216 हो जाता है तो उतना नहीं ना आएगा, जनरल कंपटीशन में थोड़ा सा छोटा। नो सर, ये सब पड़ जाएगा। 6 × 6 = 36 मतलब टोटल कितना आएगा? दो बता दिए वही बहुत काफी, टोटल आ जाएगा 36। 36 तो बोलेगा प्राइम नंबर कितना आएगा, तो प्राइम नंबर याद रखना कि 15 आएगा। अगला आ जाओ 14, चौथा नंबर देखो सर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो 36 करेंगे। हाँ, दो पंद्रह बटा 36। हाँ हाँ, जब दो नहीं, जब देखो जब दो पासा को उछाला जाएगा ना तो टोटल कितना आ सकता है, तो टोटल 36 आ सकता है। ठीक है, और प्राइम 36, प्राइम 15। अब आ जाओ, याद करना कि जब दो पासा को उठाया जाएगा तो टोटल जो संभावना बनेगा आने का, वो टोटल 36 संभावना बनता है आने का। ठीक है, पॉसिबिलिटी। मैथ वाले में कौन कौन है भाई जी? मैं हूँ बीएससी मैथमेटिक्स के लिए। आ जाओ, दो पासों को भाई हम नहीं है, उनके ऊपरी सतहों पर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 10 आने की पर्याप्तता क्या है? देखो कितना सवाल है। देखो यही तो आसान है, देखो कम से कम 10 आना चाहिए, दो पासा को उठाया तो बताओ कि दो पासा को जब करेंगे तो टोटल संभावना कितना आएगा, तुम बताओ। दो पासा को करेंगे तो टोटल संभावना 36 टोटल 36 याद करने वाली चीज है। अब तो देखो यदि 4 और 6 आया तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और 6 या 4 यदि कर देंगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भी 10। और यदि 5 और 5 दोनों पे आ जाएगा तो 10 आ जाएगा ना? यस सर। यदि 6 5 आ गया तो 10 नहीं, 11 10 4 गुना हो जाएगा, तो कम से कम 2 कम से कम 10, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ सके पर कम से कम, यहाँ पे कम से कम 10 क्या? Yes, कम से कम 10, कम से कम 10। तो ज्यादा से ज्यादा कत्तो ला सकते हैं क्या? बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना भी ला सकते हैं? 13 14 15 कुछ तो कैसे आएगा? 12 से ऊपर जाइबे नहीं करेगा, 12 से ऊपर ना जाएगा। देखो 5 6 6 5 आएगा, अगला 6 6। अच्छा एक बात बताइए, हेलो सर। हां सर, 12 से ऊपर काहे नहीं जाएगा? काहे जाएगा, दो गो होगा और टोटल पॉसिबिलिटी 36, तो 1/6 6/4 1/6 समझ गए? ये देखो ये कितना मजा आ रहा है सर। 5वां नंबर देखो सवाल कितना है, देखो सर ये पहले पढ़ाए रहता था, सब नहीं भाग रहा था। एक सेकंड सर, 6 + 5 तो 11 हो जाएगा ना सर? हाँ, तो कम से कम 10 आना चाहिए ना, कम से कम। बोलेंगे कि तुम कम से कम 2 रोटी खाओ, मतलब हम तुमको क्या बोले कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना रोटी खाओ? कितना खा लो भाई, कितना खा लो? ज्यादा से ज्यादा कितना खाओ? कम 2 खाओ, कम से कम 2 रोटी खाओ सर। 6 का ऑप्शन 3 होगा। अच्छा तो अभी तो 5 बनाएंगे, 6 अभी तो बना रहे ना, तो भाई भाई मेरे बहुत आगे है। अब देखो दो पासा को उछाला जाता है, दो पासा को उछाला जाता है तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही अंक आने की पर्याप्तता है, एक ही अंक। तो एक ही अंक मतलब 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है।
तो कितना आया? एक, छो, एक, यस सर, छह बच्चा अरे समझ में आ रहा है। हाँ सर, यही तो यही तो समझने वाला चीज है भाई, वही तो है इज्जत बचा माइंड वाला। एकदम पढ़ो मन से, रिजल्ट दो, 10-15 दिन रात भर नहीं सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पागल है ऐसे भी नहीं सोते हैं सर। सोना जरूरी है और नहीं जान पाएगा कि कैसे निकला, तो पागल नहीं हो पाएगा सर। अरे इतना 10 6 दिन में 6 घंटा सो जाएगा। हाँ दिन में तो 8 घंटा सो जाएंगे, 5 से 12। सर आप BSA की तरफ से ना चिंता मत कीजिए, ये इंडियन भाई है ना, इंडियन है, झंडा गाड़ देगा। इंडियन है तो बस भरदा है, झंडा गाड़ो मेरा जल्दी से, एकदम इंडियन गाड़ देगा सर। अब एंट्रेंस एग्जाम दिन हम आएंगे भी सर, आइएगा ना सर, बट सर कॉलर खड़ा करके आइएगा। यस सर, ताकि इंडियन भाई पूरा लिख के आएंगे तो कॉलर खड़ा नहीं कीजिएगा। रिजल्ट वो रिजल्ट के बाद कॉलर खड़ा करेंगे। यस सर, रिजल्ट के बाद सर हमको मंटू भाई उसने एक वीडियो भेजे थे, पीयू दास प्रॉब्लम का बोल रहा है कि एक ही टीचर सब पढ़ाता है सर, तो कैपेसिटी है तब ना पढ़ा रहे हैं, अब कैपेसिटी नहीं रहेगा सब नहीं पढ़ाने का तो कैसे पढ़ाएंगे। चिढ़ता है मेरे से। तमीर कौन है सर? सर तमीर कौन है? पीयू ऑक्सफोर्ड को कितना बार सुन लिया? अरे हमरा कल ही पता चला, परसों ही पता चला। बस जाओ ना यूट्यूब पर और कमेंट हम सबसे ज्यादा हम ही करते हैं सर, का भेजना था लिंक, देखते हैं कैसा मुंह है, देख लो उसका बेचारे का सर, इतना तो सुंदर नहीं होगा। सुन ना कमेंट हम देख लेना अपने, उसका मुंह देख लेना और अपने रिजल्ट से उसका मुंह तोड़ देना। बस 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 किसी के बारे में इतना बुरा मत सोचो। हाँ गुड कौन उड़ाया तुम देखा क्या है? पिछला बार भी एक बार फिर मेरे को उड़ाया था एक बार। चलो तुम तो जरा पानी में पी लेता हूँ तब तक बात करो। हाँ सर पीजिए ना पानी तब तक तैयारी करते हैं उसका मुंह तोड़ने का। नींद पता है आप वही वही पीछा करेंगे जो आपसे पीछे पीछा है आपने लोग से, इसलिए वो पीछा आगे रहता तो थोड़ी ना हम लोग के पीछे पड़ते, वो तो अपना सत्यम इंडियन बहुत अच्छा कोडिंग वर्ड बोलता है। अरे नहीं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के कहानी से पढ़ते है ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा ये है। हम यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, थोड़ा एडवांस सोचना पड़ता है हमको, तभी तो निकलना सही है। सही बोल रहे हो भाई। चलो अगला बनाओ। हाँ। बनाओ ना। एक एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को, उसके ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी, उसके ऊपरी सतह पर 3 तथा 6 के बीच अंक आने की पाई लगता है, एकदम सब लड़का बनाएगा सब। ऑप्शन बी सर 1/3। नहीं यार तथा 6 के बीच आने वाली परी, तो 3 तथा 6 के बीच कौन कौन आएगा? 4/3, 4/5 सर, वही 1/3 होगा सर। 4/5/6 = 1/3, 1/3 कौन बोला है सर? ये तो वह आंसर होगा जो पहले का बनाया है, तो समझ लगभग लगभग सेम है। फ्रॉम में सर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बिटवीन में सर दोनों हट जाएगा। हाँ अच्छा ये भी दिक्कत है क्या? अरे भाई अब देखो उसको मतलब जो वो पहले क्वेश्चन में कहते 3 से लेके 6 तक सबको जोड़े थे, तो इसमें 3 और 6 को नहीं जोड़ेंगे, इसमें बोला है ना बिटवीन बोला है ना कि ये छोड़ के कह रहा है 3 और 6 के बीच। ठीक है सर ठीक है, 3 और 6 के बीच बोला ना, तो क्यों ना सकता 4 या तो 5 जाएगा, तो दो घटना हुआ ना, तो पर दो घटना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक पासों को उछाला जाता है। क्या फॉर्मूला जो लिखा है उस पर जरा बैठा है दिखाया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी पर तो है भाई, उसी पर तो है फॉर्मूला को नहीं भावना को समझिए। मुकुल भाई थोड़ा पानी उनी पीजिए ना। एक पासों को 4 को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या के ऊपर की सतह पर आने की पर्याप्तता क्या होगी? तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 5 और 6। 4 नंबर होगा सर। देखिए मुकुल भाई 1/3, देखिए मुकुल भाई क्या लिखवाए हैं कि पारियक्ता क्या होता है कि ई घटना की फेवरेबल स्थिति की संख्या, मतलब कितना फेवरेबल है, कितना आ जाए कुल संभावना की संख्या। देखो इसमें कितना आने का बोल रहा है,
इसमें बोल रहा है चार से बड़ी संख्या के ऊपर, तो पाँच और छः आएगा, मतलब दो संख्या आएंगे, टोटल आने की क्या परिजकता है, तो छः, तो एक बटा तीन। यस सर। सतमा का चौथा नंबर आंसर, देखो कितना आसान आसान सवाल है। Yes, इसमें ज्यादा कहाँ सवाल है, 25 को सवाल है, तुरंत कर लोगे। ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, उस ऊपरी सतह पर आए अंकों का योग 10 होने की परिजकता, 10 एकदम पक्का 10 होना है, तुम लोग बताओ। तीन को में तो इसमें हम ही है, मतलब 26 को लड़का आज पढ़ रहा है। सर टाइम कितना रहेगा, एक घंटा रहेगा सर? हाँ नहीं, टाइम दो घंटा, टाइम दो घंटा। सर क्या चीज का टाइम दो घंटा? एग्जाम का भाई। सर हम लोग बीए के स्टूडेंट है, थोड़ा फायदा है, सेक्शन भी तो आधा घंटा बन जाएगा, सेक्शन एक लिए भरपूर टाइम मिलेगा। पांच आने की परिजकता क्या होगी, तो पांच 90 मिनट ही रहता है, पांच पांच 10 हुआ। और चार प्लस छ हुआ, और छ प्लस चार हुआ, यही हुआ। यस सर। और पांच, यस सर, ये होगा 1/12। तो ये तीन तीन गो होना चाहिए, टोटल 36 गो है, तीन गो आ रहा है, 1/12। यस सर। समझ रहे जी? नहीं समझिए तो बोलिए कि सर नहीं समझे। तो हो रहा है, पत्ता वाला पाइए ना सर, ताश वाले पे, अब ये तो हो जाएगा। यस सर, कार्ड वाले पे आइए। ताश कथी वाले पर आ जाइए। तो दो पासों के चलेगा भाई, ताश वाले के बाद गेंद वाले पे चलेगा। ताश वाला पे आ जाइए, ताश वाला पे, उसके बाद गेंद वाला पर आइएगा। अब देखिए, पहले आता ही नहीं था, सब उछाल दो आज। एक ताश की गड्डी के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटा जाता है, मिलाया जाता है ताश, समझ गए? 52 पत्ता को, 52 पत्ता को, 52 श्याम द्वारा या दृश्या करने का मतलब बिना देखे हुए ऐसे ही बाई चांस एक ताश खींचा जाता है, इसे बीवी होने की क्या परिजकता है? अब बीवी होता है एक बटा रात में जगल जगल तो बताओ, तो श्याम एक ताश खींचता है, तो बीवी होने की परिजकता क्या है? ताश में कितना बीवी? बीवी सर क्या होता है? क्वीन। क्यून, क्यून भाई, क्यून। बीवी क्या होता है? क्वीन, क्यून होता है, क्यून। रानी, रानी। सर इसका तो ताश पहले समझना पड़ेगा, ताश समझाते हैं। देखो ताश पूरा समझाइए, ताश समझाते हैं, आ जाओ ताश खेलने के लिए तुम्हें समझाना पड़ेगा। सत्यम भाई ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है क्या? 10th में है, 10th में है, 10th में तो है भाई, है। अरे भाई आज 3-4 साल हो गया तो गया नहीं, दिमाग से उड़ गया, डिलीट नहीं होगा। अच्छा डिलीट हो गया, उसको ईमेल में सेव करके आपको रखना चाहिए। ईमेल में जानते होंगे, बताइए नहीं ईमेल पे भी भाई, हमारे ईमेल वो डिलीट हो सकता है। इसमें चार होगा, क्यों चार होता है? गैलरी में था सत्यम, क्या गैलरी में था? और मैं तेरा दो क्वीन गैलरी में था। इतास देखो, इतास को देखो, हम ही लोग जूम कर लेंगे। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था, सर खरीद के लाए, क्लास टीचर ही थे 10th, और फिर वो हम लोग को सबको बारी बारी से दिखाए। खरीद के लाए थे सर, दुबे सर। बहुत खतरनाक होता है इसका सवाल, समझे में नहीं आ रहा था बिना देखे। एक मिनट, कलर भी होता है, फंस जाते थे कलर में भी, फंस जाते होता है ना इसी के कारण। फिर तो इस डिलीट कर देना चाहिए। नहीं देखो, ताश पता है बोर्ड एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव रहता हम लोग को 10th में, बिहार बोर्ड में 5 भाग गया रहे वो ना, भागेगा। देखो ये ताश है,
इतिहास में क्या है इसको क्या कहते हैं चिड़िया, इसको कहते हैं बॉन तो है ही नहीं, अरे रुको ना हम सब है दिखाते हैं ना, इसको कहते हैं चिड़िया चीरी गौवा वाला कहता है चीरी, देखो चार गो गांव वाला हम लोग चिरैया बोलते हैं चिरैया सर चिरैया, इसको क्या बोलते हैं इसको इस वाले फिगर को इसको क्या बोलते हैं ठिकरी डायमंड डायमंड, गांव में क्या बोलता है ठिकरी ठिकरी ठी हाँ ये सर छठे बनता है ठिकरी 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 इसको बोलते इसको पान, काला पान इसको बोलते हैं काला पान, देखो रात में तुमसे क्या पकवा रहा है दिल उल्टा दिल पेरेंट सुनेंगे ना पापा सब सुनेंगे बोलेंगे ताश खेल रहा है बताइए पढ़ाई हो रहा है ताश नहीं 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 पढ़ाई हो रही है पापा लोग भी पढ़े होंगे ना तो जानते हैं ये देखो ये हुआ काला पान बहुत अच्छा हुआ ये काला पान देखिए है लाल पान जो दिल के जैसा है ना देखो मेरा दिल उल्टा पुल्टा है इसलिए हम उल्टा पुल्टा दिल बनाते हैं बड़ी दुखाता है सर बहुत अपने से बनवाइए सर ये जो है सत्यम भाई से बनवाइए बहुत ये जो है देखो ये लाल पान है समझ गए ये अच्छा ये समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा ना नहीं सर ये तो बहुत इजी है अंग्रेजी में नाम पढ़ोगे तो ज्यादा हम बिहारी लोग हैं तो बिहारी तो ये इसको बोलते हैं ठिकरी तो सब तो बिहारी है इसको काला पान इसको लाल पान ठीक है इसको लाल पान अब देखो ये इंग्लिश हिंदी में ही आएगा क्या ये चिड़िया क्या कहते सब हां चिड़िया ही है ये हिंदी में बनाएबे करेंगे हम इसको बोलते हैं बादशाह ये जो के है ना कौन है सर किंग सर किंग 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 ये हुआ बादशाह ये वाला किंग ठीक है ये बादशाह ये यहाँ से देखो इसमें दाढ़ी मोच बन जाए अब देखो ये क्यू जो है ना इसको बोलते सर उसको कलर मत कीजिए सर हेलो प्लीज उसको कलर मत कीजिए उसको हटा दीजिए कलर अच्छा चलो बीबी है सर इसको बोलते हैं बीबी बेगम 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 इसको बोलते हैं बीबी राजा सर राजा की पत्नी होती है ना सर बादशाही उसको क्वीन कहते हैं ये जो है ना जोकर गुलाम 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 28 तुम खेलोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक है जब 28 तुम खेलोगे ना तो सबसे बढ़िया पत्ती जो होता सबसे है सबसे बढ़िया जोकर होता है सर अरे 28 की बात हम बोल रहे हैं सर 28 क्या होता है एक खेल होता है जो गांव में सब खेलता है एक कॉल ब्रेक होता है 28 होता है 26 भी होता है लास्ट में इसका नाम क्या है देसी नाम सर तब देखो ये जे को समझ लो पहले जे को समझ लो तो ये हुआ जे जो हुआ ये तुम्हारा हुआ ये गुलाम ये काला का गुलाम है ठीक है अब ये जो हो गया ए जो है जिसको बोलते हैं मुन्ना देखो इसको बोलते हैं मुन्ना का ये लाल सर तो ये दुदुगो कर दिए आप कहां ये दुदुगो किया सर तो एगो ए यहां लिखे है और फिर एगो लाल ब्लॉक में लिखे है काला पान हां काला पान के नीचे तो वो भी तो ए पर लिखे है ना ये तो देखो ये चार गो होता है ये अलग है ये चार गो इसमें होगा सर इस चार में सर तो सबसे लास्ट वाला है इसमें 13 इस सब में 13 पत्ती इसमें 13 पत्ती समझ गए सर तो एक बार उस्मान जरा हमें बताइए कि लाल किधर है लाल वाला पान किधर है लाल देखो लाल पान ये देखो ये देखो लाल पान है हां ये देखो लाल सर तो ए भी तो वही है तो ए देखो ये ब्लैक में है ना अरे सुनो ना ये देखो ये चार गो है ये चार गो ग्रुप में बटल है चिड़िया भाई अपने गांव वाले जुआरी से संपर्क करो अब ठीक है भाई चले करते हैं सुनो सुनो चिड़िया देखो अरे सुनो भाई भाई टाइम नहीं है भाई सुनो ना पहले ये देखो चिड़िया ठिकरी काला पान लाल पान ये चार गो ताश में होता है हर एक के पास 13 पत्ती होता है ठीक है चिड़िया 13 पत्ती ठिकरी 13 पत्ती काला पान 13 पत्ती और लाल पान 13 पत्ती चिड़िया के पास क्या क्या होता है चिड़िया के पास एक बादशाह होता है बादशाह एक बेगम और एक गुलाम ठीक है एक बादशाह एक बेगम एक गुलाम और एक जो होता है वो मुन्ना होता है मुन्ना
ठीक है सर, इसको इक्का कहते हैं ना, मुन्ना को इक्का। हाँ मुन्ना भाई, इक्का नाम सुने थे सर, मुन्ना नहीं सुने थे। हाँ हाँ, आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इक्का आएगा, इक्का आएगा आपके एग्जाम सर। हम भी इक्का आया था टेंथ में, इक्का बोला जाता है। सॉरी सॉरी, मुन्ना नाम नहीं सुने थे। अरे गम्मा में मुन्ना बोलता है तो मुन्ना बोल दिया, इक्का। ठीक है सर, ये सबसे बड़ा होता है, उसमें बढ़त बनाती है ये। यस सर, टीम में बहुत बड़ी में ब्लैक वाला सबसे बड़ा होता है। अब समझो, ये जो ठिकरी है ना डायमंड, ये ब्रिक्स भी इसको बोलते हैं डायमंड। इसके पास भी एक बादशाह है, इसके पास भी एक बेगम है, इसके पास भी एक गुलाम है, और इसके पास भी एक इक्का है। तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम समझ जाओगे। फिर काला पान के भी पास क्या है, काला पान के भी पास एक बादशाह है, एक बेगम है, एक गुलाम है, एक इक्का है, लाल पान के भी पास। तो तुम ये बताओ टोटल 52 पत्ती में कितने बादशाह हुए? चार। बोलेगा, देखो सवाल, सब सवाल आएगा। तो टोटल 52 पत्ती में 4 बादशाह हुए। रात के 2 बजे तुम बादशाह, ठिकरी, मुन्ना, बेगम, गुलाम कर रहे हो, ठीक है ना? सुन लेने किसी का गार्जियन तब पता तो चलेगा। अब देखो सर, फिर अब बोलेगा 52 पत्ती में खेलने, 52 पत्ती में 4 बादशाह होता है। बेगम कितनी होती है? चार बेगम होगी, 4 इक्का होगी, और 4 गुलाम होगा। सब चार होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक आएगा, आगे चार चार होता है। देखो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि लाल पान, ये क्वेश्चन आएगा कि बादशाह आने की क्या परियक्ता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/13। तो बादशाह कितना होता है? 4, टोटल पत्ती 52, 1/13, 4/5। लाल बादशाह का सर ये हुआ ना, पूरा फुल बादशाह का नहीं हुआ सर। अरे सर, पूरा बादशाह बहुत अच्छा है, लाल बादशाह का 1/52, 2/52। अब बोलेगा यस सर, यस सर, सही है सर। बोलेगा कि चिड़िया का बादशाह आने की क्या परियक्ता है? चिड़िया का बादशाह 1/52 सर, 1/52। चिड़िया का क्या गो बादशाह? चिड़िया का एक बादशाह, एक बेगम, उसका एक गुलाम, उसका एक इक्का, ठीक है। अच्छा नहीं पूछते सर, अरे आएगा क्वेश्चन, देखो ना आएगा। सबका एक एक बादशाह, काला पान एक बादशाह, हाँ दिख रहा है सर। अब देखो, देखो यहाँ पे देखो, चिड़िया का एक बादशाह है ना, अब देखो चिड़िया का एक बेगम होगी, देखो चिड़िया का बेगम, देखो यहाँ पर, अब देखो चिड़िया का एक गुलाम होगा, देखो चिड़िया का एक गुलाम है, देखो चिड़िया का एक गुलाम है ना, यस सर। और देखो चिड़िया का एक इक्का है कि नहीं है, फिगर में है कि नहीं है? अब देखो जैसे ठिकरी का, देखो डायमंड का, तो एक एक देखो, एक बेगम, एक बादशाह, और एक देखो गुलाम होगा कहीं, देखो एक गुलाम और एक देखो इक्का, समझ गए? तो बोलेगा कि चेहरा वाला है, मतलब एक फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या परियक्ता होगी? फेस कार्ड मतलब जिसपे चेहरा, 12/3 एक ही आएगा। तो देखो 1/12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मतलब 12/12 12 को चेहरा वाला है, 12 को चेहरा। अच्छा देखो क्वेश्चन करो, अब समझ गया ना सब कुछ? प्रत्येक रंग में कितने, मतलब प्रत्येक कार्ड में 3-3 होते हैं फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड, 4-4, बेगम, गुलाम, 4-12 सर, हो गया सर के लिए। चलो चलो, 4 हुआ ना सर, इक्का, इक्का फेस कार्ड नहीं है ना, इक्का फेस कार्ड नहीं है ना। अब देखो, अब तुम लोग सब फटफट, अब तुम लोग ये कहा हो गया सर, गेंद वाला भी एक समझा दीजिए, गेंद वाला। अब देखो तुम लोग सब गेंद के कितना उछलोगे सर? गेंद वाला एक खाता है सर। अब देखो, एक ताश की गद्दी के 52 पत्ते को अच्छी तरह मिलाया जाता है श्याम, एक ताश इसे, अब बताओ तुम सब, सब बता दोगे, बीवी होने की क्या परियक्ता है सर? 4/52 सर, 1/13 सर। बीबी यदि बोले होंगे तो तुम्हें खराब लगा होगा, देखो बीबी लिखा हुआ है कि नहीं?
तो देखो हाँ वही रानी आने की प्राइस था। देखो अब ताश वाला तो है आगे आएगा, ताश वाला का कहानी। हाँ देखो ठिकरी की दुग्गी, ठिकरी बोले कि नहीं बोले, देखो ठिकरी एक ताश, देखो काली पत्ती, देखो है कि नहीं, तो सब क्वेश्चन नंबर कौन है। अब देखो 1516 देखो ना 1516 क्या होता है सर, ये दहला ठीक है भाई। अब देखो सबका नींद खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो बचा है सर सबका नींद टूट गया। पांच काली सात लाल एवं तीन उजली गेंदे एक ही बास्केट में रखी है, एक गेंद निकाल खींची जाती इसके काली या सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, काली या सफेद। तो देखो कितना काली है, टोटल कितना गेंद है, तो सात तीन दस पांच, सात तीन दस पांच पंद्रह, पंद्रह है ना टोटल, पंद्रह है टोटल, पंद्रह है तो काली या सफेद, तो काली कितना है पांच, सफेद कितना है तीन, तो दस पांच तीन आठ, पांच तीन आठ, आठ बाय पंद्रह तीन नंबर सर, बारह के काली आ गया ना, जोड़ देना ऐसा क्वेश्चन आएगा। तू इसे तेरा नंबर सवाल देखो सर, हेलो हेलो सर, हेलो सर, हाँ सर, सर बारह नंबर फिर से समझिएगा। देखो पांच काला गेंद सात लाल गेंद सर, तीन उजला गेंद, एक पॉकेट में रखा हुआ है बास्केट में, ठीक है। तो बोलता है कि एक गेंद, हम एक गेंद निकालते हैं तो उसको काली या सफेद होने की प्रायिकता क्या है, काली या सफेद। तो देखो काली या सफेद, काली या सफेद, तो पांच काली तीन सफेद, तो पांच प्लस तीन टोटल कितना गेंद, पंद्रह, आठ बटा पंद्रह। तेरा नंबर सवाल, कौन बोला था कि क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर था, उसको जरा बनाइएगा, यही इसी टाइप क्वेश्चन नंबर आठ, यही टाइप हाँ, दो को बताओ दो को निकाला जाता है तो सफेद बॉल आने की संभावना क्या है, क्वेश्चन क्या था एक बार बोल दो, क्वेश्चन पूरा ना, पूरा पूरा सर हमको पढ़ने नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए सर, भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, भेज रहे सर, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बोलिए ना बोलिए ना, इंडियन बोलिए, हम दोनों में कंफर्टेबल है सर, ये सर लिखिए सर, हां एन अर्न कंटेन नाइन ब्लू सेवन व्हाइट फोर ब्लैक, नाइन ब्लू सेवन व्हाइट, सेवन व्हाइट फोर ब्लैक, फोर ब्लैक, इफ टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम हां देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन बॉल इज व्हाइट। दो बॉल को निकाला जा रहा है ठीक है, तो एक एक बॉल को सफेद बॉल, हां एक बॉल आने की संभावना क्या होगी कि एक बॉल सफेद आना चाहिए, हाँ टोटल सफेद बॉल कितना है, 1/7 होगा सर, नहीं सर टोटल 9, 9, 7, 16, 4, 20 टोटल बॉल, टोटल 19, टोटल 20 बॉल हो गया ना, तो एक बॉल आना चाहिए सफेद, और एक बॉल सफेद सात है सर, 7/20 तो एक बॉल तो पहले आना चाहिए, तो 7/20 होगा एक बॉल, और एक एक बॉल तो सात, एक बॉल और बाकी का एक बॉल, दोनों में से क्या बोले थे अंत का क्वेश्चन पढ़िए, तो एटलीस्ट एक अर्न में 9 नीली 7 सफेद और 4 काली बॉल है, यदि उनमें से 2 बॉलें निकालते हैं तो उसमें से एक सफेद बॉल आने की क्या संभावना होगी, सात एक सफेद बॉल आने की तो 7/20 हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ दीज होगा सर, नॉन ऑफ दीज होगा, उसमें नहीं है सर, मतलब एक सफेद बॉल आने की प्रायिकता क्या है 7/20, यहां पे 2 बॉल निकाल रहे हैं तो सिर्फ आप वहां पे तो एक ही निकाले हैं ना, इसका गुना हो जाएगा, फिर बाकी के गुना हो जाएगा ना, दिमाग में नहीं है, फिर हो जाएगा बाकी, एक बॉल तो 7/20 हो गया, एक हो जाएगा 9/4, 13/20, ऑप्शन क्या क्या है बताइए तो सर, क्वेश्चन बोलिए ना सर, ग्रुप में शेयर कर देने, वो बोला सर ऑप्शन गलत है उसमें, मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा जो दिया हुआ है उसमें, नॉन ऑफ दी आंसर होगा उसका, बोलिए नहीं ऑप्शन बताइए ना, ऑप्शन
सर उसका आंसर गलत है, उसका ऑप्शन ही गलत है सर क्वेश्चन का। सर फिर हम बता रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन है 121/190, 91/190, 93/190 और 99 जी पी है। रुक जाओ रुक जाओ, 20 बच गया, ये बच गया कि मैं एक बोल तो निकाल लूं। है भाई क्या भेजा है? बच गया 19। अरे भाई क्वेश्चन में को 19 बोल बच गया, 19 बोल। अच्छा मेरे में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई फोटो भेज रहा है ना तो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। 7/20 टोटल बोल 7 7/20 इनटू क्या सब देख लो, ग्रुप में भेज दिए हैं। एक बॉल देखे आ गया, बाकी बच गया कितना? बीए का क्वेश्चन बहुत इजी है सर। बहुत इजी है, सेक्शन बी में देखो। हां सेक्शन में तो हम लोग अरे सही वाले ऑप्शन सही है, तीनों सही है, ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन गलत नहीं है। रुक जाओ ना, दिमाग में ये सवाल आ नहीं रहा है। ये 12 में था, ये सवाल आ नहीं, ये ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन सही है। पहला देखो, पहला बार दो बॉल को निकाला जा रहा है एक ही साथ ना? यस सर, वही तो बोल रहे हैं, एक बॉल को निकालना होता तो इजी बन जाता, लेकिन यहाँ पे दो बॉल को निकाल दिया है। एक बॉल दो बॉल को निकाल दिया तो इसको देख लेंगे एक बार, या नहीं इसको पूछ लेंगे। ये सर ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, हम देखे थे बट उस फॉर्मूला से हमको समझ नहीं आया उतना, क्योंकि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं इसका। सेक्शन ए का था सर, बीए या बीएससी? बीए का, बीए का, बीए सेक्शन, सेक्शन ए है तो सबके लिए कंपल्सरी है ना यार। तुम लोग बोलते हो कि सर इतना हल्का सवाल इतना भारी आएगा, बताओ। यस सर बहुत हार्ड है सर, अगर 19 वाला देखकर हार्ड है। पांच काली 19 वाला देखकर नहीं करना कोई, तीन उजली गेंद एक 19 वाला करके जाएगा ना प्रिपरेशन तो देखो। पांच काली सात लाल और तीन उजली गेंदे एक थैली में रखी गई है, एक गेंद ऐसा उसमें खींची जाती है, उसके काला होने, उसके काला न होने की क्या परिवर्तन होगी? काला न होने की तो तीन नंबर आंसर सर, 7 3 10 काला न होने की मतलब 7 लाल 3 उजला 10/15 और 7 5 15 3 15 10/15 5 गुना के 2/3 15। ये सर सब बहुत इजी है सर, ये सब तो हल्का है। 14 नंबर सवाल ये में बहुत इजी पूछता है। 14 नंबर सवाल बनाओ, बीएससी में तो बैंड बजा देता है सर। हाँ तभी तो आपको सर लड़क है लड़के, एक कक्षा में 10 लड़के एवं 15 लड़कियां हैं, क्लास टीचर के सभी बच्चों का नाम बारी बारी से एक वर्गाकार पर्चे पर लिखकर गोल करते हुए एक टोकरे में डालती जाती है, उसमें से एक पर्चा खींचा जाता है उसके किसी लड़के का नाम होने की परीक्षा, तो आसान है सर ये कौन? 15/25 सर। यस सर, नहीं 10/25 ना होगा, 10 हो गया, गलती से दिख गया लड़का, हो गया भाई, हो गया हो गया, हमको लगा 15/5 आपको इसलिए लगाओ ना क्लास में ज्यादा लड़का होता है ना इसलिए लगा होगा। अब देखो चिड़िया बादशाह बेगम चल रहा है उसी समय से। यस सर, देखो ये आ गया तुम्हारा सर, माथा दर्द कर लगा सर, एंड सैक तो बहुत टेस्टी होता है त्रिकोणमिति। अभी तो पढ़ना भी तो सर, अब तो सर 2-3 मिनट और पढ़ा देंगे सर, थोड़ा पानी पीने जाएंगे, मुंह हाथ पोंछ के आएंगे। 15 नंबर, 52 तासों की गड्डी से जिसे अच्छी तरह से मिलाया गया है सर, तब तक आए 2 मिनट में हम। हाँ हाँ, वो एक तास खींचा जाता है उसे ठिकरी की दुग्गी होने की क्या संभावना है? एकदम सब दुग्गी क्या होता है सर, दुग्गी में 2 बार आना सर? नहीं, दो जिसपे दो पता होता है, ठिकरी का दो एक होता है, ठिकरी का दुग्गी मतलब पता होता है दुग्गी जिसपे सर दो लिखा हुआ होगा, दो लिखा हुआ होता है। देखो कहाँ तुम्हें टोटल कार्ड यदि रहा तो सर वही है सर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो 1 2
पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह का तेरह तीन छब्बीस तीन तेरह चौक बावन। हाँ देखो ये वाला फोटो जरा सा देख लो सर, सत्यम भाई पे ईशर ये ग्रुप में सेंड किए, सत्यम भाई देखेंगे इसको। यही तो फोटो मिल गया सर, ये डेस्कटॉप में प्ले इन वन देखो, इसको भेज दीजिएगा। देखो देखो कहाँ गया, इतना डिजिटली है कि तुम्हें पढ़ा पढ़ा के हम अंदर बना देंगे। गर्ल्स ग्रुप में डाल दीजिए। देखो ना डाल दे रहा हूँ, देखो एक चीज देखो, अरे माइक ऑफ करो यार, कहाँ गया फुल स्क्रीन, दिखाई दे रहा है? यस सर, फुल एचडी में है सर, 1080 में है, है ना? आप देख सकते हो, मजेदार करने चले गया वो, ये क्या हो गया? देखो हम लिख तो नहीं पा रहे हैं इसमें, बदल गया के आ गया। यस सर, देखो यहाँ पर देखो, चिड़िया एक, चिड़िया का दो एक होता है, चिड़िया का तीन एक होता है, चार पाँच छ सात आठ, दुग्गी उसको बोलते हैं जो दो है, तिग्गी बोलते हैं जो तीन है, चौगी बोलते हैं जो चार है, पंजा या पांच बोलते, पंजा बोलते हैं जो पांच है, छठा सतवा को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, छक्का छक्का, हाँ छक्का, छठा छक्का, सतवा उतना नहीं मालूम, सप्तम सर, अष्टम, सप्तम अष्टम नवम दशम, हाँ संस्कृत है नहीं, दस को दहला बोलते हैं, डायरेक्ट आता है कि दहला, नहला, नौ को नहला, नहला दहला, नौ को क्या बोलते हैं, नहला दहला, नहला नौ को, नहला नौ को नहला, सेवन को सत्ता, सर आठ को अट्ठा कहते हैं शायद, अब याद आ रहा है, हाँ आठ को अट्ठा बोला जाता है, सेवन को सत्ता कहा जाता है, हाँ खलास में सब होता है सब। देखो एक ये इसको बोलते हैं दुग्गी, इसको तिग्गी, इसको चौगी, इसको बोलते हैं पंजा, इसको छठा, सतवा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये सब देखो एक ही है, चिड़िया देखो एक ही है, चिड़िया का एक एक तब है, एक जोकर है, एक सबका एक एक तोता होता है सर, देखो एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है, एक क्या है इक्का है, बाकी सब एक एक है, सबका देखो एक एक है, बावन पत्ती जोड़ लो सब, बावन पत्ती है, देख लिए, इन्हें फोटो भेज देंगे तुम लोग को पढ़ लेना, पढ़ना हेलो खत्म है क्या? नहीं नहीं ये ना अभी 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 तो स्टार्ट ही हुई है, अरे नहीं स्क्रीन में बंद देखिए ना, बोला खत्म होता हो गया, तो बामन पत्तों ताशों के पत्ते को अच्छी तरह भाई लगभग होने वाला सर, काली पत्तियों का दहला होने की क्या परिक्षा, देखो आ गया ना, हम देखो टाइप थोड़े किए हैं, क्वेश्चन बनाया हुआ किताब है, 152 सर, काली पत्ती की दहला होने की क्या परिक्षा है, देखो काली पत्ती की दहला बता दिखाते हैं, एक ही दहला होगा और एक बटे एक ही दहला होगा, एक बटे एक बटे बावन हो जाएगा, एक बटे बावन, काली पत्ती का दहला एक है यहाँ पर, एक बटा दहला नहला, तो सीधे सर खाली कार्ड याद रहना चाहिए, बाकी तब तो क्वेश्चन बहुत हल्के लगता है, तो कार्ड बहुत जरूरी याद करना, जिसका छूट गया ना आज उसका परिक्षा लेट हुआ, देखो क्वेश्चन आया था कितना हार्ड वाला, भेज दीजिएगा ग्रुप में याद कर लेंगे, हाँ सर लेकिन उसको बना दीजिएगा सर, बहुत बेहाडे है भाई लोग, अगर किसी के पास, अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो बीएससी वाले के लिए तो सेंड कीजिएगा, थोड़ा सा और देखना है, अब देखो एक बैग में तीन लाल पांच काला, कंफर्म नहीं है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, लेकिन भेज देंगे आपको, मेरे पास है, देखो हां भेजिएगा, मतलब एक तो है 16 का है भाई, भाई मेरे भाई बस वही है भाई, एक बैग में तीन लाल पांच काला तथा सात सफेद गेंदे हैं, एक गेंद को खींचा जाता है, इसके लाल होने की परिक्षा सब बताओ सर, तो आप पूरा कलर कर दिए थे, कैसे देखेंगे, तीन पांच सात है, हाँ सात तीन दस पाँच पंद्रह, तीन बटा पंद्रह, तीन बटा पंद्रह कटा लीजिए, एक बटा पाँच, तो इसके लाल होने की परिक्षा क्या है, एक बटा पाँच, टोटल कितना है, सात पाँच सात, तीन बटा पंद्रह, एक बटा पाँच,
नींद नहीं आ रहा है पायलकता पढ़ने में। मजा आ रहा है, भाग गया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है नाइट में पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाइए ना मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता सर, चेक भी कीजिए ना कि कौन लिख रहा है। नहीं सर लेकिन हम टेबल पर बैठे हुए हैं, हमको बहुत, लेकिन एग्जाम के रात में ना बहुत घातक साबित हो जाता है ये नाइट में पढ़ना। हाँ बहुत अपोजिट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से हैबिट बनाना पड़ता है। 20 कार्ड्स 1, 2, 3 से लेकर 20 द्वारा अंकित है, इन्हें एक डिब्बा में डालकर पूरी तरह मिलाया जाता है। उनमें से एक कार्ड यदृच्छया खींचा जाता है, मतलब ऐसे खींच लिया। रूड संख्या मतलब प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या है बताओ? रूट किसको होने से प्राइम नंबर लिख तो दिए 1, 2, 3 हाँ वो 15 होता है, 15 होता है 8/7/20 है क्या सर? तो देखो कौन कौन संख्या प्राइम होता है, 2 क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 टोटल 8 20 आंसर है 4, 2, 8 4, 2/5 अरे समझ रहे हो? हाँ सर जी। सत्यम भाई कहाँ भाग गए? फीलिंग आ रहा है पानी पीने बोला गया तो बोला है पानी। अरे नहीं हम उस समय से बोल रहे हैं, हमको पता नहीं कि मेरा माइक ऑफ है। फीलिंग आ रहा है? यस सर, यस सर। मैं फिर पढ़ा रहे हो तो अभी तक सो गए हो तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी और नेक्स्ट सर। चलो यहाँ जाओ गुलाम तक एक चैप्टर सर और खत्म कर दिया। देखो अच्छा उपरोक्त प्रश्न में खींचे गए ताश के चिड़िया होने की प्रायिकता, देखो चिड़िया बोलता है कि नहीं बोलता है। 52 ताशों की गड्डी में से चिड़िया का बादशाह बेगम एवं गुलाम निकाल लिया जाता है, शेष को अच्छी तरह मिला लिया जाता है। इस ताश इधर खींचने पर उसके लाल पान का दहला होने की क्या प्रायिकता है? बनाकर दिखाओ तो जरा सा देख लेते हैं सर। ये इसको छोड़ के आगे बढ़िए। नहीं रुकिए सर, बनाएंगे सर। अरे तो मसाले तो सर तो याद नहीं ना हुआ है, हो जाएगा ना, कुछ है कहाँ। चिड़िया का बादशाह बेगम और गुलाम निकाल दिया तो बच गया 49 पत्ती टोटल, और दहला एक होता है 1/49 हाँ सर वही देखना पड़ेगा कौन कौन 1 वो होता है, कौन कौन 4 होता है, कौन कौन 13 वो होता है। वो पत्ती एक खरीद लीजिए, याद करना होगा। आ जाओ त्रिगो पर कॉल ब्रेक खेलना सीख ऐसे मेरे घर में होगा। ओ खेलते थे आप? आप खेलते थे? ऐसा चैप्टर है जो नहीं? अरे नहीं अभी शादी था तो उसमें सबके अधिक ले आया था ना, क्या बोलते हैं टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट। अरे रेलगाड़ी वाला भी पढ़ाते हैं, रुको उसे रेलगाड़ी में हम लोग सुबह सर अब क्लास रिकॉर्ड कर दीजिए सर, लाइट नहीं है, लाइट चला गया, बारिश हो रहा है, कभी भी क्लास बंद हो सकता है मेरा। गुड फोन बंद हो सकता है सर। गुड नहीं सर, आप कर दीजिए ना सर रिकॉर्ड। अरे तो रिकॉर्ड देखो ना यहाँ पर, इसको देखो ना क्या हो रहा है। तो सर फिर हम रिकॉर्ड तो शुरू से हो रहा है, रिकॉर्ड तो शुरू से हो रहा है। एक एक सेकंड ये ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्लास, पूरा शुरू से हो रहा है। आपसे पूछ रहे कि सर रिकॉर्ड कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे तो कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे आप क्लास में, आपको रखने के लिए बस था, ज्वाइन करने का बहाना था। ये बच्चे लोग को डराने के लिए होता है, यहाँ रहे सर तो चले जाते ना सब। सर तो हर क्लास में बोलते है की रिकॉर्ड नहीं कर रहे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, सब डला जाता है ना। जो लाइव क्लास में मजा है वो रिकॉर्ड में नहीं आता है कुछ ना। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले ऐसा बुझा, अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक आया था घूम फिर के चला गया है सर, बोला था कि प्रोबेबिलिटी हो रहा है चल गया, बोले सोए हुए थे का ज्यादा बोलता है बोल। हेलो सर बोल रहा है कि पेशेंस नहीं सर। हाँ सर एक दिन हम क्लास नहीं किए तो हमको मालूम चल गया कौन मेरा अपना है कौन नहीं, देख रहे थे क्लास में कौन कौन बोल रहा था मेरे बारे में। हाँ रिकॉर्ड में वाह
आ जाओ साइन स्क्वायर 34 डिग्री साइन सब मतलब जो क्लास नहीं करता है वो रिकॉर्डिंग में सही बात है भाई क्लास कोई नहीं करेगा तो उसका शिकायत करोगे रिकॉर्डिंग में देख लेगा सारा का सारा बताओ सर हम तो सबसे कर देते हैं अगर करना होता है तो रही थी कि पांडे को मालूम चलेगा क्लास छूट गया है तो देखो साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस अरे जो हम बोल रहे थे साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री एक फॉर्मूला तुम बचपन में ही पढ़े होगे साइन स्क्वायर इसको आंख मूंद करके एक लगा दे बराबर वन बचपन में ही पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो अभी पढ़ लो तो साइन स्क्वायर माइनस एक होगा तो देखो इसको क्या करते हैं बदल लेते हैं इसको अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 56 तो बहुत सारा मैं शेयर कर इंडियन भाई जरा शेयर कीजिए जैसे 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 फॉर्मूला आएगा ना वैसे वैसे बताते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिख लो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस देखिए सर प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन बा ए पर बन गया अगला क्वेश्चन ए पर ए नहीं करेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आप देखो ये दो फॉर्मूला लिख लो एक फॉर्मूला ही लिख लो तीन फॉर्मूला लिख लो अब साइन स्क्वायर 34 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 माइनस 56 डिग्री लिख लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 56 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 56 अगेन सर बराबर वन ये समझे या फिर से समझाएं सही तरीके से नहीं समझे सर नहीं समझे फिर से तो था आ जाओ ये ठिकरी गुलाम को हटाओ देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री में से थीटा कुछ भी ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री कुछ भी रहे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा कॉस थीटा और ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा के जगह कुछ भी हो तो वो आपका होता है साइन अब यदि हम देखो इसको लिखते हैं साइन 60 डिग्री ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री यस सर ये सर लिख सकते हैं 10 को हम लोग 5 10 को हम लोग 20 माइनस 10 नहीं लिख सकते हैं ये सर लिख सकते हैं 15 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं सर तो वही तो बात है 60 को हम लिख दिए अब एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि सर आप बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो इसको कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं यस सर बदलना √3/2 इसको बदलना बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बदलना बाप रे 1% बैटरी हो गया फोन चार्ज करने तो जल्दी से रुक जाओ ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा अभी मैं ग्रुप में फार्मूला शेयर किया हूँ उसमें टोटलिंग फार्मूला है अरे हम किसी फोटो को देख नहीं पा रहे प्रॉब्लम ये है अभी ग्रुप में शेयर स्विच ऑन मतलब रिबूट कर लो फोन को रिबूट कर लो अरे नहीं अपडेट किए हैं ना कल परसों में ऊपर बात तो इतना ना दिक्कत हो रहा है अब देखो नया अपडेट आया है अब दिखेगा नहीं अब देखो अच्छा ये बात समझ गए कैसे ये वाला कि ये समझे हाँ सर समझ गए तो जब ये समझ गए तो ये देखिए समझ जाएंगे आप जब वो देखिए साइन स्क्वायर 34 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 34 करेंगे ना 56 था ना 34 आएगा यस सर 90 में 56 यस सर यस सर यस सर सही बोल रहे हैं 90 में से 56 घटाइएगा तब तो 34 आएगा सर यस सर यस सर प्लस साइन स्क्वायर 56 ऐसे करने से क्या हो जाएगा ना ऐसे करने से हो जाएगा कि इसको कॉस स्क्वायर 56 डिग्री लिख सकते हैं यस सर साइन स्क्वायर 56 डिग्री और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 फॉर्मूला है फॉर्मूला आपको बताए हैं जब आप बहुत दिनों की बात थे जब आपको पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताया
सर तो हम पढ़वे नहीं किए है उबला क्लास वा सर ये सब पिछला बार क्लास वाला सर रिकॉर्डिंग है का यूट्यूब पर अरे सर नहीं पढ़ाए यार नहीं पढ़ाए हैं बे हम शुरू से हैं को कहां कर रहे हैं अरे नहीं कर पाए सर तो पढ़ाई बोले कर रहे हैं आई लव यू मार दे नहीं देता है इसे अरे सर बोले थे बहुत दिन पहले आप लोग दो मंथ पहले आए हैं बच्चा बच्चा टाइम हम बहुत दिन पहले की बात कर रहे हैं भावना को नहीं समझते हम बार बार बोलते हैं फीलिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं फीलिंग नहीं समझता है बताइए हम लोग मूवी देखते हैं फीलिंग नहीं तो ये सब कर लीजिए इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इतना आप समझ गए ना यस सर यस सर कोशिश क्या है 34 इकोनॉमिक करा दीजिएगा 10 में भी नहीं समझ में आया अरे पहले ये तो पढ़ लो अपना काहे ना इधर उधर भाग रहा है ज्यादा प्रॉब्लम है अब देखो अगला क्वेश्चन समझ जाओगे देखो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री अब इसको बदल दो या इसको बदल दो जिसको दोनों में से जिसको मन है उसको तो तिरपन को बदल दे तो इसको लिख सकते हो कॉस में इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 - 37 ये 53 होगा यस सर अब प्लस साइन स्क्वायर 37 तो इस साइन स्क्वायर 90 - 37 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 37 यस सर प्लस साइन स्क्वायर सर कॉस स्क्वायर 37 लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 - थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ ना सर हाँ सर हाँ सर ठीक है बदलना क्या साइन स्क्वायर थीटा मैंने अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका लॉजिक है कि 1 दे देना है आंसर में बस अब देखो देखो एक सवाल बनाते हैं हाँ सही बात बोले सवाल दिखाते हैं ये वाला सवाल बनाते हैं 99% क्वेश्चन इस टाइप का जो रहता है उसका 1 ही आंसर होता है हाँ यदि समझ में ज्यादा ना आए तो शायद ही एक तुक्का मार देना आंसर मारना चाहिए सही बोला सर एलिमिनेशन ट्रिक है मार दो ये बहुत काम का बात होता है इंडियन खास करके नेगेटिव मार्किंग जो नहीं होता तो उसमें बहुत मजा आता है हाँ अच्छा ये वाला बताओ पर उस सब हम लोग को अभी उस सब नहीं सीखना है सब अंतिम दिन बताओ तो 100 को 100 को से नहीं वाला आ जाए सब एक मार्क आएंगे और पीयू में हम लोग को घाटा है नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो घाटा है क्योंकि नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट ना तुक्का लगा के हमसे आगे भी निकल सकता है अरे नहीं पढ़ने वाला का तुक्का वो सही नहीं है नहीं नेगेटिव होता तो फिर उसका जो जितना ही पढ़े हुए होता उतना ही मारता नहीं नहीं जो तुक्का लगाएगा वो गलती लगाएगा ना जो पढ़ता है वही क्या वो सर आप भी बात करते हैं बीएचयू के एग्जाम एक बच्चा दिया वो निकल गया तो कम होता है ऐसा कभी कभी सर कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो सर विकास सर बता रहे थे अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दिए थे सब तुक्का मार के आए थे बी टू जेड सी में सी लगा के आए थे हाँ 20 सही था और बाकी सब सी में लगा के आए थे हाँ बोले थे मैंने देखा था सेमिनार में मेरा हम भी देखे थे भाई मेरा भी अभी हो जाए बीपीएससी ना तो हम तो बोलेंगे हम पढ़ते थे हम तुक्का मार दिए सब सही हो गया आ गया भोलेनाथ की कृपा था जाके मंदिर में सर ये बात सही बोल रहे हैं आप हो गया के बाद में सब कोई इधर उधर का बताओ बताता है बन जाएंगे हम पढ़ते थे भाई लाइब्रेरी में बैठ के मूवी देखते थे हॉस्टल में बैठ के इधर उधर सबको हरियाली देखते थे एनआईटी घूमते थे क्या सर तो एनआईटी में जाके घूमते रहते थे पढ़े कहाँ एनआईटी घूमते तो गए फिर एग्जाम में बैठ गए रामे जी राम ए रामे जी राम बी रामे जी राम सी ए बी सी करते करते 150 क्वेश्चन बना दिए पीटी निकल गया मेंस में बाबर को अकबर से मरवा दिए अकबर को बाबर से मरवा दिए पीटी मेंस निकल गया उसका हालत खराब हो जाएगा रोएगा तो बैठ के रोएगा नहीं तो आपको अच्छा कैसा सुनाएगा मन में नहीं सर जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना सर वो कोई किसी टॉपर का नहीं सुनता वो खुद अपने माइंड से करता उसको जो आता है लेकिन टॉपर को देखना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हाँ, नहीं सबका अपना अपना है सबका अपना अपना सिचुएशन होता है ना वो उससे आइडिया ले सकते हो हम सत्यम गांधी का देखे थे बहुत बढ़िया लगा था बोल रहा था कि ना एक एक बुक को 20-30 पढ़ लो एकदम इजी हो जाएगा आज तक रात में ना रवि कुमार सिन्हा आज तक रात में नहीं पढ़ा है लेकिन वही हिंदी मीडियम से टॉप किया है देखिए रवि कुमार सिन्हाग है अरे सबसे ज्यादा वह पढ़ ले होगा बोल नहीं रहा अलग बात है देखो सबका अलग अलग हम लोग को अभी पढ़ना है तो पढ़ते हैं फिर बाकी आगे जिंदगी जहाँ ले जाएगी वो काम करेंगे अभी तो उसको छोड़ो ना शुभम लेकिन सही बोला था सर कि इसको पता नहीं था फर्स्ट रैंक आएगा ये सही बोला आगे आ गया अच्छा देख रहे हो इसको बनाओ ना सर कौन सा क्वेश्चन है इसको बनाओ तीन नंबर सवाल को बनाओ अब देखो इसको देखोगे ना एक नजर से देखोगे ना तो तुम एक बार में 5 मार्क करा जाओगे
बस आइडिया बन जाएगा तो पांच मार करा जाओगे बस नजर से नजर कौन सा नजर है बताइए जरा थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू सर थ्री प्लस टू होगा सर थ्री प्लस टू मिला लिए नीचे वाला कहने से गायब हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचा कट जाता है देखो इसको वही जो सर फॉर्मूला बताए थे इसको बदल दो तो देखो थ्री कॉस को लिख सकते हैं कॉस को लिख सकते हैं देखो तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 85 डिग्री यस सर अब बाई में साइन पचास साइन 85 डिग्री इसको साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 57 डिग्री कोस 57 डिग्री अब इसको थ्री साइन 85 डिग्री कर सकते हैं यस सर कर सकते हैं नीचे में साइन 85 डिग्री कर सकते हैं प्लस टू कोस 57 डिग्री कर सकते हैं इसको कोस 57 डिग्री कर सकते हैं इससे इसको भग काटा इससे इसको भग काटा ये सब लेकिन इस सिलेबस में नहीं देना सर, चाहिए सर ये तो पूरा ये हो गया अब जो पहले कर रहे बोले हैं वो कैसे बनाए थे वो भी ऐसे ही बनाए थे सेम अब एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखो 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 फॉर्मूला वाले ठीक है स्क्वायर थीटा सर फॉर्मूला बताइए वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 लिखो फॉर्मूला एक अभी हम एक ग्रुप में शेयर किए हैं सत्यम भाई देखिए अरे हम देख नहीं पा रहे हैं ना प्रॉब्लम ये है ना sec स्क्वायर थीटा लिख लो तो देखो ये एक चीज देखोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे प्रश्न भेजिएगा भाई भाई तो यदि ऐसे एक को इधर रहने दोगे और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या होगा तुम नजर कुछ पड़ा एक ऑप्शन सी 1 सर 1 और 1 यदि आएगा क्वेश्चन को मिलाओ तो जरा सा यही सेम टू सेम है एकदम तो देखो थीटा की जगह 75 डिग्री है यहां पे देखो sec स्क्वायर 75 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 75 डिग्री बराबर क्या होगा 1 समझ गए देख रहे हो फीलिंग जगा दे रहे हैं तुमको सर ये बिना फॉर्मूले के पता था कि होगा अब देखो ये पांचवा नंबर सवाल बनाओ इसे तो आसान आसान सवाल है तुम कैसे नहीं बना सकते हो मुझे रोना आ जाएगा फिर नहीं बना पाओगे तुम 1 नहीं होगा सर सही सीखा है गलती सीखा है cos स्क्वायर थीटा होगा अगर पूछो मैं 1 मार के आ जाना 1 सर तो sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 प्लस tan देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बताए थे ना अभी यस सर इनटू cos स्क्वायर थीटा हुआ ना को लिख सकते हैं 1 बाई sec स्क्वायर थीटा यस सर 1 तो ठीक बोली थी कौन सर ठीक है बोला गलत कहा बोला हां वो ठीक बोली थी तो कौन बोला हो गया देखे सर तुक्का पास बताओ सर समझ गए अगर ऑप्शन 1 दिख गया तो इधर तो जाना ही नहीं है सर अब एक ही मारेंगे कुछ भी हो जाए हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करना है सीधा एक लगाना है एक कभी कभी इतना मतलब से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा दो एक उसे दो आएगा मुश्किल से नहीं वो भी नहीं आएगा नहीं नहीं एक ही ये तो सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए था वेस्टेज है सबसे इजी गाने से नहीं क्वेश्चन होता है इसका फालतू का नंबर मिलता है इसमें वही तो फार्मूला एक एक टिक मार के आ जाएंगे नंबर मिल जाएगा देखो फार्मूला जाएगा ये बोट कटुआ को थोड़ी ना पता होगा 11,000 में हाँ ये बात सही बोल रहे हो तो हम लोग को ही पता कि 99% एक ही होगा हाँ देखो बोट कटुआ को देखो ये बहुत सही बात बोला बोट कटुआ कंफ्यूज कर जाएगा ये बहुत अच्छी बात बोट कटुआ वो सर 12th से जो डीआईजी था ना सर वो ऐसे ही तुक्का मार के इंग्लिश पेपर में क्वालिफाई कर लिया और वो अभी डीआईजी हो गया है
अरे ऐसा ऐसा बात करता है नहीं यार, हम आज तक तू कमा रहे हैं माइनस में चले गए पढ़ाई से विश्वास उठ जाता है। उसकी उसकी वाइफ थी, वो लव स्टोरी थी उसकी, प्रेरणा यादव, वो सत्यम भाई जानते होंगे। कौन सा देखें देखें। अच्छा वो जो नाम बताइएगा। हाँ, अरे सर ये वाला लिख लीजिए ना, पर अरे जरूरी वो फेल डीआईजी है वही ना। हाँ हाँ अरे हाँ समझ गए, मनोज है, मनोज मनोज हाँ मनोज नाम है सर जी। पूरा सेमिनार देख के आए सर, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर, डेढ़ घंटे से ज्यादा का सेमिनार है। कोट हाँ पूरा देखे है, टेन थीटा ये लिख लीजिए सर। ये फॉर्मूला क्लियर किया सर, ये फॉर्मूला पूरे किया हूँ दो पेज में सर, अभी ग्रुप में यस तो दिए मैं, सेंड कर दिया है सर इंडियन। हाँ बहुत किया हूँ, लगभग उसमें 50 फॉर्मूला होगा टोटल। अरे भैया जी आप लोग का सब कर दिए क्या, अरे लिखवाए कि तो छोड़ दे इसको सर, लिखवाइएगा तो सर लिखवाइए, नहीं लिखवाइएगा तो वहाँ से पढ़वो नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होगा सर, वो रखा हुआ रह जाएगा सर वहाँ पर ही। यस सर वो सो केस में लगा हुआ। सर ग्रुप में बहुत फॉर्मूला है सर, इरतिया में सब सुबह सुबह उठेगा तो 1 बजे 2 बजे फॉर्मूला फॉर्मूला ही कहाँ हो गया रात में, सब एकदम जग गए हैं घर में, गाजा पियल होगा। सर आप थोड़ा और पढ़ाइएगा ना तो अभिषेक एक बार और आएगा, घूम फिर के जाएगा। सर आप बोलेगा ठीक हो रहा है, ऊपर चार सिर्फ आके करता है, और वो की मतलब वो फिर ही पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ा रहे, उसको काटना है कोई बात को, सिर्फ काटना है सर, सबसे बड़ा फटवा है सर, पढ़ाई पर ध्यान देता है सब। सर ऐसा ना हो कि नहीं सर, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैसेंजर में ही रह जाए। अरे तो कहाँ उसको देखते हैं कि क्लास में जवाब दे रहा है, जैसे ही सत्यम जी देते हैं बात बोल दिया, कहाँ देखते हैं कि फुटर फुटर कुछ जवाबों देता है सही से, खाली कंट्रोवर्सी करना होगा ना तो आ जाएगा। बस 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 ऐसे क्लासों में नहीं आता है, उसको सर राजनीति में डालना चाहिए। हम कितना बार सारे बोल चुके हैं, उसके मुंह पे बोल लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेगा ना तो पड़ेगा बाप सर। उस दिन आपसे सर कोई बात नहीं है सर, उस दिन आपसे बात कर रहा था ना, हम भी उसी समय आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो बोल रहा है तुम शांत रहो शांत रहो, उसका तो हमें से पूछ रहा है क्वेश्चन, हम बोले कि जाके सर से बात करो। 1 cos square theta sin square theta ऐसा फॉर्मूला को याद करना है मुंह पर। अरे तुम लोग को तो आओ जरूरी याद करना है, बर्तुहार मतलब समझते हो क्या होता है, अगुआ क्या सर, बर्तुहार अगुआ नहीं सर, हां हां अरे बाप रे बाप ना समझते हो सर, शादी विवाह में जो पूछता है सर अगुआ ही पूछता है, जब सबसे पहले शादी में जो लड़का को देखने आता है, सब शादी होने से पहले जो आता है घर दर्शन करने आता है ना, हां दर्शन करने उसे देखिए सर उसी को मेरे को भी 2-3 बार आया देखने के लिए, हम तो भगा देते हैं पर हमारे सबसे पहले भगाइएगा जब तक जॉब नहीं तब तक कुछ नहीं। हमारे दादाजी का अच्छा, अरे सुनो ना, हमारे दादाजी का अच्छा है कि हमारे अंतिम सांस रहते रहते मेरे पोता का शादी हो जाए, बहुत मानते हैं, जब मेरा सब कोई ऐसे ही सोचता है। 1999 में मेरा जन्म जब जन्म हुआ 20 अप्रैल को, तो उस समय के उपराष्ट्रपति कृष्णा कांत थे, तो अच्छा। उस उन्हीं के नाम पे मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर हैं, तो उन्हीं के नाम पे लिख दिया कृष्णा कांत सिंह मेरा नाम रखा गया, बड़ी मानते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बाइक लेने का था तो लोन लेकर मेरे को बाइक दिए पल्सर, जो मेरा जो बाइक है पल्सर वो बाबा फोटो आप लगाए हुए हाँ, ब्लैक कलर का सर लगाए थे सर, 150 cc शायद हाँ वही वाला आप इंस्टाग्राम पे देखे थे, टॉप मॉडल का था, तो वो मेरे अब तो उसको नहीं चलाते हैं पटना में, तो पैदल चलना है पटना में तो नहीं लाते, तो वो दादाजी दिए, तो आता है देखने के लिए, जानता है कि इसके यहाँ मतलब लड़का है, तो मेरे को तो जानते करते हो कि जरा यूट्यूबर पे वीडियो वगैरह बना लेते हैं, तो तनियावर तो इधर उधर सबको भेज देता है कि लड़का पढ़ाता है ऐसे करता है पढ़ता भी है, अतः रेपुटेशन बहुत बढ़िया बना हुआ है भगवान की कृपा से, वो कहा जाना कि लड़का एकदम पहुँचल फकीर है, भगवान के सुनो भगवान की कृपा से रेपुटेशन बढ़िया बनल है गांव समाज में, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और हम भी तनी जाते हैं तो लंग फंद में ना रहते हैं, तो बाबा उबा को बड़ा विश्वास है, तो आता है बर्तुहार वो अगुआ, तो पूछता है क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं,
तो कहाँ पढ़ते हैं? तो बीएन कॉलेज में पढ़ते हैं। कौन ऑनर्स करते हैं? तो ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे थे। अच्छा तो बताइए तो भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तक ऐसे करके पूछा, ऐसे डायरेक्ट यही सवाल पूछा मेरे से। तो बोले कि ये सवाल बता देंगे तो हमको आप जॉब दे दीजिएगा, और न बताएंगे तो आप समझ जाएगा कि हम पढ़ने वाले नहीं है। तो सेम गिट टू यही मुहमा टुकुर टुकुर करके लाल करके देखे लगा दो बार आया है, दो तीन बार आया है, सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछने। देखो हम तो जाते नहीं है, तो पकड़ के लाएंगे दादाजी, जींस पहनाएंगे, अपने से पहनाएंगे जींस, और उसके बाद शर्ट पहनाएंगे, एकदम लेके जाएंगे उसके सामने। चलो दादाजी बोल दिए हैं, चल के जाके बैठ जाते। हम जाते हैं ऐसा ऐसा उसको बातें बताते हैं ना कि हम कहेंगे कि आ रहे हैं, वो ऐसा ऐसा वो भाग जाता है। हम कहते हैं हम क्या करें, हम तो बाप माई से भीख मांग के बैलेंस भरवाते हैं, कल को आप शादी कर लीजिएगा, आपकी बेटी मांगेगी मेरे से बैलेंस, तो हम कहाँ से उसको भर के देंगे, और आपके पास हम छोरे रहेंगे, रोज उसको लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बताइए शादी करेंगे, हम खुश नहीं रखेंगे। सब उसको बात कह के उसको बरगला के कहते भागिए, चल जाता है। उस दिन से फिर दादाजी बैठ के, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा नहीं तो अब बताओ, अब कुत्तों नहीं पूछता है मेरे को, कुत्ता भी मेरे घर भी अब नहीं आता, इसलिए तुम सब ये सब काम मत करना, तुम लोग आए तो आदर सत्कार कर लेना, नहीं तो मेरे जैसा भगा दोगे तो फिर बाद में कोई पूछो ना करेगा। नहीं सर, पहले से प्लानिंग है सर, जब तक जॉब नहीं तब तक। हाँ सही, हाँ सर मेरा भी यही है, मेरा भी यही है, जब तक जॉब नहीं तब तक कुछ नहीं। सत्यम भाई क्या तलवार? अरे ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ कि क्या तुमको बताएं, तुम लोग भाई वाली बात है, रात में हम सब हम रात में ही शेयर करते हैं, ज्यादातर बात रात में ही शेयर करते हैं। देखो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम रात में ही शेयर करते हैं सब बात। इस बार का बैच सबसे बेटर हुआ था आपका? हाँ इसमें सर है क्या कोई सर? इस साल का सर बैच तब अच्छा है सर, इस साल हाँ का सर बैच अच्छा है, क्या है तो मेरे को पता चलता है ना, ये सब कर रहे हैं ना पीछे से। ओ, लग रहा है कहीं हो रहा है, बताएंगे सर इस साल के बारे में सर। बट एक बात बताए, आपका जितना ही बैच लिया होगा ना, ये साल सबसे अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा आया होगा। हाँ पढ़ने लिखने वाला आया है सर, ये वाला मैं ठीक होगा बहुत। नहीं पिछली बार भी थी एक नेहा नाम की लड़की थी, बहुत तेज। सर पिछली बार कितने स्टूडेंट्स का आपका हुआ था? पिछली बार एंट्रेंस नहीं हुआ था ना, पिछली बार मेरिट नहीं हुआ था, पिछली बार मेरिट वाला था, फिर भी 235 लड़के एनरोल किए थे। 235 लड़के में फर्स्ट 100 लड़के का फी था ₹120 और अंतिम का ₹250 पिछली बार का है सर। इसीलिए भोजपुरी गाना बजाता था इसी, हाँ 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 इसीलिए भोजपुरी बजाता था, इसीलिए तो हम कहें कि इस बार हम सोच लिए कि ना भोजपुरी नहीं बजने देना, और उस दिन से आज तक भोजपुरी नहीं बजाया, 350 में 500 कर देंगे तो और भोजपुरी अंग्रेजी बजाएगा फिर जस्टिन बीबर वाला, इलॉन मस्क वाला सर, इलॉन मस्क। चलो लिखो, देखो अच्छा अच्छा कहानी तुमको पढ़ाते हैं, बताते हैं ना, रात में बाई हर्ट कनेक्ट होते हैं ना, इसलिए बता देते हैं सर। रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 1 + tan²θ / sec²θ स्टार्ट हो गया है। चलो हाँ रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है। 1 - sin²θ इसे फॉर्मूला याद रख, cos स्क्वायर थीटा कॉपी पे लिख देना, एक नजर देख लेना सर, इस पे रूट हटा के भी एक हो जाएगा सर। sin 180 पर मैं कह देना, sin 180 से सब उतना डिटेल में नहीं है। क्लास कब तक, कब तक हम क्लास कब तक खत्म करिएगा? 5:05 क्लास 6 बजे से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लड़का मेरा 18 मेरा नहीं होता है। 1 - sin²θ जर्नी से बहुत तरह तरह के बात उनको बताएंगे, कहानी ऐसा ऐसा बताएंगे सर, आप सब देख देख के आए हैं सर, महान तुम बना लोगे मेरे को, रोने लगोगे। रोएंगे नहीं सर इतना, वो तो बिल्कुल नहीं सर। छठा अरे बता रहे हैं, यही क्या हो रहा है, इसको हटा, आ जाओ छठा नंबर सवाल, इसको बनाओ छठा नंबर को आगे ले सर, पीछे खींचेगा, छूट गया, नहीं लिखा है पूरा।
ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी दूसरा नंबर ऑप्शन। इसको जल्दी से लिखो, रात कुछ है जी, 3 बज रहा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ाइए ना 10 बजे तक पढ़ाइए। उस दिन भी तो हम लोग यहीं तक पढ़ रहे थे ना, 3:30 तक, 3 बजे तक पढ़ रहे थे। हाँ हम फिर सत्यम बात किए थे 6 तक, 3 घंटा। यस सर, इसका हो जाएगा। बताओ लड़का हो कैसा हो, पर वो किए बतिए वो किए सर। लड़की ना ना, लड़की ना तो लड़की, बोलो चलो कुछ बोल दो ना, जो है से बोल। इसको 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 बनाओ इसका दूसरा ऑप्शन हो रहा है सर। सर इसको बना के दिखाइए तो जरा होशियारी करके, कितना आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। 1 - sin² θ हो जाएगा सर। देखिए इसको क्या करना है, 1/1 sin a + 1/1 - sin a। एक बार पिछला काउंसलिंग में, एक लड़की के काउंसलिंग में गए थे मगध महिला कॉलेज में, लड़की के काउंसलिंग में गए थे तो लड़की बुलाई थी, तो काउंसलिंग में देखो कोई बुलाता है मेरे को, कोई काम करता है ना, तो वो हम कर देते हैं। तो काउंसलिंग में उसके पापा आए हुए थे, पापा के पास गए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट था सब लेके उसको हम भेज दिए काउंसलिंग में। उसके पापा बैठ गए, पापा बैठ गए तो बोलते हैं कि पूछने क्या नाम है, कहाँ घर है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कौन से कास्ट हो। तो मेरा कास्ट जो है भूमियार है, और वो लड़की भी जो निकल गई ना, वो लड़की भी भूमियार थी, वो लड़की भी भूमियार ही निकल गई। तो हो गया, हाँ तो उसके पापा को लगा कि अरे बाप, लड़का तो बनल बनावल मिल गया फर्स्ट क्लास एकदम, तो तुम अपना नंबर दो, अपने पापा का नंबर दो। अंकल जी पापा का नंबर, बस शॉर्ट लग गया दिमाग में, पापा का नंबर अंकल जी का है मांग रहे हैं। तो पापा का तो नहीं समझ, अंकल पापा का नंबर, तो तुम देखो मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, तुम इससे शादी कर लो, डायरेक्ट यही बोला, तुम इससे शादी कर लो। प्रपोज एकदम डायरेक्ट कहे कि बेटी प्रपोज नहीं, डायरेक्ट बोला नहीं, बापे प्रपोज कर दिया, बापे प्रपोज कर दिया, बापे प्रपोज कर दिया। हार्ट में सर कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या सर, हल्का सा झटका लगा था सर हार्ट में अचानक से। कहे कि देखिए एडमिशन करवा लीजिए, मेरे को पढ़ना है कुछ आगे, बहुत कुछ करना है। अब देखो किसी के डायरेक्ट दिल में ठेस नहीं मारना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। कहें कि जब कुछ कर लेंगे जिंदगी में तो सोचेंगे इसके बारे में, और न कृष्णा कान बतियाएगा ना सोचेगा, झटका नहीं दे सकते ना, बेचारा बूढ़ा आदमी होते हार्ट अटैक करके मर जाए था जेल। तो बुढ़ापा में आपको प्रपोज किया सर, छोट बात थोड़ी। देखो इसको एलसीएम लो, ऐसा ऐसा कहानी मेरे साथ हुआ है, 1 + sin a × 1 - sin a, तो इससे इससे कट गया तो 1 - sin a, ठीक है प्लस। देखो एलसीएम लिए ना, तो एलसीएम लेने आया ना, यस सर हो गया होगा, सही है सर, यस सर। तो 1 - sin a, तो यहां पर 1 + sin a बच गया, कट जाएगा, तो 1 - sin a + 1 + sin a, इसको क्या हो गया 1। देखो a + b × a - b, मतलब a² - b² 1 - sin² है। अब फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया है, फॉर्मूला देखिए लिखवाए हैं आपको, 1 - यहां से देखिए 1 - sin² cos² θ होता है ना, यहां से तो इससे ये कट गया, 2 - sin² sec² अब ये सब देखिए, ये सब जिसको छूट गया उसको हम बैकअप दे थोड़े देंगे। अब देखिए नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग कभी नहीं देख सकता है, कभी नहीं, वो नहीं देखेगा सर, जिंदगी में नहीं देख सकता है रिकॉर्डिंग। जो मेरे साथ वो मैथ का क्लास, वो मैथ का क्लास जो बोलते वो जैसे सात, क्या सातवां नंबर देखिए सर, क्या 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 सातवां नंबर सवाल। यस सर, हम क्लास ज्वाइन करने से पहले 3-4 घंटे का वीडियो सब भी देखे थे हम सर। मैं पता है आपका पूरे रीजनिंग का रिवीजन मैं 4 रोज पहले किया हूं 2 दिन में सर, ओनली बताइए ये सब लड़का हुआ, लड़का दिल सर देखना, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी होता है क्योंकि बहुत सारे उसे आदत है ना। हां हम लोग को आदत है, 5-6 घंटा मोबाइल देखने का आदत है, आंख भी चला जा रहा है, चश्मा लेने की। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का सेमिनार था, होता है वो सब भी इजी देख लेते हैं, बराबर देख लेते हैं सर। पर डे का एक इंटरव्यू देखना होता था और ओजांग सर के तो हाँ। सतमा देखो, सतमा देखो फॉर्मूला सब तुम्हें दिए हैं, सब तुम्हें दिए हैं, एकदम सतमा का आंसर जानते हो,
इनमें से कोई नहीं होगा। चार मोबाइल है घर में सर, दो का डाटा तो खत्म कर ही देते हैं पर डे। बहुत सही, पढ़िए पढ़िए। पापा स्कूल नहीं गए रहते हैं, घर पे रहते हैं, फिर उसका भी वाईफाई मार देते हैं। ये डाटा तो बहुत रहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो देखो क्वेश्चन क्या है। अब इसको हटाए, दूसरा टॉपिक शुरू करें अब। हाँ सर बिल्कुल, इसका रस फॉर्मूला याद करके बैठाते जाना है। रीजनिंग शुरू करें क्या? तीन घंटा रीजनिंग अभी पढ़ लोगे तो मन फ्रेश हो जाएगा। क्या अभी बट लाइट नहीं है सर, सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर। फ्रेंड्स जो बीच में निकालना होता है ना वो नहीं निकाल पाएंगे सर। रीजनिंग करवा दीजिए ना, तीन घंटा। कॉसेक स्क्वायर ए इनटू वन सर। नहीं सर लाइट नहीं है, 20% चार्ज नहीं कर पाएंगे। हां सही बोल रहे हो। 20% चार्ज है तो बहुत है, 20% बहुत है, बहुत देर चलेगा, कम से कम 5 घंटा। हां नहीं नहीं, कम से कम 2 घंटा तो चलना चाहिए। मंटू जी का 2 मंटू जी का 5% था तो 1-2 घंटा चला। सुनो 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 सुनो, अब बनाओ इसको, बहुत देर हम लोग कर लिए। देखो cos x 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है? cos x स्क्वायर a। यस सर, cos x स्क्वायर a। 1 + cos x स्क्वायर a प्लस ये वाला, देखो ना भाई। तो देखो अब इसको क्या करना है, ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। ये कटेगा कैसे, इसको थोड़े लिखना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही लिखो। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, इसको ये कट सकता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर को। अभी भी देखो ना 28 में 3 हम हैं, मतलब कि 25 लड़का जुड़ा हुआ है। तो अठवा भी देखो बना दिए तुम्हारे, अठवा बनाए नहीं बनाए, सतवा बनाए, अठवा तुम लोग बनाओ, अठवा आप तो बनाओ। इतना सवाल चालू करिए ना, दूसरा चैप्टर चालू करिए ना, दूसरा चैप्टर भाई इसको भी तो कर दीजिए। लेकिन दो सवाल, सब सवाल तो करेंगे, फिर देखो नया चैप्टर चालू करते हैं। 7-8-9 बनाओ, फिर नया चैप्टर एक चालू करेंगे, उसके बाद फिर मन फ्रेश होगा नया चैप्टर में, फिर बोर्ड जिस चैप्टर से हो जाओगे फिर नया चैप्टर करेंगे तुम लोग को। फिर हम बता रीजनिंग पढ़ना, मामा का, मौसा का, नाना का, ये वाला करवा देते हैं सर, ये वाला ठीक। रिलेशन संबंध, ब्लड रिलेशन सर। हां ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, डायरेक्शन नहीं तो ब्लड रिलेशन भी ठीक रहेगा सर। इससे आ जाता है एक दो क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन ठीक है, दो क्वेश्चन से आ जाएगा। पिछला बार तो दो क्वेश्चन आ भी गए, कोई समझ नहीं आ रहा कहने से आएगा सर। सर, रात में मामा सबको पुकारना ठीक नहीं होता है। डायरेक्शन इंडियन जी डायरेक्शन भी ठीक है। आठवां नंबर सवाल बनाते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस काम मामा मम्मी को पुकार रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है? कैसे तुम लोग जग गए 3 बजे तक, बताओ यार। तो cos सर वो तो रोज का सर, मेरा आदत है 2 बजे तक सर। cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इनटू 1 + cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos cos बनाते जाओ, लिखते जाओ, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, 1 + 1 = 2। अरे अब यू आता है लड़का यार, बताओ 29 लड़का के आ रहा है, बीच में आता है जाता है आता है जाता है। मोनिका भारती ज्वाइन, हाँ नींद मार मार के लोग आ रहा है ज्वाइन। जैसे जैसे नींद खुलता है ना वैसे वैसे सब कोई आते जाता है। हम भी नहीं, मैंने देखा था हम सो गए सर। बहुत कोई होता है ना घूम फिर के भी जाएगा, हम भी एक नींद मार के आ जाते बीच में फिर सर चाहिए सो के आइए। देखो थ्री साइन स्क्वायर, देखो देखो थ्री
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 मेरे को बोलोगे ना ऐसे पढ़ाते रहने के लिए तो हम 9 बजे सुबह तक पढ़ाते रह जाएंगे। तुम बोलो नहीं तो हम अभी 9 बजे सुबह तक नहीं पढ़ाते हैं तो मैं पूरा रिजल्ट हम पढ़ते रह जाएंगे। आप पढ़ाइए ना सर, आप ऐसे मत करिए, हम पढ़ते रह जाएंगे। हम भी सर तो हम लोग हम भाई हम जानते हो तुम लोग बहुत बड़े पगला के चक्कर में पड़े हो, बहुत बड़ा पगला है सर, आप पढ़ाइए ना, कुछ नहीं होगा सर। तो हम लोग भी वही है, पढ़ते रह जाएंगे। दशरथ मांझी साहब सब इसमें सब 26 का 26 दशरथ मांझी बतीते बतीते बात करते करते हम लोग चलो आ जाओ इसको बनाओ, अब नया टॉपिक पढ़ाते हैं, रुको नया टॉपिक फिर बनाते हैं, फिर मन भरेगा फिर नया टॉपिक जरूर। क्या भाई सर आप मॉर्निंग तक ले चलिए, 9 बजे तक हम लोग नाइट 9 बजे तक लिख भाई वाली बात है। दुदु का सर मेरा मोबाइल 100% सर चार्ज भी हो गया। बताओ 3 sin स्क्वायर 30 बराबर तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है? यस सर। का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू यस सर यस यस सर। एक मिनट, अच्छा वैल्यू पता है, इतना कम से कम वैल्यू पता है कि लिखवा दे? यस सर ये पता है। यस सर वो गूगल पे है सर, वो ऑन है मेरे मोबाइल में सर। मेरे में नहीं है। अरे तो देख लीजिएगा बाद में ग्रुप में सेंड करा सर वैल्यू चार्ट। 3 गुना 1 तो वहीं से देखते हैं, 4 प्लस 2 गुना 1/3 तो आ गया। सेंड किया है ग्रुप में अभी 3/4 डिग्री है सब सब जिसके जो अभी 28-29 को है, जो नहीं मतलब रेगुलर नहीं पढ़ता होगा, बाय द वे 9-10 बजे तक पढ़ता होगा, सो जाता होगा, और वो आज सोएगा 4-5 बजे, उठेगा 10 बजे, लाती खाएगा पहले मम्मी पापा से। नो सर सर जिसका रूटीन होगा ना अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हाँ तो जाएगा। 4 तिया 12 3 तिया 9 3 चौका 12 चार, मेरा क्या है, हम तो पटना में है अकेले रहते हैं, लात खाओगे तुम। 17 बताओ 12 सर अब नया हर दिन 11 बजे उठता है। चलो नया चैप्टर तुम लोग 10वां नंबर 10 सवाल कर लो, कम से कम 10वां नंबर सवाल कर लो, जब जाएंगे तभी सवेरा होगा सर। वैसे हम लोग नहीं भी सोएंगे 2-4 दिन तो मैनेज हो जाएगा सर। हाँ। और क्या शादी में नहीं सोता है हम लोग का हैबिट है सर। हाँ सर वो सही बोल रहे हैं, लड़कियां तो और शादी में देखने में आगे रहती है। शादी ब्याह में हम लोग को तो खाने से मतलब रहता है, नागिन डांस किए वापस घर आके सो गए भैया, नागिन डांस किए नागमनी लिए चल दिए, नागमनी लिए चल दिए। बाकी ये लोग का तो है कि कितना सिंदूर दिया, कितना फेरा लगाया, ओकरों से ज्यादा क्या, उससे नहीं नहीं उससे भी ज्यादा देखने में क्या मजा आता है, क्या क्या ज्वेलरी, क्या क्या गहना चढ़ा, क्या क्या रात भर, तो रात भर का प्लान वही होता है कि क्या क्या चढ़ा है, और उसके बाद अपने बहस करेगा मम्मी ऐसा ऐसा चढ़ा है, तो तनी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ध्यान दे रहा है, दान दक्षिणा में हल्का हल्का साइड में टैक्स उक्स आ जाए वही तो हम तो देखते हैं कि सबका सदिया तो कॉमन ही होता है ना, सब में वही रीत वही yes, सर, yes, सर। फिर भी हर एक शादी में उत्सुक क्या रहता समझ नहीं सर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है सर। स्टेट नहीं, अब गांव में शादी हो रहा है, 4 गो लगन है गाँव में, चारों तो सेम ही होगा सर, वहाँ सेम होता है, जैसे बंगाल में अलग होता है, झारखंड में अलग होता है सर, वो छोड़ो ना अपना बिहार का में ठीक, तो पंडित जी सब में तो एक ही विधि करेंगे। यस सर चलो कोई कोई में शॉट मार देते हैं, भारी शॉट मार देते हैं, जहां देख रहे हैं कि 4 बजे सुबह बज रहा है, 4 मंत्र की जगह 1 मंत्र में स्वाहा, आज से आप दोनों पति पत्नी बात खत्म जाइए, बस दूसरे को मंत्र में पूरा पूरा कभी कभी पति पत्नी लड़ने झगड़ने लगती है क्योंकि उसका सर ओम तरह रपुक। चलो 10वां बनाओ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू sin 30 का 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर, तो पांडे जी को बोलिएगा गर्म हो जाएगा, तरह रपुक कर दीजिएगा उनका, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, तो 2 × 1/4 प्लस पूरा मजा लेता है पढ़ाई में ना, 1/2 सर, इसलिए सर मंत्र आधा पढ़ता है ना तो इसलिए कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई होने लगता है, मंत्र भी सही से नहीं पढ़ता है जो जाता है तो यहाँ भी छोड़ जाता है, शादी करेंगे ना तो हम एक एक मंत्र किताब से मिला मिला के पा रहे, एक को मंत्र इधर इधर हुआ तो देख लेना -2 सर पांडे जी को ले जाइएगा -2
तो ये हो गया एक माइनस दो दूना चार माइनस तीन है ना माइनस थ्री बाई टू और ये प्लस एक कहाँ गया सर यस सर माइनस होगा स्टेप चोरी करते हैं हम ये जनरल कंपटीशन में आपको करना ही होगा जनरल कंपटीशन अब देखो 11 नंबर सवाल देखो सर अब नहीं सर बस 11 नंबर सौटकिया निकाल रहे हैं जजमान 11 नंबर देखो 11 नंबर सवाल का एक आंसर आ गया ऐसा सवाल दिखाई दे एक मार के आना बता देते हैं कैसे 10 9 81 से सेटिंग खड़ा है सेटिंग है सर 63 में 27 से 45 का मान भी एक ही होता है ग्रेट है सर 10 27 डिग्री देखो लड़का कम को ही पढ़ाने में मजा आता है ज्यादा नहीं रहता ये कहावत तो सर 24 है उस दिन तक 1516 कॉल पे हम वही बात बोले थे कि शाम को जो क्लास होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है ज्यादा जोगी मत पुजारे समझे हो यस सर ज्यादा जहां जो जोगी हो जाएगा ना तो मठ का पानी खत्म है सर तो डिसाइड किए ना पाने का वो बहुत सही डिसीजन था सर बहुत एक की वजह से सबका क्लास बर्बाद नहीं कर सकते हैं इसको देखते हो tan 81 या tan 9 डिग्री ठीक है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 तो इसका कहानी खत्म tan 63 और tan 27 इसका कहानी खत्म tan 45 का मान 1 सर 1 होता है एंड 1 होगा आंसर सर तो इसका तो 99% उम्मीद रहता है कि अब इसको 100 में बदलना होगा तब एक आएगा लास्ट इससे नहीं ट्रिगो से नहीं तुम ये वाला सवाल करके जाओ सोओगे तो रात के सपने में ये सवाल जरूर आएगा तो सुबह के सपने में कौन सवाल सर देखता हूं सब पर बेचारा का देखो ना आवाज बैठ गया है कल गाली सुनवाएगा घर में सर किसका आवाज बैठ गया है अभी एक बोला नहीं कौन सवाल सर उसका आवाज ही ऐसा है सर थोड़ा यस सर बोलता है फिर से बोलना जरा आ जाओ सवाल नंबर 1 2 3 एक दो आर्यन है सर कार के चार शॉट फॉक एक दो तीन बनाकर दिखाओ जरा सा खुश कर दो यार सर ये कथी गए देखो ये है तुम्हारा टाइम डिस्टेंस स्पीड में अच्छे से नहीं बताए थे अरे सर अभी तो आए हैं हां यही तो लाए हैं अच्छा क्वेश्चन सर बस सर अब पढ़ाइए सर अब तो हुआ अब क्लास होगा सर क्लास टाइम डिस्टेंस में तो मजा आता है सर अब क्लास होगा उस समय से देखो क्लास नहीं हो रहा था क्लास अब असली क्लास छुपा हूं एक अब असली 1000 से ऊपर भागा और 3600 सेकंड से नीचे में गुना सर देखो यस सर एक कार की चाल द स्पीड ऑफ ए कार इज 54 किलोमीटर पर आवर देन इन मीटर पर सेकंड क्या होगा मीटर पर सेकंड में क्या होगा ठीक है 15 होगा सर आंसर देखो 15 दो नंबर बनाने में के लिए क्या करना होता है कि छोटा से जैसे कि 54 किलोमीटर दिया हुआ है ना तो इसको क्या करो जैसे कि देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में यदि तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से होता कैसे है ये भी बता 5/18 से लिख लो ये वाला इम्पोर्टेंट है बताया थे सर और मीटर मीटर पर सेकंड होगा ना सर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तुमको बदलना है 18/15 देखो याद कैसे हां सर 18/15 याद कैसे करना है कि छोटा बनाना है तो छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा से ठीक है अब देखो ये लिखने के बाद तुम लोग बनाओ 2/1 होगा सर हां 7.2 किलोमीटर अब देखो क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड छोटा बनाना है तो छोटा से 5/18 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड दूसरा मतलब मजा आ रहा है ना सर इसी में तो मजा है बाकी कोई सर इसी में तो 2 घंटा सर घींच दीजिए 5 तक कर दीजिए प्लीज सर अब देखो एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 3/2 नंबर आंसर सर हाँ 350 रुपया के जगह 3500 के खून तुम पुसवाओ ना जला लो सर 7.2 किलोमीटर होगा रोज जाके अनार का जूस पीना पड़ रहा है यस सर 3/2 नंबर आंसर सर 2/1 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है ना तो देखो किलोमीटर में इसको बदलो पहले 600 किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे ये सर सीधा 12 से सर गुना कर देंगे 12 में 6 60 सर अब बरछा 72 सर हो गया 7.2 सेकंड
1000 को अरे भाई 1000 को अब 5 मिनट को बनाना है घंटा में, तो 5/60 1200 गुना कर लेंगे, 5/60 यही करते हैं ना, सुनो ना उसको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक तो औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो दूरी कितना है 600/1000 और समय कितना है 5/60, 60 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया और 36/5, 36/5 का मतलब क्या हुआ, 5 × 7 = 35, 7.2, 7.2 देखो सबसे बन गया 36 × 2 कर दिया सर, सिंपल सा 3 का 2 आंसर होगा सर। हाँ ये सब सर सिंपल क्वेश्चन है सर। अब देखो सर एक क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस बस यही सब आएगा देखो तुम्हें सब। अब वो सर ना जो भरता है सर, सही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसे सबसे आता है, इसे दो दो क्वेश्चन का क्वेश्चन था मेरे भी जब एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, तो यही से सवाल पूछा था इस चैप्टर का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्किप करके ही चलता है, हम लोग तो इसको ही पकड़ते हैं बस। हाँ सर हम लोग इसी को पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, बहुत इजी पेपर होता है ये क्वेश्चन होता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो से भी पूछेगा, अभी अभी कुछ हुआ है, अभी 3:22, अभी तो पूरा रात बचा हुआ है यार। अरे सर अभी 3 घंटा नहीं, 4:25 हो जाती है सर, 4:25 में सुबह हो जाती है, आंधी इधर को भी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हमारे इधर कुछ भी नहीं है सर, प्लीज करवाइए। 8 घंटे में मेरा पावर सेविंग मोड ऑन नहीं हो रहा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो पहले तो कुछ चाल निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम। तो तुम लोग तो उतना देर से हम बकबक कर ही रहे, फिर भी देखो मेरा एनर्जी लो हुआ है, नहीं ना तुम लोग, मेरा भी नहीं हुआ है सर, तो आप अनार का जूस डालते हैं पर बस 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 वही वही है वही एक है नहीं वही खाए है क्या, जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए तुम सोचो कि चलते हैं मंडी से सब्जी लेके आए, तो लेके आए कद्दू लौका, अब बनाए इतना हमसे तो बनता नहीं है खाना, तुम जानते हो कि हमसे खाना बनता नहीं है, जैसे इसलिए तो आ रहा था सर, जैसे तैसे हम बनाए जल्दी जल्दी, और एक दोस्त को बोल दिए भाई को कि रोटी बना दो, बनाया खाए जल्दी जल्दी आए, वही चल रहा है लौका अभी तक, वो भी इसलिए तो सर भाभी जी का सर मतलब भाभी जी आ रहे थे, अरे भाभी जी आ रही थी बात नहीं है, तो भाभी जी को लौका लाएंगे फिर कहाँ से सर, हम लोग को तो गुरुवायन हो जाएगा ना गुरु जी का। चलो 576 का 8 से भागा दोगे तो कितना होगा, 8 × 56 हाथ में दो, देखो हम जॉब वाले करेंगे ना, हम शादी करेंगे तो हम देखो तिलक दहेज में विश्वास नहीं रखते हम ना, तिलक दहेज सर विश्वास नहीं रखते सर, मतलब जो है ना सर वो स्पोर्ट कार लाइएगा सर बाराती में सर, लेम्बोर्गिनी सब सर लाइएगा, मजा लगेगा तब, यार ये रेंज रोवर पे सर जाइएगा सबसे बढ़िया, हम करेंगे ऑडी आना चलेगा भाई, जॉब करेगी उससे शादी करेंगे, ऐसे हम ना करेंगे, हाउस वाइफ ठीक है, हाउस वाइफ ठीक होती है पर नॉर्मल जॉब एक रहेगी ना भाई, मतलब बैंकिंग वगैरह में, तो उससे हम कर लेंगे, पर हो तो सर दोनों को जॉब में रहेगा झगड़ा कम होगा, दोनों बिजी रहेंगे, झगड़ा कम होगा, माय बाप को लड़वाएगी कम, मम्मी पापा ठीक से रहेंगे, यही बात है सर, सर यही तो सर ने खाली दिमाग से सारा प्लानिंग करके रखिए, देखो खाली दिमाग जो होता है शैतान का होता है, दिन भर घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ रात में आपकी मम्मी ऐसे बोली, आपकी पापा आपका भाई ऐसे बोला 8 घंटा बेटा तुम भी जाओ ड्यूटी करने के लिए 8 घंटा, मम्मी पापा दीदी क्या बोला कोई मतलब ही नहीं है, थक जाओ, रोटी हम बनाएंगे सब्जी तुम बनाना, दाल हम बनाएंगे चावल तुम बनाना, बांट लेंगे दोनों, ये बढ़िया है, दोनों खाना बनाने का बांट लेंगे बस सर, झाड़ू ऐसे तो 200 साल जी जाइएगा, झाड़ू तुम देना बर्तन हम साफ करेंगे, 300 में बहुत ज्ञान मिला सर, कुछ भी कहिए सब सब देखो सब ज्ञान देना जरूरी सर, ऐसे तो आप 100-200 साल ऐसे ही जी जाइएगा, तो टेंशन के नहीं, मैं देखो मैं लड़ाई करने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता हूँ, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो देखो 576 को 8 से भागा दिए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इसको छोटा करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 × 5 18 चौका 72 पाँच चौका 20 आ गया 82। ये सर बहुत हल्का है। अच्छा चौथा चौथा बना के दिखाओ ना, चौथा बना के दिखाओ, चौथा दो चार क्वेश्चन बना लो ठीक है सर। रीजनिंग तो एक रात फिर लेंगे, रीजनिंग एक रात रेस्ट करो, एक रात फिर रीजनिंग उसके बाद एक रात जी के सर, एक रात पहले नंबर स्पीच, एक रात जी के, क्या हो गया एक रात जी के। अरे बहुत सर फोन का बैटरी भी खत्म हो गया सर, और हम लोग का भी चार्ज मेरा भी। अरे फोन नंबर आंसर होगा सर 54 किलोमीटर पर आवर सर। भाई बताओ फायदा तो हो नहीं रहा है मेरे को, यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहे हैं, पर हो तुम्हारे लिए हम पर सर दो नंबर सर सही है सर 54 किलोमीटर। हाँ चलो राइनो भाई टॉपर 100/100। देखो देखो एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर घंटा की चाल से अपना यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस। देखो इतना क्वेश्चन करवा रहे, इतना कितना 200 क्वेश्चन नहीं करवाए होंगे, कितना 100 क्वेश्चन करवाए होंगे अभी अभी। हाँ करवा दिए सर, काय का उम्र पेज भर गया, 4 का 5 का पेज भर गया। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, क्वेश्चन लिखते नहीं है एकदम पूरा पेज भर देते हैं। 45 स्पीड 45 किलोमीटर, डिस्टेंस एक्स मान लो निकालना, ये टाइम 6 घंटे में, तो एक्स बराबर क्या, 45 × 6 हो गया ना, मतलब कितना दूरी चलना है, इतना दूरी को कितने स्पीड में, मतलब 5 घंटा में तय करना है। तो 5 घंटे में तय करना है, 5 × 45 = 9 × 54 अच्छा ये सब सारे क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे ये भाई 5 बजे तक रिकॉर्ड बना लो यार। देखो ज्यादा रोहित तो सर हम बोल रहे थे कि 9 बजे तक रिकॉर्ड बना दे, वो सब बड़का बड़का रिकॉर्ड बनाए हुए है। आओ इधर बना दो, 24 घंटा का मेरा था। चलो ये बता दो, ये बना दो, वो सब एडिट है, वो सब एडिट कर तुम्हारे, उतना देर हाँ, हाँ, उतना देर थोड़ी सर 24 आवर नहीं कर सकता है कोई, नहीं वो दो वीडियो को ऐड कर देता है 33 घंटा नहीं अरे हाँ सर एनडीए का देखे थे 12 घंटा का पढ़ा, वो टीचर चेंज होता होगा। हाँ टीचर चेंज करता है, टीचर चेंज नहीं सर, दृष्टि है ना दृष्टि, उतनी बड़ी संस्था है फिर भी वो 3 घंटा 3.5 घंटा से ज्यादा की क्लास एकदम रेगुलर नहीं रखती है। सर दो नंबर आंसर होगा 2 किलोमीटर सर, मेरे पास में विकास कीर्ति का वीडियो है 3 घंटा से वैसी का नहीं है सर, पूरा हिंदी लिटरेचर का क्लास है मेरे पास में। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, ठीक है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता, तो स्पीड बराबर तुम लोग पढ़े हो, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सर ये 12 कहाँ पे सिंपल से कर दिया सर, 12 से डिवाइड कर दिया आ जाएगा आंसर सर। क्या 12 से सर, ये देखिए मतलब 60 है, मतलब 60 मिनट हुआ ना, तो 60 मिनट का हाफ मतलब 12 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इधर से 12 से सिंपल से डिवाइड कर दिया सर, सिंपल सा हो गया। हाँ वो भी हो जाए, पर देख ऐसे करते हैं स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम, अरे ट्रिक वा सब समझता नहीं है ना, स्पीड कितना है 24, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो पूछ रहा है, टाइम कितना है 5 मिनट है, तो 5 मिनट को क्या कर लो घंटा में बदल लो 5/60, और ये टोटल 24 × 5/60 चल जाएगा ऊपर बराबर एक्स, तो हो जाएगा कितना 12×5=7, 12×2=24, 2 किलोमीटर, ये भी तो आसानी था। यस सर सिंपल क्वेश्चन है सर, तो अच्छा सब कर लोगे ये सारे, ठीक क्या हो सर ये सब हो जा रहा है। ये सर वो समय भलो दिक्कत होता है सर कि एक नाव यहाँ से चल रहा है उसके बाद इतना स्पीड का वेव आया, वो समय वो करवा दे स्ट्रीम वाला, ये सर स्ट्रीम वाला वेव वाला करा दे सर, लहर आता है तो नाव हिल जाता है, और शांत जल वाला आ जाओ नहीं शांत जल वाला तो इजी रहता है
टैंजेंट वाला बन जाना उल्टी धारा के साथ चलती है ना नौ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उल्टी धारा सीधी धारा तेरे ऊपर होता है, फिर हवा जाता है पूरा। हेलो हेलो सर, ये सब सेक्शन ए में आएगा। अब 5 मिनट टाइम, सब सेक्शन ए में दो क्वेश्चन तो रहते हैं। ब्रेक दीजिए सर, 330 सर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। 5 मिनट सर, एक दो क्वेश्चन रहेगा। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का। देखो नाव वाला आ गया, जो पहले चालू मत कीजिएगा सर। हां नहीं देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, कुछ कैसे गिर जाएगा सर। अरे इधर तो नहीं होता है लड़ाई इस ग्रुप में ज्यादा, सब बच्चा ठीक है। खाली कभी से जो करती है वो आती नहीं है ना, लर्नर में एंट्रेंस एग्जाम निकालने आई होगी। लड़का में क्या होता है, क्या डायरेक्ट फेस टू फेस होता है? हाँ, तू में नहीं होता, तू में मैंने जहाँ कुछ वहाँ निकाला देना स्टार्ट ऑन स्पॉट, नहीं तो भाई भाई होता है। सर डायरेक्ट कहते हैं आ जाओ हवेली पर, वाह आ जाओ। हाँ अरे आ जाएगी हाँ हवेली पर गाना है के लिए शांत ये कहा हुआ इसको। अरे गाना नहीं, हवेली का बहुत सारा ग्रुप सब होता है ना। देखो शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा। ये क्या हो रहा है, एक तरफ से मिट रहा है। ऑप्शन ए होगा। फराज भाई अभी आया, क्या बात है, सो क्यों उठाएगा? अरे नहीं मैं सर मैं देख रहा था कि सर कौन से क्वेश्चन पे, मैं अपना पीडीएफ बना रहा था। मैंने सर बहुत लो कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो मैं अपना पीडीएफ वही जो सर ने पीडीएफ भेजा ना वो मैं अपने से बना रहा था। गुड। पूछ रहे हैं कि सर आरएस अग्रवाल में वाला होगा ना वाला कुछ है? सब सब आरएस अग्रवाल का 10 का आरएस अग्रवाल में है ये क्वेश्चन, 10 का बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जब सारी कंडीशन वाला बुक है बे, उसमें होगा ना? चेक किया। हां हां देख रहे हैं, रुक जाइए। फर्स्ट आंसर होगा सर आरएस अग्रवाल स्पॉट आ गया हो जाता। आरएस अग्रवाल बहुत स्टैंडर्ड हो जाता है सत्यम, तो उसमें से भेजेस पर बनाया था हम से भी बन जाता है। आप देखो अनुप्रवाह नहीं क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है, बन जाता है। उससे अच्छा भारतीय प्रकाशन का होता है। हो गया चुपो, आप बात कीजिए ना पढ़ाई। ए यार क्या क्या हुआ सर, लैपटॉप गुस्सा गया का? हाँ ये जो है जो गुस्सा ही होता है, कहते हैं बहुत लोड देता है हमको इसलिए गुस्सा गया है। दिन भर से रात रात भर पढ़ते, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं। आ जाओ शांत जल में ड्यूटी भी लगा देते हैं रात में। शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो कैसे हो गया। धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह में उसकी चाल मतलब कि धारा की प्रवाह में, वो कैसे हो रहा है उग रहा है। अच्छा ही चाइनीज बरस लाते तो धारा की प्रवाह में चाल, तो लिखना ऐसे होगा कि मान लिया जाए लेट द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लो ना, हाँ धारा मतलब फ्लो ना, लेट द कहाँ गया स्पीड ऑफ फ्लो इज एक्स एक्स, ठीक है। तो देखो धारा की गति में तो नाव की चाल शांत जल में 14 किलोमीटर और धारा की गति, ए यार ये तो दिए हुए हैं तो कंफ्यूज कर रहा है सुबह पर आप। धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह में तो 14 प्लस 3.5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 3 = 17.5 आंसर। हाँ तो एक नंबर का आंसर हो जाए, ये बहुत इजी है। अच्छा हार्ड लाते हैं, रुको ना इसमें इसमें भी हार्ड आता है, इसमें हार्ड आता है जो हम सवाल तुमको सर ये क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था कि धारा के तरफ जाना है या धारा के विपरीत जाना है। लिखा हुआ अनुप्रवाह ने से नहीं लिखा हुआ। अच्छा जाओ हिंदी समझ में नहीं आता। देखो भाई साहब बना बैठ के बना रहे थे, बताओ कितना ही बड़ी बात है, नींद नहीं आ रहा था। अरे एक पर एक लड़का है वो, आ जाओ देखो आगे आ जाओ। देखो इस सवाल को ऑप्शन दो,
शांत शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उधर नाव की चाल क्या होगी? तो कितना होगा? तो 12 माइनस 2.25 बराबर कितना हो जाएगा? 9.75। ऐसा हो गया है पवा की गड़बड़ा गया है पे पूरा इसको 25 लड़के बचे हैं। अरे लास्ट नहीं 25 3 लास्ट में जाते जाते धीरे 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 नहीं एक ही लड़का कम आया 29 लड़का 28 29 बहुत देर से है तो एक ही वजह से 28 29 है। सर तो कुछ कुछ तो जा रहा है आ रहा है कुछ लोग चला जा रहा था कुछ लोग आके उसका भरपाई कर 12 से 1 के बीच में जब वो जीके जीएस जीके आया था ना तो 36 था। अब देखो अच्छा एक सवाल बनाओ एकदम बेसिक से तुमको उठाते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे हाई लेवल पे थोड़ा सा जो आपसे एग्जाम में बनता है वहां पर लेके चले जाएंगे ठीक है। एकदम समझते चलिएगा क्योंकि ये सब चीजें दोबारा नहीं होंगी इसलिए समझते चले जाइएगा आप मजाक नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अब सिंसियर होकर जरा सा पढ़ लेते हैं। धारा की दिशा में तथा धारा की नाव की चाल क्रमशः 11 किलोमीटर और 9 किलोमीटर है तो धारा का वेग क्या है? देखो क्या होगा कि देखो धारा की दिशा में 11 और धारा की विपरीत दिशा में 9 तो यदि देखो यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा यदि नाव की चाल होगी तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगी तो 11 और धारा के विपरीत दिशा में 9 मतलब धारा की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यदि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यही बात निकलेगा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या देखो धारा की जो देखो जितना रोकेगा उतना सपोर्ट करेगा यदि धारा तो कांस्टेंट रहेगा ना धारा की चाल तो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा ये नहीं कोई समझा तो हम फिर से समझाएंगे। यस सर अगेन समझाइए सर। आ गया सर देखो रिपीट अगेन सर। अच्छा धारा बदलेगा? नहीं सर नहीं धारा तो नहीं बदलेगा धारा नहीं बदलेगा कांस्टेंट। तो ये यदि देखो धारा की दिशा में 11 किलोमीटर है 11 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है और धारा के विपरीत दिशा में कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बताओ यहाँ से देख रहे हो कि कौन सा ऐसा होगा कौन सा ऐसा अंक लें जो दोनों की बराबर बीच के डिस्टेंस हो क्योंकि धारा तो सेम दिशा में रहेगा सेम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे यदि 10 लोगे तो 10 से 11 एक और 10 से 9 मतलब एक दोनों के बीच में होना चाहिए सही होना चाहिए ठीक है। अगला देखो ना बन जाएगा अगला बन जाएगा आंसर क्या एक 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 लॉजिक था सर थोड़ा सा इसमें। ये वाला सवाल देखो देखो यही वाला लॉजिक देखो यही वाला देखो जैसे एक तैराक एक पूरा जवाब दे रहा है कोई उपाय नहीं सर 20 होगा मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर जो बीच में हो यही देखो जो बीच में हो क्योंकि धारा की चाल तो वो विपरीत में जाए या अलग में जाए दोनों सेम ही होगा। ये देखो एकदम समझो इन चीजों को समझने में बहुत मजा है। 20 होगा आंसर जैसे ये सर 20 होगा 20 होगा सर जैसे आप बताए थे उस पर उस आंसर पर 20 होगा होना चाहिए थोड़ा सा 20 होगा। एक तैराक की धारा के विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल क्रमशः देखो धारा की विपरीत दिशा में 12 और धारा की दिशा में कितना है 28 ठीक है 28 इन दोनों को बीच में कौन है कि दोनों के बीच का एकदम जो है जो एकदम बीच में हो 20 सन में तो सर 20 है तो 20 होना चाहिए। देखो पर ऐसे तुम लोगों को सोचने में प्रॉब्लम है तो तुम क्या कर देना तुम देखो तुम्हें क्या कर देना है कोई काम ही नहीं कर रहा है आज तुम्हें क्या करना है देखो तुम्हें करना है कि 12 किलोमीटर को लिखना है प्लस 28 किलोमीटर के
बटा में टू कर देना है, ये याद रहेगा। तो 28 12 40 बटा 40 बटा में 2 = 20, ये चीज याद रहेगा ना। ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सब बाकी क्वेश्चन में भी ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, पिछले वाले में देखो, पिछले बारे में भी करते हैं। देखो पिछले बारे में 11 + 9 / 2 तो 20 / 2 = 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो 10 आ गया, तो ये किसका चाल हो गया, ये 10 हो गया उसका चाल, मैं ये नाव की चाल, और नाव की दिशा में 11 है, मतलब कि धारा की चाल 1। आ जाओ 42 नंबर, अच्छा 42 = 5 आ जाओ। धारा का वेग, धारा का वेग सब बना लोगे, सब बना लोगे। हाँ चलो, एक नंबर ये वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, 8 नंबर, आठ नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आठ नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। Nice. बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, तुम लोग को एकदम अब की बार एक और अच्छा चीज पढ़ाएंगे। 2 घंटे क्या? 2 घंटे ऑप्शन 3। 2 घंटे भी और पढ़ाएंगे। अरे सर आंसर है वो। हाँ भाई समझ रहे, 6 बजे तक पढ़ो सर, कल इवनिंग 6 बजे तक सर। तब लाइब्रेरी कौन जाएगा? शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा? देखो शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1.5 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत जाने में इसको रोकेगी, रोकेगी कि नहीं रोकेगी? तो 9 किलोमीटर - 1.5 किलोमीटर, तो इसको घटाओगे तो कितना होगा? 7.5 ना? यस सर, यस सर, 7.5। तो ये किलोमीटर, दो घंटा का इसका जो है वो है, इसका चाल बनेगा विपरीत दिशा में, जाना कितना है 15 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो चाल बराबर क्या होगा? 2 घंटे कुल दूरी बटा कुल समय, समय यस सर, दूरी बटा समय, टेंथ बटे टोटल टाइम। ये क्या इसको हो गया है, क्यों ऐसे ये कर रहा है मेरे साथ? तो ये दूरी बटा समय जब हो गया, तो चाल बराबर 7.5 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दूरी तुम्हारा 15 किलोमीटर, टाइम टी पूछ रहा है, 7.5 × 15, टी बराबर 2 घंटा, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा समझने, हुआ सर, समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ, हम समझाते हैं। नो सर, समझने में प्रॉब्लम नहीं है, नो सर, नो सर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाओगे? हो जाएगा सर। यस सर, नहीं और आगे, और आगे आ जाओ। बस ये 10 सवाल इसमें था, तुम लोग सबसे हार्ड सवाल कुछ कर लो। में कुछ हार्ड होगा तो, लेकिन हो जाएगा, इतना से उतना हार्ड पूछता भी नहीं है सर। हां बस एक ये कर लो, एक तैराक वाला बिल्कुल इजी क्वेश्चन, गाड़ी वाला करोगे? हां सर, सर दीजिए एकदम, जितना करो जितना ज्यादा ज्यादा करो। अब रीजनिंग में क्लॉक वाला आ जाएगा तो फिर इधर नहीं पूछेगा गाड़ी वाला। क्लॉक वाला क्या? क्लॉक वाला रीजनिंग में क्लॉक वाला आ जाएगा ना, तो फिर इधर नहीं पूछेगा। ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ तो जल्दी। सही हटा दिया सर, बनाओ, नहीं दिखाई दे रहा है। नो सर, बैक कर दिया। 31 लड़का दिखा रहा है मेरे पास, हो 31 लड़का बचल है अभी तक। 26 सर, उतना नहीं है सर, 29 है सर,
दोबारा जिसकी आ जाता है सर, दोबारा दोबारा सवार आए क्या? यस सर, दोबारा आ गया सर सुसो करके, क्योंकि अभी चार हो गए, 4:25 में सुबह हो जाती है। बार चेक कर ले लीजिए कैमरा ओपन करवा के ना, एक बार सर अटेंडेंस बनवा लिया जाए। यस सर। उसके बाद फिर तैराकी किया जाए। तैराकी पहले कर लो। ठीक है। तो एक तैराक धारा की दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी करता है, और धारा के विरुद्ध जो है वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी करता है। ठीक है। तो तैराक की शांत जल में गति क्या होगी? तो मान लिया जाए कि शांत जल में x चाल है। ठीक है, x चाल है तो धारा, और उसकी चाल है y। धारा की देखो क्या हो रहा है, क्रॉस बना 5.5 आंसर आएगा क्या सर? देखो ये सवाल को बहुत कम लोग बनाए होंगे, मुझे पता ही नहीं, पूरा विश्वास है। ऑप्शन 3 सर, ऑप्शन 3 था, ऑप्शन 10 का 5.5 है सर क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो थैंक यू सर, चलिए बन गया। एक्स, यदि बाय द वे एक्स हो गई उसकी चाल, तैराक की चाल, और बाई हो गई धारा की चाल, धारा की स्पीड, तो क्या कैसे किए हो तुम लोग? एक्स प्लस बाई बराबर 18/3 किए हो कि नहीं धारा की दिशा में? यस सर। तो 3 × 6 = 5 किलोमीटर, 3 × 6 = 18, और एक्स माइनस बाई क्या किए हो? 20/4। देखो भाई, देखो कि लेट द स्पीड ऑफ मैन बराबर एक्स, और लेट स्पीड ऑफ फ्लो इक्वल टू बाई। तो धारा की दिशा कहने का मतलब एक्स प्लस बाई शुरू से करते आ रहे हो, तो एक्स प्लस बाई दिशा में टोटल 18 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 3 × 6 = 18, और x माइनस बाई जो है वो तुम्हारा 20 किलोमीटर है 4 घंटे में, 4×25 = 20। तो ये से एक तुम्हारा इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये बाई से बाई, 2x = 6×5 = 11, x = 5.5, समझ गए सभी लोग? यस सर। तो इक्वेशन हो गया 2। हाँ, दो को इक्वेशन हुआ, इक्वेशन हो गया, समझ गया इक्वेशन सर। यही है, और ये निकाल के दूसरे स्थिति में निकाल कर दोनों का जोड़ कर देंगे तो क्या? पहली स्थिति में निकाल देंगे दोनों का चाल, फिर दूसरी स्थिति में निकाल देंगे, फिर दोनों का जोड़ आधा कर देंगे तो शांत जल में निकल जाएगा। नहीं वैसे लॉजिक थोड़े होगा, वैसे नहीं। पहली स्थिति में चाल निकालेंगे ना सर तैराका, फिर दूसरी स्थिति में निकाल देंगे, फिर दोनों का जोड़ के चाल का आधा कर देंगे, बस निकल जाएगा शांत जल में। अच्छा चलो, तुम्हारा भी ठीक है, आ जाओ। अब कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ाए? रेलगाड़ी वाला। देखो सर, आपको नींद कॉल कर रही है ना अभी ना? नींद बींद मेरे को नहीं आती है भाई, चेक करिए ऑक्सीजन है। अभी और कितना पढ़ाएंगे? 4 बज गए भाई, 9 बजे डॉक्टर जी सर आपको पढ़ना कितना देते हैं? 9 बजे तक। अब बिल्कुल भी जान नहीं है सर, तो 9 बजे तक सर प्लीज। रात भर झांक के एंट्रेंस नहीं निकलेगा, मकसद है क्वेश्चन कितना बनता है। क्वेश्चन कितना बनता है? हां है एग्जैक्टली, अब से तो कर ही रहे सर, आप ट्रेनिंग के सर हम लोग बात जैसे क्वेश्चन बन रहा है तो सर पूरा फ्री दोनों चीज कर रहे हैं। सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी, तो जागता है वही तो डायलॉग मार रहे एक ही यार, डायलॉग मजा नहीं आ रहा है अभी। डायलॉग के तो दम पैसा कर लोग, हम लोग आ रहे हैं डायलॉग के दम पे यार। अच्छा चलो, सपने वो नहीं होते जो रात में हम देखते, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने दे। वाह हो गया यार, वो डायलॉग जो नींद उड़ा देते हैं, जो नींद उड़ा देते हैं। चलो चलो चलो, ये बनाओ ना, ये इसका नींद उड़ा दो सवाल, देख रहे हैं कि तुमसे बनता है या नहीं बनता है। एक मिनट बना कर तो दिखाओ यार, बहुत अभी समय तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है। 2-4 क्वेश्चन करो, ट्रेन वाला करवा देते हैं, उसके बाद तुम्हारा हम इधर से हो जाएगा क्लियर छुट्टी। हाँ छुट्टी, चलो ट्रेन वाला 2-4 सवाल कर लो, और एक 2-4 सवाल टाइम एंड वर्क का करवा देते हैं, 2 सवाल तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का, बस 2-2 सवाल सबका करवा देते हैं।
जो एकदम बज ही जाएगा सर, 5 बज जाएगा ऐसे और छुट्टी कर दीजिएगा। आप भी सर कटौती कर रहे हो। दो दो सवाल और कर लो, दो दो सवाल। ये सर 5 बज जाएगा ऐसे, दो दो कीजिएगा। अब ऐसे भी नींद तो खराब हुआ ही है, तो चलो और खराब करते हैं। ये सर 5 बजे 6 बजे और दो रोज रेस्ट कर लेंगे सर। 9 सेकंड इसको सर फोड़ दो अभी, मैं कहूंगा तब तो कुल मिलाकर 0 ही हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो 150 लंबी रेलगाड़ी एक और 150 लंबी रेलगाड़ी है, मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो इसको क्या कर लो कि पहले छोटा बना लो, तो 60 को पहले करना छोटा बना, तो छोटा से करेंगे तो 9 सेकंड सर, 4 नंबर आंसर होगा सर। ठीक है, तो इसको काटो, तो 6 से काटो, 6 × 18 6 × 10 = 60 मतलब 50/3 मीटर प्रति सेकेंड से ये चल रही है। ठीक है, देखो मेरा लैपटॉप जवाब दे रहा है, गरम गरम तो क्या बताएं क्या हो गया है। अभी चाय बनाएंगे ना सुबह सुबह, तो लैपटॉप एग्जॉस्टर लगा लीजिए सर, कूलिंग पैड नहीं है नीचे लगा दीजिए। नहीं है, वही बात तो है, जैसे IQ00 में सर लगा रहता है एग्जॉस्टर गेम खेलने के लिए, कूलिंग पैड रहता तो। देखो ये 71,000 इस लैपटॉप का दिए फिर भी देखो गेम वेम वाला नहीं, सो कंप्यूटर खराब हो जाएगा सर, इसलिए बंद कर दीजिए इसको। सुबह सुबह विश्वकर्मा के नाम बताओ यार क्या ये सर, वो खराब हो जाएगा फिर आप कल से पढ़ा नहीं पाएंगे सर। फूल जाता है, फूल जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। हाँ सर वो फूल जाएगा फिर ब्लास्ट हो जाएगा सर। सर 5 तक कर दीजिए, पाँच मिनट और करवा दीजिए, 4 बज जाएगा छोड़ दीजिए। पाँच मिनट बोल रहे हैं सर, ये ज्यादा हो रहा है इसका समय की। सही बोले, 5 मिनट करवाइए बंद कीजिए, अगर आप 4 मिनट बचा हुआ लेना भी इतना अच्छा नहीं है सर, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा है भगवान, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा है भगवान। सर ये लोग चाहती है आपका 71,000 बुड़ जाए, 71,000 चल जाए, इसी कारण सर बद्दुआ मत दीजिए सर। अरे नहीं आज सब कोई एक मिनट करके आया हुआ है, जानते हो जान से करेगा तो 9 बजे तक पढ़ाइए ना, जान से ज्यादा प्यारा है। देखो ये तो सीधा 9 ही बजे बोलता है, ये इतना सोचता भी है 9 बजे बोलता है, नेक्स्ट लेवल का है। पता है 5 घंटा जितना क्लास की है ना उतना अभी बाकी है 9 बजने में, अभी नींद नहीं आता ये लग गया ये लोग का। देखो ये अभी चल पेने नहीं चाहिए। सर हो गया सर, हमला सुन के फिर से नींद भाग गया, भाई विदा बना लिया। अब बताइए 9 बजे सर, देखो लैपटॉप आप सर से मस्ती करिए, हम सबकी लास्ट मोमेंट पे अपना मूड बदल देगा। देखो देखो लैपटॉप को देखो सर, 3 मिनट और करवा दीजिए क्लास को, सर बोल रहे हैंग कर जाएगा, अब करने लगा मजाक सर, डाउन हो ही रहे हां सर, बंद कर दीजिए बद्दुआ मत दीजिए सर। देखो देखो सर ये पांडे को नवे सा बद्दुआ ही लगता है उसके, देखो लग गया देखो सर क्लिक था। ओम शांति ओम ओम शांति ओम ओम शांति ओम, अरे देखो कितना हल्ला हो रहा है, शांत रहो ना, इसका दिमाग है। अरे कौन हल्ला कर रहा है, शांत ही रहना है क्या, प्रेस हो गया अब तेरे फिर तो पड़ी है। देखो अब देखो आ जाओ 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी
जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 540 बना के दिखाओ ना, करवाए हैं। बन गया है सर, 48 सेकंड सर। नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा तो छुट्टिया ना देंगे। हाँ सर, 48 सेकंड सर बना दिए सर। तो देखो 54 किलोमीटर घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 540 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय। तो देखो खाली जोड़ देगा सर, 54 से 180 में जोड़ देगा, 720 हो गया, उसको निकाल देंगे, हो गया। लग गया ना, ऐसा ही नहीं लिखा रहा है सर, ये होता है पावर। ऐसा बोल दिया है कि हम लिख रहे हैं, लिखा दूती, देखो क्या हो रहा है, देखो लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम, मीट रहा है। सच में लग गया क्या? नारी का शक्ति है सर, जो भी बचा हुआ सर प्लीज, नारी का शक्ति अब वॉइस का भक्ति है सर। सर इसमें से कोई हमको देना सर, आपको बाप रे बाप बदुआ बन जाता है, काम करने लगेगा सर, जो भी बचा हुआ वो भी शटडाउन हो जाएगा, इसलिए हल्का सर टहलने भी जाना है सर अब। एक मिनट है सर, हम लोग एक नया ग्रुप बना देंगे, प्रैक्टिस करेगा कुछ इनका क्लास के बाद कि सुने नहीं, अभी जगल है हम आओ ना। तो हाँ, पांच तक करते एक घंटा चाहे छह तक आओ ना। हम भी वही करेंगे अभी मुकुल से। कॉल करना अभी अपने। ठीक करते जल। देखो अब जो चले भगवान की कृपा से रिप्लेस किए हैं इतना देर, अभी ये क्वेश्चन कम से कम कर लो। अरे यार चलने नहीं करेगा ना, मानवे नहीं करेगा, नारी शक्ति है सर। वैसे सर बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है सर, इतना बताइए सर, जो रिकॉर्ड किए हैं क्लास होगा ना सर? हाँ होगा, कल शाम में क्लास होगा, कल नहीं आज शाम को, आज शाम। 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल जिसका लंबाई, तो 54 किलोमीटर को सबसे छोड़ो, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।